हेलो माय लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेम। सो दोस्तों, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग मेटल कटिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द गेट पॉइंट ऑफ व्यू। करीब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बात करूं मैं तो लगभग 7 नंबर तक का पोर्शन इससे पूछा जाता है दोस्तों। सो दोस्तों, आइए करते हैं शुरुआत सेशन की। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वुड लाइक टू नो कि मेरी आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं दोस्तों। एक बार काइंडली आप कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, एवरीथिंग इज ऑडिबल, मैं दिखाई दे रहा हूँ प्रॉपर, आवाज वगैरह आ रही है। केवल मशीन टूल का होगा कि मशीन। रामा यादव इज आस्किंग समथिंग। ओके, हाँ बेटा, अभी केवल मेटल कटिंग होगा, मशीन टूल का एक दो दिन में कराऊंगा, ठीक है? कराऊंगा, सारा सारा रिवीजन होगा, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, डोंट वरी एट ऑल। जस्ट टेल मी, मेरी आवाज वगैरह ओके आ रही है? सब कुछ ओके एकदम? चलो, गुड गुड गुड, लाउड एंड क्लियर, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए फ्रेंड्स, सो मेटल कटिंग में स्टार्ट करूंगा आज, बट थोड़ा सा पोर्शन हमारा कास्टिंग का कल बचा हुआ तो वो भी कवर कर दूंगा, ठीक है? और ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी दोस्तों, आपको कहीं घबराने की जरूरत नहीं, कहीं जाना नहीं है, प्लेलिस्ट में आपको पूरा मिल जाएगा ये, ठीक है? चलिए तो शुरुआत करता हूँ विद माय लिटिल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम गौरव बाबू है और मैं पिछले कई सालों से गेट और इंजीनियरिंग सर्विस की फील्ड में पढ़ा रहा हूँ, और करीब 9 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे, और ये मेरे सब्जेक्ट है मैकेनिकल ब्रांच के अंदर दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, मैं खुद का प्लेटफॉर्म रन करता हूँ जिसका नाम है गेम लाइव। आपको इसका ऐप डाउनलोड करना है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में दोस्तों भी कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जो मैं गेम लाइव ऐप पे लूंगा। जैसे आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्वेश्चन सीरीज लेके आइए, तो क्वेश्चन सीरीज में क्या होता है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन जब कराते हैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, तो वहां पे क्या होता है कि इंटरेक्टिव अगर आपको क्लास को बनाना है तो वहां पे पोल सेक्शन होता है। तो यूट्यूब पर तो पोल नहीं है अभी लाइव क्लास के अंदर, तो वो पोल मिलती है आपको गेम लाइव ऐप के अंदर। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लो जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है? इसके अलावा दोस्तों, ये कुछ फीचर्स हैं मेरे ऐप के, जो कि एक हर मतलब जो एक ऑनलाइन स्टडी के लिए नीडेड है, वो सारे फीचर इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने गेट 2024 के लिए लक्ष्य बैच चला रखा है, तो इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। पूरी डिटेल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आपको लिंक पर क्लिक करना है और ऐप के अंदर जाना है। मात्र 14,999 आपको कोर्स मिलेगा, ईएमआई पे भी अवेलेबल है दोस्तों ये, और इसमें हम लोग 14 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको देते हैं। माइंड इट प्लीज, 12+2, यानी कि अगर आप गेट 2024 की तैयारी आज से करते हैं तो आपके लिए प्रॉपर एक सफिशियंट टाइम इसमें हम आपको दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज नहीं दिए दोस्तों, तो आप गलत ट्रैक पे हो, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करिए। यू कैन ज्वाइन गेम टेस्ट सीरीज जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इस टेस्ट सीरीज में सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, एवरीथिंग जो भी एक टेस्ट सीरीज के लिए चाहिए होता है ना, एनालिसिस है इसके अंदर, ठीक है? आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है? रैंक आपको मतलब रियल टाइम रैंक भी पता चलेगा आपको, किस किस जगह पे अप्लाई कर रहे हो, सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों, राइट? तो इसको जाके आप बेटा सब्सक्राइब करिए, देखिए जाके। इसके अलावा दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हो फेसबुक पर जिसका लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई एम गौरव बाबू, राइट? इसके अलावा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट मिलते रहे, आपको पीडीएफ मिलते रहे, टेस्ट पेपर्स मिलते रहे। आने वाले न्यू ईयर में मैं बहुत सारी प्लानिंग करके बैठा हूं जो मैं आपको बताऊंगा, तो आप अगर मुझसे कनेक्टेड रहेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। तो काइंडली नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जेबी लाइंस चैनल है, उसको ज्वाइन कर लें जाके। इसके अलावा डिस्कशन ग्रुप भी है, दो चीजें हैं, एक तो चैनल होता है दोस्तों, चैनल पे आप लोग क्या करते हो, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, डिस्कशन ग्रुप पे आप खुद भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है? तो वहां पे कई सारे बच्चे, करीब 800-900 बच्चे हैं, तो आप उनसे इंटरेक्ट करिए, उनके साथ जुड़िए, ताकि आप चीजों को कर पाए, ठीक है फ्रेंड्स? बाकी बॉर्स अकेडमी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर का फेसबुक पेज है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, आजकल का जमाना दोस्तों पता है क्या है, आप भी जानते हो, आजकल सारा ना ऑनलाइन काम हो रहा है, तो आपको अगर अप टू डेट रहना है तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा, मेरी टीम से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए ये जो पेजेस मैं आपको बता रहा हूँ उनको फॉलो करिए, ताकि आप अप टू डेट रहे कि कौन सा एग्जाम आ रहा है, कौन सा एग्जाम की डेट आ गई, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग विल बी देयर। और आप अगर अप टू डेट नहीं रहेंगे तो फिर बेटे पीछे रह जाओगे, है ना? तो आजकल का भागता हुआ जमाना है, तो आपको उसके साथ अपडेट रहना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, हम आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए, यू आर फ्री टू कॉल अस, आपको 3 नंबर मैंने दिए हुए हैं, टेक्निकल क्वेरी के कोई रिगार्डिंग कोई टेक्निकल क्वेरी आप कॉल कर सकते हैं, आपको कोई कोर्स रिलेटेड कोई इंक्वायरी है तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो मैंने डायरेक्टली अपना नंबर आपको दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी आईडी है गौरव बाबू gameacademy.in। इसके अलावा ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है? और क्या चाहिए दोस्तों बताओ, है कलेजा निकाल के दे दू भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या चाहिए आपको बताइए, है सब कुछ कर रहा हूँ यार मैं, जोड़ दो सही, आप आके मेहनत तो करो, आवाज वगैरह आ रही है ना बेटा प्रॉपर? चलिए, सो मेटल कटिंग स्टार्ट करेंगे, बट बिफोर दैट आई वॉन्ट कि जो हमारा कल का पोर्शन बचा हुआ है ना, उसको एक बार हम लोग कवर कर लें। तो कास्टिंग में कुछ बच्चों की डिमांड थी कि एक तो वो बता दो
जो डिफेक्ट्स होते हैं वो बता दो, और एक डिमांड ये थी कि जो ग्रेविटेशनल फैक्टर है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन बता दो या करवा दो। तो आइए देखते हैं एक बार उसको, है ना। तो स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट में कल के कास्टिंग वाले लेक्चर को कराऊंगा, एंड देयर आफ्टर विल बी स्टार्टिंग द मेटल कटिंग। कोई दिक्कत किसी को? फटाफट से बेटा लेक्चर को शेयर करते जाओ। क्या बात है सयन भाई, सर ये वाली एक्टिंग एक बार, क्या बात है, बिल्कुल करता हूँ बेटा। 2 मिनट दो बेटा, आप 2 मिनट दे दो मुझे, आपको एक्टिंग करके दिखाता हूँ, बस अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स प्लीज, ठीक है। एंड देयर आफ्टर आई विल बी गिविंग यू होल वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। बस आप लोग बताओ पढ़ाई वाले कैसे आप लोगों की, एवरीथिंग इज फाइन? मेहनत वेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो? है भाई हो बहनों, मेहनत करो लाइफ में थोड़ी सी, ठीक है। जस्ट अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स, जब तक ना आप ये सीन देख लो जरा। चलिए गाइस, सो यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग द कास्टिंग, तो फटाफट से इसको निपटा देते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नोट्स हैं ध्यान से सुनो, नीचे लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये नोट्स मैं अपडेट करके डलवा देता हूँ, अभी कल भी डाल दिए थे हमने, इसमें अपग्रेडेशन चल रहा है, और तो अपडेटेड नोट आपको नोट्स आपको मिल जाएंगे ये वाले बिल्कुल तरीके से करेक्शन के साथ। लोग को नीचे लिंक दिया होगा, उस लिंक पर क्लिक कर दो, लिखा होगा कि टू डाउनलोड द नोट्स करके, उस पर क्लिक करो, नोट्स को डाउनलोड करना अपडेटेड वाले, ठीक है। मैं उसको करवा दूंगा आज ही। चलिए तो इसमें आगे बढ़ते हैं, काफी कुछ हम कल कवर कर चुके थे, इसको प्लीज पढ़ के जरूर जाइएगा। इसमें कुछ पोर्शन मैंने जो स्किप किया है ना वो छोड़ देना, बाकी जितना मैंने कल बताया था सारा पढ़ के जाइए, ठीक है। और बेटा वीडियो को शेयर करिए फटाफट से। चलिए तो हम बात कर रहे थे बेटा, ये सब आपको खुद से पढ़ना है ना, इसमें कुछ है नहीं, मैं बताया तो कहां से आपको खुद से पढ़ना है। गेटिंग रेशियो आपको पता है? गेटिंग रेशियो जानते हैं आप लोग? गेटिंग रेशियो इसको प्लीज स्किप मत करिएगा, इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। हमारा स्क्रू होता है बेटा, फिर रनर होता है, एंड देयर आफ्टर वी हैव अ गेट, ओके। ये तो वी हैव द थ्री एरियाज, स्क्रू का डाउन वाला एरिया जिसको हम एएस बोलते हैं, ध्यान देंगे प्लीज। फिर आता है रनर, रनर का एरिया एआर, और फिर गेट का एरिया गेट एजी। सी केयरफुली, फोकस प्लीज सामने, सीक्वेंस याद रखेंगे। अगर ये पोरिंग बेसिन है, अगर ये पोरिंग बेसिन है तो बेटा लिक्विड मेटल ऐसे चल के स्क्रू पे आएगा, स्क्रू चल के रनर पे आएगा, और रनर पे के बाद फिर गेट में जाएगा। यही सीक्वेंस बनेगी ना, यही सीक्वेंस बनेगी ना, कि उल्टी बनेगी कि पहले गेट आएगा फिर रनर आएगा फिर स्क्रू आएगा? नहीं ना, सीक्वेंस ऐसे जाएगी। तो पहले क्या पढ़ा बेटा रास्ते में? पहले पढ़ा एएस, एएस ध्यान रखना, एरिया ऑफ स्क्रू एट बॉटम साइड पे, नहीं बॉटम साइड पे, ठीक है। आउटलेट बोल सकते हो आप स्क्रू का, ये स्क्रू का इनलेट है, इनलेट वाला एरिया नहीं लेना होता, ध्यान रखना। कई बार बच्चे गलती करते हैं इसमें, माइंड मार्क मार्क माई वर्ड्स प्लीज, देखो इस चीज को कि एरिया ऑफ स्क्रू एट बेस, बेस वाला एरिया लेना, ऊपर वाला एरिया नहीं लेना स्क्रू का, करेक्ट। उसके बाद रनर का एरिया, और फिर उसके बाद गेट का एरिया, ठीक है। तो इन तीनों के एरिया का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? गेटिंग रेशियो, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या बनेगी? ऊपर से नीचे की तरफ, क्लियर है। तो गेटिंग रेशियो क्या है? गेटिंग रेशियो इज एरिया ऑफ स्क्रू इज टू एरिया ऑफ रनर इज टू एरिया ऑफ गेट, करेक्ट। सर सेमेस्टर एग्जाम आ गया है। अरे बेटा आप सेमेस्टर एग्जाम आ गए, खत्म हो गए हैं, हवा बाजी। चलिए बाकी दोस्तों, चोक एरिया क्या होता है? चोक एरिया होता है मिनिमम एरिया, ठीक है। मिनिमम एरिया अमंग दीज थ्री, इन तीनों में से जो भी एरिया मिनिमम होगा वो चोक एरिया कहलाता है। चोक का मीनिंग क्या होता है? आप और हम सब जानते हैं, कहते हैं चोकिंग होगी, चोक का मतलब जाम हो जाना, जब कोई चीज का रुक जाना। तो जो भी एरिया मिनिमम होगा, जो 3 एरिया भी मैंने बताए थे, उसमें से वॉट एवर द एरिया मिनिमम, दैट विल बी टर्म्ड चोक एरिया। चोक एरिया के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट स्टिल आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, ठीक है। चोक एरिया इक्वल टू एम अपॉन रो सी डी पी एफ अंडर रूट 2GHT, ठीक है। 2GHT ये वही एच टी है बेटा कल वाला, 2GHT, ठीक है। तो यहां पे मास, एम इज द मास ऑफ द कास्टिंग, रो इज द डेंसिटी ऑफ द मोल्टेन मेटल, सी डी इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, PF is the mold filling time, okay? और अंडर रूट 2GHT, तो आपको पता ही है जी तो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ST क्या होता है कल भी बताया था मैंने,
एस टी इज द हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल अबव द गेट. ओके, हाइट ऑफ द लिक्विड मेटल अबव द गेट. गेटिंग सिस्टम होता है टू टाइप प्रेशराइज. हाँ बेटा, सब सब पढ़ाया मैंने यार, गेट प्रेशराइज और अनप्रेशराइज सिस्टम. ठीक है, ओके. नाउ याद रख लेना, फॉर प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, ध्यान से देखें, फॉर प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम एरिया ऑफ चोक आपको कहां पे लेना है, एरिया ऑफ गेट पे. फॉर अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम एरिया ऑफ चोक आपको कौन सा लेना है, ए एस पे. माइंड इट प्लीज, न्यूमेरिकल आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे. लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली, फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला विल बी सेम. आपको वो कंफ्यूज करेगा दो चीजों में, वो बोलेगा कि जो सिस्टम है वो प्रेशराइज है कि अनप्रेशराइज है. ध्यान से सुने, वो बोलेगा कि जो गेटिंग सिस्टम है वो प्रेशराइज है या अनप्रेशराइज है. तो अगर प्रेशराइज गेटिंग सिस्टम है तो चोक एरिया किसके बराबर रखेंगे आप, एजी के बराबर, गेट वाले एरिया के बराबर. अभी डायग्राम बनाया था ना मैंने ये वाला, तो उसमें जो गेट का एरिया होगा वो आपको लेना है, ये वाला गेट वाला एरिया, करेक्ट. और अगर उसने बोला अनप्रेशराइज गेटिंग सिस्टम, तो आपको चोक एरिया किसके बराबर लेना है, इस स्क्रू के, यानी इस वाले एरिया के. यहां से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है. न्यूमेरिकल मैंने लेक्चर्स में करा रखे हैं आपको, बाकी आपको फॉर्मूला याद रखना है. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस दोस्तों. दो तरह के कास्टिंग प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेसेस और एक होते हैं परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेसेस. एक्सपेंडेबल मोल्ड का मीनिंग होता है टेम्परेरी मोल्ड, ऐसा मोल्ड जिसमें कास्टिंग केवल एक बार बनेगी, उसके बाद आपको मोल्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रोडक्ट बाहर निकल के आएगा. परमानेंट मोल्ड होते हैं बेसिकली मेटेलिक मोल्ड, जिसमें आप कॉन्टिन्यूअसली कई सारी कास्टिंग बना सकते हैं, आपको बार बार मोल्ड को ब्रेक करने की आवश्यकता नहीं होती है. ठीक है, तो एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग में सैंड कास्टिंग हम पढ़ते हैं सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे सिलेबस में यही है. इसके अलावा शेल मोल्ड कास्टिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वैक्यूम मोल्ड कास्टिंग, सिरेमिक कास्टिंग वगैरह वगैरह, ये सारे ऐसे मोल्ड है बेटा जो ब्रेक करने पड़ते हैं. तो डिटेल में मैं इसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि हम जस्ट रिविजन कर रहे हैं और जो थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें इतना ज्यादा घुसेंगे नहीं हम लोग, करेक्ट. नाउ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग आता है, डाई कास्टिंग आता है, स्लस कास्टिंग आता है, स्क्यूज कास्टिंग आता है. ओके, तो ये सब मैं नोट्स आपको दे दूंगा, इनको एक बार आप रिवाइज करके चले जाना. मेरा आज फोकस रहने वाला है एक न्यूमेरिकल पोर्शन पे जो गेट में आता है बेटा, ठीक है, एंड वो पार्ट है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का ग्रेविटेशनल फैक्टर, ठीक है, जिसको हम जीएफ बोलते हैं शॉर्ट में. क्या बोलते हैं, जीएफ, ग्रेविटेशनल फैक्टर, जिसका मीनिंग होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कास्टिंग. सो मुझे थोड़ा इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि इस पे लास्ट ईयर गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है इस साल भी आ जाए, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है. जानते हैं क्या है ये, क्या है ये जी एफ. ओके, सो दोस्तों एज वी नो, ध्यान से देखेंगे सब लोग सामने, ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत, ये डायग्राम आपको थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है. सो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में क्या होता है, हमारे पास रोटेटिंग सिलेंडर होता है. क्या होता है, रोटेटिंग सिलेंडर. क्या होता है, रोटेटिंग सिलेंडर. उस सिलेंडर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से सिलेंडर हॉलो होता है, मोल्टेन मेटल डाल देते हैं, डाल देंगे, ये मोल्टेन मेटल यहाँ पे आ गया, ये मोल्टेन मेटल क्या करेगा, उस सिलेंडर के अंदर घूमता रहेगा, और आफ्टर सम टाइम ये मोल्टेन मेटल क्या होगा, सोलिडिफाई हो जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगा, एक हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा. जल्दी बताओ सब लोग रिप्लाई में फटाफट से, तो बेटा काम की बात करते हैं, जल्दी से रिप्लाई में यस और नो करो, सब कुछ जानते हैं हम, जस्ट रिवीजन करने आए यहाँ पे. मुझे बताओ क्या आपको ये पता है कि सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में किस तरह से हॉलो पाइप हम लोग बनाते हैं, हॉलो सिलेंडर हम लोग बनाते हैं, यस और नो करें जल्दी से कमेंट बॉक्स में, यस और नो करें फटाफट से. योगेश साकल इज सेइंग वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ग्रेट बेटा ग्रेट, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट अलाउ मी फ्यू मोमेंट्स, यस और नो करें जल्दी से. प्रणाम बेटा, प्रणाम आकेश वर्मा, सब लोग बेटा सेशन को बेटा क्या करें, शेयर करें सब जगह, 50 बच्चे आने चाहिए, 30-25 कैसे रह गए, 25-26 शेयर करो फटाफट से इसको. ओके, सो वी ऑल नो अंकित कुमार वर्टिकल में नहीं होता बेटा, वर्टिकल में जनरली नहीं होता है, उसका रीजन है क्योंकि मास ना नीचे की तरफ एक्ट करता है, मतलब जो वेट है वो नीचे की तरफ करता है, तो उसकी वजह से वर्टिकल अगर हम कास्टिंग करेंगे तो नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर की तरफ डेंसिटी कम हो जाएगी, बात समझ में आ रहा है, तो हमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी, इसीलिए वर्टिकली नहीं करते हैं इन जनरल, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का. कौन है ये, राकेश चौरस, राशक चौरसिया, क्या पूछ रहे हो बेटा. अंकित गुप्ता, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, वेरिएबल थिकनेस मिलेगी ना अगर हम देखो वर्टिकल कर देंगे. सुनो, अगर मैंने सिलेंडर को वर्टिकल कर दिया, मान लो हमारा सिलेंडर है, अब इसके अंदर मोल्टेन मेटल है, आप जो घुमा रहे हो, तो मोल्टेन मेटल, ये मान लो ये मोल्टेन मेटल है, ये रहा, पता क्या होगा बेटा, वेट की वजह से नीचे की तरफ वेट ज्यादा आएगा, तो नीचे की तरफ थिकनेस ज्यादा मिलेगी,
और अंदर की तरफ थिकनेस कम मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट नीचे की तरफ डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ऊपर की तरफ डेंसिटी कम हो जाएगी, तो बहुत बेकार प्रोडक्ट मिलकर आएगा, इसीलिए वर्टिकली नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ हम ये नहीं बोल रहे कर नहीं सकते, कर सकते हैं बट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें इनवेरिएबल वेरिएबल प्रॉपर्टीज मिलेंगी। गॉट इट? चलिए मैं आपको बताता हूं ये जो जीएफए होता क्या है, इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं बेटा। ओके, और इस पर जो न्यूमेरिकल आया वो भी देखते हैं आज। सबकी निगाह सामने रहेगी। अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं ना आपको, दिस इज माय प्रॉमिस, ऐसा जीएफ आपने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो जीएफ ग्रेविटेशनल फैक्टर बेसिकली इसको बोलते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द कास्टिंग। फोकस प्लीज सामने रखेंगे। जीएफ इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है बेटा एम वी स्क्वायर बाई आर डिवाइडेड बाय डब्ल्यू होता है एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, जीएफ क्या आ गया बेटा, लिख लो बेटा अपने नोट्स में, न्यूमेरिकल आया हुआ है इस पे, ये आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर जी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बेटा किसी को? वी स्क्वायर अपॉन आर जी, हाँ बेटा बिल्कुल ठीक अंकित भाई, उसके लिए भी तो हमें बहुत ज्यादा आरपीएम देने पड़ेंगे। परफेक्ट, नाउ सामने देखें तो क्या आ गया बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वेयर वी इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड आर इज द रेडियस, कौन सी रेडियस बताता हूं अभी, एंड जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। माय लविंग स्टूडेंट सी केयरफुली, हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिलेंडर के अंदर, हम एक सिलेंडर के अंदर ध्यान देंगे, हम एक सिलेंडर है ये रहा, इस सिलेंडर के अंदर क्या कर रहे हैं, ध्यान दें जरा, केयरफुली हम इस सिलेंडर के अंदर क्या कर रहे हैं बेटा, मटेरियल को रोटेट करते हैं। ठीक है, अब सपोज आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कुछ इस तरह से कि एक सिलेंडर है, मतलब हॉलो सिलेंडर की मैं बात करूं एक मिनट, तो आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक हॉलो सिलेंडर हम लोग बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, मैं बात करने जा रहा हूं एक्चुअली आर की, हमें इसमें कौन सा आर लेना है। तो एक हॉलो सिलेंडर सपोज हम बना रहे हैं, अभी इसको हॉलो सिलेंडर मानते हैं, ये हमें सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाना है, तो बेटा इसकी दो रेडियस है, एक रेडियस हो गई ये आर इंटरनल, एक रेडियस हो जाएगी ये आर आउटर। तो ध्यान से सुनो, हमें यहाँ कौन सी रेडियस लेनी चाहिए, इस पर बड़ी बहस चली और इस पर काफी सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं आपको क्लियरली बता दूं, और ये हमेशा से होता है, फॉरेन राइटर्स ने बोला है कि ना तो आप आउटर लो ना इनर लो, आप लो मीन रेडियस, क्या लो मीन रेडियस। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, आप समझिए सिलेंडर के अंदर लिक्विड मेटल रोटेट कर रहा है, उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, विच रेडियस शुड वी टेक, अकॉर्डिंग टू फॉरेन राइटर्स आप बुक्स को देखेंगे तो वहां पे बहुत सारों ने मीन रेडियस ले रखी है, कुछ ने इंटरनल भी ले रखी है, कुछ ने आउटर भी ले रखी है, बट हमें किसके हिसाब से चलना है बेटा, हम गेट का पेपर दे रहे हैं, गेट का पेपर कौन बनाता है, आईआईटी आईएससी, तो हमें उनके हिसाब से सोचना है। तो 2021 में क्वेश्चन आया था तो उस पर थोड़ा सा हुआ था कॉन्ट्राडिक्शन, बट हमें आईआईटी की बात माननी है, तो आईआईटी ने उस टाइम पे आर नॉट लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है आर नॉट, तो आपको आउटर रेडियस से सॉल्व करना है, आपको किसी ने क्या पढ़ाया है या मैंने बताओ क्या पढ़ाया है, डज नॉट मैटर, हमें आईआईटी के हिसाब से चल रहा है। तो आईआईटी ने क्या लिया होता बेटा आर नॉट, तो कल को अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है इसमें तो आप क्या लेंगे बेटा, क्या लेंगे जल्दी बता दो मुझे, आर नॉट। ठीक है, आउटर रेडियस यू विल सेलेक्ट, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत? आपको इंटरनल और आउटर रेडियस दी जाएगी, तो मीन नहीं लेना बेटा, जब तक वो बोले ना तो कुछ भी, तब तक आपको मीन नहीं लेना है, आपको आउटर लेना है। गॉट इट? तो यहां पर गलती मत करिएगा दोस्तों, ओके यहां पर गलती मत करिएगा बिल्कुल भी। Now, इसको थोड़ा सा बेटा हम क्या कर लेते हैं, इसको और ओपन कर लेते हैं, ध्यान दें, ग्रेविटेशनल फैक्टर इक्वल टू बेटा वी क्या होगा, पाई डी एन बाई 60 लिख सकता हूं, पाई डी एन बाई 60, हाँ या ना, और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। फोकस सामने रखना बेटा जरा, जी एफ इक्वल टू ध्यान देंगे पाई स्क्वायर डी स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन
60 स्क्वायर आर जी लिख सकता हूं, जी एफ इक्वल टू पाई स्क्वायर, बेटा डी को लिख सकता हूं मैं टू आर बिल्कुल लिख सकते हैं, डायमीटर को टू आर लिख सकते हैं, स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर आर जी। तो फाइनली क्या आ गया बेटा, गर्लफ्रेंड आ गया। अरे यार जी एफ का मतलब ग्रेविटेशनल फैक्टर है, गर्लफ्रेंड नहीं है, प्लीज सामने देखना ठीक है, फोकस प्लीज सामने, पाई स्क्वायर ठीक है फोर आर स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर, और कितना आ गया बेटा ये आर जी, एक आर से एक आर आप कैंसिल आउट कर सकते हो। तो ध्यान दें जो गेट में क्वेश्चन आया था वो ये आया था कि आपको जीएफ दिया गया था, उसने आरपीएम पूछा था कि इस जीएफ को अचीव करने के लिए आरपीएम कितने रखने चाहिए, जो सिलेंडर हमारा जो रोटेट करता है वो कितने आरपीएम से घूमना चाहिए। तो गेट में आरपीएम के ऊपर क्वेश्चन आया था, आप चाहो तो उसको घर पे जाकर आज कर सकते हो ठीक है। तो यहां से एन निकाल लेंगे बेटा हम लोग, एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा जीएफ, जीएफ इंटू 60 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर इंटू जी डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर फोर और आर। यहां से इसको रूट को इधर ले जाना बेटा, यहां से रूट को इधर ले जाना, इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द एन। तो लिख लो फटाफट से बेटा अपने नोट्स में इसको, हरी अब इसको अपने नोट्स में डाल लो। ओके वेर एन इज द आरपीएम राइट, मैंने 60 से डिवाइड किया हुआ तो वो आरपीएम है, आरपीएस नहीं है, माइंड इट प्लीज, नोट इट डाउन। तो गेट में न्यूमेरिकल आया हुआ 2021 में करके देखो एक बार, ग्रेविटेशनल फैक्टर आई थिंक 60 कुछ दिया हुआ था, गोनो रेडियस दी हुई थी वगैरह वगैरह, जी की वैल्यू 10 दे रखी थी, पूछ रहा था कि आरपीएम बता दो, तो आरपीएम बता दोगे दोस्तों, आरपीएम बता दोगे, ये क्या हो गया इसमें भाई राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। Now, दोस्तों आप सुनो काम की बात, कौन सी बात, काम की बात, सी केयरफुली, यहां तक तो हम कर लेंगे ठीक है हो गया। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू द व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ जीएफ, ये जीएफ का फिजिकल मीनिंग क्या है, व्हाट इज द फंडा, ये जीएफ हमें बताता क्या है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ दिस जीएफ, तो वो एक बार मैं समझा देता हूं आपको, ध्यान से सुनना बेटा ठीक है, कि फिजिकल मीनिंग क्या है जीएफ का, सी केयरफुली, ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा। अब दोस्तों एक चीज ध्यान में दो जरा, सब लोग ध्यान से देखो, यहां पे देखो, यहां पे पाई कांस्टेंट है, डी कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज एन। तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो जीएफ का रिलेशन है वो रोटेशन से है, किससे है, रोटेशन से, आरपीएम से है, क्लियरली दिख रहा है बेटा, सब लोग सामने देखेंगे, अब सबकी निगाह सामने, और मैं जो सिखाना चाह रहा हूं उस पर फोकस करें, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीएफ, शायद आपको ये नहीं पता चलेगा, मैं बताता हूं क्या मतलब है इस बात का, ध्यान देना बेटा जरा, सोचो ये है वो रोटेटिंग सिलेंडर, ये कास्टिंग नहीं, रोटेटिंग सिलेंडर जिसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिक्विड मेटल पोर करने वाले हैं, ध्यान देना जरा, ध्यान देना बेटा, ये वो रोटेटिंग सिलेंडर है, लिसन केयरफुली, ये वाला, ये वाला, इस सिलेंडर की बात कर रहा हूं मैं ठीक है। तो सी केयरफुली, इमेजिन करो कि ये रोटेटिंग सिलेंडर है, फोकस प्लीज सामने रखना, और अभी आरपीएम की वैल्यू जीरो है, एन इज जीरो, और आपने लिक्विड मेटल पोर कर दिया, ध्यान देना ये लिक्विड मेटल है, क्या होगा बेटा, सिलेंडर बनेगा क्या, समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ये है वो रोटेटिंग सिलेंडर, रोटेट जो करेगा, ये रोटेट करेगा, वो वाला सिलेंडर है, माइंड इट प्लीज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आरपीएम की वैल्यू जीरो है तो क्या ये लिक्विड मेटल घूमेगा, घूमेगा नहीं घूमेगा, हां जी सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, तो आने वाला है मजा। अब मैं थोड़ा सा इसको लिंक करूंगा जरा बेटा, जीएफ से लिंक करूंगा इसको, मैं गर्लफ्रेंड से लिंक करूंगा, सामने देखना जरा, हंसने की जरूरत नहीं है आपकी, आपको ना कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं आपकी, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ जीएफ, जीएफ को एक निकली गर्लफ्रेंड समझो, क्या समझो, गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड, एन एन मतलब चक्कर लगाना, चक्कर लगाना, चक्कर की वैल्यू कितनी है जीरो, चक्कर की वैल्यू कितनी है जीरो, तो बेटा यहाँ पे एन की वैल्यू जीरो पुट करना, तो जीएफ की वैल्यू क्या आएगी, जीएफ की वैल्यू आएगी जीरो, आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि अगर आप चक्कर नहीं कटेंगे गर्लफ्रेंड के घर के, तो गर्लफ्रेंड मिलेगी नहीं बेटा आपको, गर्लफ्रेंड की वैल्यू क्या होगी जीरो। तो एक नियम तो यह है कि गर्लफ्रेंड अगर बनानी है तो चक्कर काटने पड़ेंगे, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बताओ,
जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। अगर एन की वैल्यू जीरो है, चक्कर नहीं काटोगे तो गर्लफ्रेंड की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। यानी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए आपको चक्कर तो काटने पड़ेंगे, परफ्यूम तो लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना, अब मैं तो समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज मैंने क्या समझाई कि जब एन जीरो है तो जीएफ जीरो होगा, क्लियर करा मुझे यहाँ से? ओके। यानी गर्लफ्रेंड कब आएगी? जब आप चक्कर काटोगे। तो ध्यान देना, चक्कर भी कैसे काटने वो समझो जरा। जैसे जैसे आप चक्कर काटना स्टार्ट करोगे, जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे, ध्यान देना, ध्यान देना सब लोग, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ाओगे, ध्यान देना सब लोग, अब जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो ये आप इमेजिन करो, आपने इसको रोटेट करना चालू किया, सिलेंडर को रोटेट करना चालू किया, फोकस प्लीज सामने, फोकस प्लीज सामने, सिलेंडर रोटेट करना चालू किया, धीरे धीरे आपने आरपीएम को बढ़ाया। व्हाट विल हैपन? ये जो लिक्विड मेटल अभी नीचे बैठा हुआ था, ये क्या करेगा? ये ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा। क्यों गिर पड़ेगा भाई, क्यों गिर पड़ेगा, जल्दी बताओ। आपने क्लॉकवाइज रोटेशन दे देना चालू किया इस सिलेंडर को, तो लिक्विड मेटल भी उसके साथ घूमना चालू करेगा, लेकिन आरपीएम की वैल्यू भी कम है, तो क्या होगा? ये लिक्विड मेटल जाएगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा। क्यों गिर पड़ेगा भाई, क्यों गिर पड़ेगा? क्योंकि ग्रेविटेशन, ग्रेविटी ग्रेविटी काम करे, नीचे गिर पड़ेगा। समझ पा रहे मेरी बात को? तो एन जीरो था तो गर्लफ्रेंड थी ही नहीं। अब आपने कुछ एन दिया तो यस, गर्लफ्रेंड कुछ बनी, उसकी कुछ वैल्यू आई, आएगी कि नहीं आएगी? जब एन की कुछ वैल्यू दोगे आप तो गर्लफ्रेंड की वैल्यू आएगी, लेकिन गर्लफ्रेंड की वैल्यू तो आ गई, बट वो गर्लफ्रेंड इतनी सफिशियंट नहीं है अभी कि वो इस ड्रम को, इस रोटेटिंग सिलेंडर को पकड़ ले, चिपक जाए उससे। अभी नहीं चिपकेगी, अभी ये मेटल चिपकेगा नहीं, डिटैच होता रहेगा। ये लिक्विड मेटल थोड़ा सा ऊपर जाएगा, डिटैच हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये लिक्विड मेटल इस सिलेंडर के साथ रोटेट करे, इफ यू वॉन्ट कि ये लिक्विड मेटल सिलेंडर के साथ रोटेट करे, देन आपको गर्लफ्रेंड की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। वो कब बढ़ेगी? जब आप और चक्कर काटोगे, जब आप आरपीएम को और बढ़ा दोगे, यानी एन अगर आप और बढ़ा दोगे तो गर्लफ्रेंड की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। और जैसे ही गर्लफ्रेंड की वैल्यू आप बढ़ाओगे, होगा बेटा ध्यान से सुनो, अब आपने आरपीएम और तेज कर दी, आरपीएम और तेज कर दी, आरपीएम और तेज किए, तो ये लिक्विड मेटल थोड़ा बढ़ जाएगा लेकिन फिर नीचे गिर पड़ेगा। आप और आरपीएम बढ़ाओगे, लिक्विड मेटल और ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे गिर पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप आरपीएम बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे गर्लफ्रेंड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और जो बंदा बेटा गर्लफ्रेंड की वैल्यू बढ़ाएगा, जो अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर काटेगा दिन रात, वही गर्लफ्रेंड क्या करेगी? उसको हक करेगी। अब इस बात को गलत मत ले जाना आप, हम बहुत लोगों को करते लाइफ में, आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अगर ये लिक्विड मेटल जब तक इस रोटेटिंग सिलेंडर से चिपक के नहीं चलेगा, हक करके नहीं चलेगा, क्या हॉलो सिलेंडर आपको मिलेगा? जल्दी बताओ मुझे, ये लिक्विड मेटल इस सिलेंडर से चिपकेगा नहीं, तो इसके साथ एक एक सेम आरपीएम से घूमेगा नहीं, क्या तब तक सिलेंडर बनेगा? तो सिलेंडर बनेगा, कास्टिंग बनेगी? नहीं बनेगी ना, कोई नहीं बनेगी। इसलिए हम क्या चाहते हैं, लिक्विड मेटल इस सिलेंडर से चिपके। कैसे चिपकेगा? जब आप गर्लफ्रेंड की वैल्यू बढ़ाओगे, यानी जीएफ बढ़ने का मतलब होता है गर्लफ्रेंड, यानी ग्रेविटेशन फैक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा, अच्छे से ये लिक्विड मेटल उतना ही अच्छे से लिक्विड मेटल इससे चिपकेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या कर देना चाह रहा हूं, जीएफ बढ़ने का फिजिकल मीनिंग ये होता है, अगर जीएफ बढ़ रहा है तो हमारा लिक्विड मेटल पूरे सिलेंडर के साथ, जो अभी तक ऐसे ऐसे फैला हुआ था, वो पूरे सिलेंडर के साथ क्या करेगा? कुछ इस तरह से आ जाएगा। वट इज द मीनिंग? समझ पा रहे वट आई ट्राइंग टू से? क्लियर हुआ? यानी कि जीएफ बढ़ने का मीनिंग, जब आप गर्लफ्रेंड को तवज्जो दोगे ना, तब जाके बेटा गले मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। सीधी बात है, चक्कर काटने पड़ेंगे आपको, आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ेंगे, तब जाके वो, तब जाके वो क्या होगी? तब जाके वो हक करेगी। हक करने का मीनिंग समझ रहे हैं यहाँ पे आप? तो जाके वो इस वाले रोटेटिंग सिलेंडर को कस के पकड़ लेगी, तब जाके क्या बनेगा हमारा, तब जाके हमारा होलो कास्टिंग बनेगा। कितने लोगों को समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो जीएफ बढ़ने का फिजिकल मीनिंग होता है, जीएफ बढ़ने का फिजिकल मीनिंग होता है, एवरी पार्टिकल को एक सिलिंड्रिकल शेप में ला देना। समझो, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे, जैसे जैसे आरपीएम बढ़ेंगे, वैसे वैसे जीएफ बढ़ेगा, जैसे जैसे जीएफ बढ़ेगा हमारा लिक्विड मेटल सिलेंडर से चिपक जाएगा, और सिलेंडर से चिपक जाएगा तब जाके ही तो होलो सिलिंड्रिकल कास्टिंग मिलेगी। तो समझ आया, अगर आपने जीएफ को नहीं बढ़ाया, अगर जीएफ की वैल्यू कम होगी, जीएफ की वैल्यू कम होगी, तो ये मेटल ऊपर जाके नीचे गिर पड़ेगा, और कभी भी आपको एक होलो सिलेंडर नहीं मिलेगा। यस और नो? एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली। यानी कि गर्लफ्रेंड जी, एक बच्चा बोल रहा है कि जीएफ शुड बी ग्रेटर देन वन। यस, ग्रेटर देन वन होगा बेटा ऑलवेज, और वन क्या होगा? काफी ज्यादा वैल्यू होगी इसकी, 30, 40, 50, 60।
आर गेटिंग माय पॉइंट? सो डीएफ फिजिकल मीनिंग समझो, फिजिकल मीनिंग का समझ में आया मेरे, कि डीएफ अगर बढ़ेगा तभी जाके कास्टिंग अच्छी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, अदरवाइज लिक्विड मेटल टपकता रहेगा नीचे की तरफ। तो हम ये चाहते हैं कि वो लिक्विड मेटल सिलेंडर के साथ रोटेट करे, सिलेंडर के साथ सिलेंडर के आरपीएम से रोटेट करे। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब डीएफ की वैल्यू बढ़ेगी। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो एन बढ़ने से क्या होगा? आरपीएम बढ़ने से, इसके पीछे कुछ सिंपल लॉजिक है, आरपीएम बढ़ने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा, और जैसे जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल हमारे इस रोटेटिंग सिलेंडर से चिपक के चलेगा। यानी कि आपको क्या करना है, अगर इस मेटल को रोटेटिंग सिलेंडर से चिपकाना है तो क्या करना पड़ेगा? रोटेटिंग सिलेंडर से चिपकाने का मीनिंग समझ लो, हक करना है इसको, उसको चिपक के रखना है। तो ये कब पॉसिबल है? जब आप तवज्जो दोगे जी को, जीएफ को, ठीक है? जब जीएफ की वैल्यू आप बढ़ाओगे तब जाके बेटा वो चिपकेगा, अदरवाइज नहीं चिपकेगा। बात खत्म भाई, क्लियर अप टू ईयर? चलिए अब इसके अलावा भूलेंगे तो नहीं, अब आप लोग इसको याद कर लेना बेटा, ठीक है? ये फॉर्मूला प्लीज याद रखिएगा, इसको घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कास्टिंग डिफेक्ट्स की बात बच्चों ने कल की थी कि सर कास्टिंग डिफेक्ट जरूर करा देना, तो मैं इसको भी करा देता हूं। लेकिन केयरफुली दोस्तों, कोई सा भी प्रोसेस आप पढ़ रहे हो, चाहे वो वेल्डिंग है, चाहे वो कास्टिंग है, चाहे वो कुछ भी है, कोई भी प्रोसेस आप पढ़ के जा रहे हो, आप डिफेक्ट नहीं छोड़ के जाओगे। डिफेक्ट जरूर पढ़ के जाएगा, क्योंकि इससे बेटा क्या बनता है, इस पर क्वेश्चन बनते हैं। सो आइए, कास्टिंग्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, जो सबसे पहला होता है गैसियस डिफेक्ट्स। ओके, गैसियस डिफेक्ट्स में आते हैं बेटा ब्लो होल्स, स्कार, ब्लिस्टर एंड पिन होल्स। ओके, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज दिस इज कास्टिंग, तो इस तरह के अगर होल्स बने हुए हैं उसमें, दे आर कॉल्ड द ब्लो होल्स। ओके, नेक्स्ट है स्कार। स्कार कुछ नहीं होता, स्कार बेटा अगर कॉर्नर में कहीं पर इस तरह का होल बन जाता है कास्टिंग के अंदर, इसको बोलते हैं स्कार, ठीक है? रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है ये। अगर स्कार के ऊपर कहीं पे भी एक पतली मेटेलिक स्ट्रिप रह जाती है, वो कहलाती है ब्लिस्टर। पिनहोल्स क्या होते हैं? पिनहोल टिनी होल्स होते हैं, जो काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं एक साथ, इनको बोलते हैं पिनहोल्स। तो दे आर बेसिकली गैसियस डिफेक्ट, जो गैस के इंक्लूजन से होते हैं। जब गैस हमारी ट्रैप हो जाती है, एंट्रैप हो जाती है बॉडी के अंदर, तब जाके ये हमें डिफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है? तो ब्लो होल्स, स्कार, ब्लिस्टर एंड पिनहोल्स, आपको नाम याद रखने हैं इनके। स्लस कास्टिंग पर यस एक छोटा सा फॉर्मूला बन रहा है, बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। थिकनेस के ऊपर होता है बेटा वो, ब्लिस्टर वो जो स्कार को ढक दे। परफेक्ट बेटा अंकित गुप्ता, बिल्कुल ठीक, ठीक है? ये स्कार है, अगर मैं इसके रेक्टेंगल कर देखूं तो स्कार कहलाएगा, और अगर इसके ऊपर कोई मेटेलिक लेयर आ गई पतली सी, तो वो क्या कहलाती है? ब्लिस्टर कहलाती है, बिल्कुल ठीक है। ओके, इनको कैसे हमें रिड्यूस करना है? परमिबिलिटी इंक्रीज कर दो, जिससे गैस बाहर निकल जाएगी, ग्लो होल बचेंगे नहीं, कोई होल बचेंगे नहीं। मॉइस्चर कंटेंट कम करो, क्योंकि मॉइस्चर क्या होता है, जब गरम गरम लिक्विड मेटल के संपर्क में आता है तो क्रिएट करता है वेपर, वो वेपर अल्टीमेटली गैस होती है, तो वो भी एंटर कर सकती है। ड्राई सैंड मोल्ड कास्टिंग यूज करिए, ग्रीन सैंड की जगह पे ड्राई सैंड की कोशिश करिए, और प्रॉपर हीटिंग कर दो मोल्ड की, सो दैट कि उसका मॉइस्चर बाहर निकल जाए। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है अंकित भाई, थोड़ा सा सबर दो, सबर रखो, ठीक है? नाउ इसके अलावा मोल्ड मटेरियल मेथड्स डिफेक्ट्स, मोल्ड मटेरियल मेथड डिफेक्ट्स ध्यान से देखेंगे। पेनिट्रेशन, मोल्ड क्रैक्स एंड स्कैम, ठीक है? तो कुछ नहीं है दोस्तों, अगर मटेरियल कास्टिंग का ध्यान देंगे कुछ इस तरह से मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन। ओके, अगर मटेरियल कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ रह जाएगा, इसको बोलते हैं स्कैम। ओके, मोल्ड क्रैक तो आपको पता ही है कि क्रैक्स आ जाते हैं जो। ओके, सो ये हो गया पेनिट्रेशन, ये हो गया स्कैम। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है ताकि हमने अच्छे से रैमिंग नहीं करी, मिट्टी को हमने ढंग से कूटा नहीं है। कूटा नहीं है तो मिट्टी अंदर से कैसी रहेगी? है पोरस रहेगी। अब जब पोरस रहेगी तो मेटल उसके अंदर घुस जा रहा, पेनिट्रेट कर जा रहा है, तो वहां से ये वाले डिफेक्ट जनरेट होते हैं। ओके, बाकी स्वेल एंड रेड टेल। स्वेल क्या होता है ध्यान से देखो, स्वेल, स्वेलिंग, स्वेलिंग। आपको कोई मुक्का मार दे तो आपका गाल सूज जाएगा, सूजना, उसको स्वेलिंग बोलते हैं, ठीक है? तो वहां से आया स्वेल। तो जैसे इधर देखें, मेटल जब आता है और मान लो मिट्टी ढीली है, मतलब आपने रैमिंग अच्छे से नहीं की है, उसके अंदर स्ट्रेंथ कम है, तो हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की वजह से लिक्विड मेटल मिट्टी को धक्का मारता है और कुछ इस तरह का शेप ले लेगा फिर। तो ये क्या हो गया, ध्यान दें यहाँ पे,
हमारी कास्टिंग कैसी हो गई, वर्टिकल बननी चाहिए थी बट सूज गई, सूजा हुआ दिखाई दे रहा ना ये, अरे आपको कोई मुक्का मार दे गाल में तो सूज जाएगा ना, तो ऐसे सूजा हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये ऐसे होना चाहिए था प्रॉपर वर्टिकल बट सूज गया ये, इसको बोलते हैं स्वेल, क्या बोलते हैं बेटा स्वेल। ओके नाम आपको याद रखना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है नाम याद रखना। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, रेड टेल, कई बार मिट्टी ढीली रह जाती है, जगह मिलती है उसको और वो क्या होती है बेटा इस तरह से पेनिट्रेट कर जाती है, किसके अंदर, मिट्टी के अंदर। तो कास्टिंग बननी थी रेक्टेंगल लाइक दिस, बनी कैसी है ऐसी, तो ये पूंछ की तरह दिखाई दे रहा है, पूंछ चूहे की पूंछ, तो वहां से नाम आया रेड टेल। ठीक है चलो अंकित गुप्ता मैं करा दूं बेटा, परेशान मत हो, वो भी करा दूं, वो भी रिवाइज करा दूं, दो मिनट दे दो मुझे। ओके डर्ट एंड ड्रॉप, डर्ट एंड ड्रॉप, ठीक है, नीचे कोई मिट्टी का पार्टिकल दब जाए डर्ट, ऊपर आ जाए ड्रॉप, मिट्टी का पार्टिकल अगर यहां पे आ जाए कास्टिंग के इधर, उसको क्या बोलेंगे बेटा ड्रॉप, तो नीचे आ रहा है डर्ट ऊपर आ रहा है ड्रॉप, कोई दिक्कत, मिट्टी के पार्टिकल सही है और कुछ भी नहीं है। डिफेक्ट्स में क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेगा, डिफेक्ट्स में वो आपसे ये पूछ सकता है, डिफरेंट डिफेक्ट्स के नाम दे देगा आपसे, ये डिफेक्ट्स में ये पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग, कि कौन सा डिफेक्ट कहां है, या डिफेक्ट्स दे देगा और उनके उनके कारण पूछ लेगा ये डिफेक्ट क्यों क्यों आ रहा है। लेकिन मैं पॉइंट डिफेक्ट्स में या तो मैच द फॉलोइंग बनेगा कि भैया कास्टिंग का है कि वेल्डिंग का है या किसका है, मान लो पांच इधर डिफेक्ट्स का कॉलम बना देगा, उधर उधर प्रोसेस का कॉलम बना देगा, है ना, कि ये डिफेक्ट कौन से प्रोसेस का है और ये डिफेक्ट कहां से आ रहा है, या वो डिफेक्ट्स में ये पूछेगा कि ये जो डिफेक्ट्स है ये इनका कारण क्या है, ये क्यों आ रहे हैं, गॉट इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा बेटा। ठीक है योगेश भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, गेटिंग डिजाइन डिफेक्ट, वॉश एंड कट या श्रिंकेज कैविटी, ध्यान से देखेंगे बेटा, वॉश एंड कट बेसिकली गेट पे होता है, अगर ये हमारी मेन कास्टिंग है और ये है गेट, इस जगह पे मटेरियल रिमूव हो जाता है, जो हमारी मिट्टी है वो टूट जाती है इम्प्रॉपर डिजाइनिंग की वजह से, लेट्स इमेजिन की डायमीटर चाहिए था 10 mm, आपने बनाया 5 mm, तो वहां पे क्या होता है फोर्सेस लगते हैं, फोर्सेस की वजह से मटेरियल गेट के पास हट जाएगा वहां से, तो वहां पे जो डिफेक्ट क्रिएट होगा उसको बोलते हैं वॉश, बोलते हैं वॉश या कट। क्या बोला मैंने, मटेरियल आ रहा है लिक्विड मेटल रनर के थ्रू आ रहा है और ये गेट है, तो गेट के पास मिट्टी इरोड हो जाती है, जब मिट्टी इरोड हो जाती है तो वहां से क्या होता है डिफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है भाई, जो शेप हमें चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, इस डिफेक्ट को बोलते हैं वॉश या कट। श्रिंकेज कैविटी क्या होती है, सपोज यहां पर राइजर लगा हुआ था, राइजर सोलिडिफाई हो गया, इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन करी आपने, इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन करी, राइजर सोलिडिफाई हो गया पहले ही, लेकिन ये जो लिक्विड मेटल है अभी भी श्रिंक कर रहा है क्योंकि राइजर तो सोलिडिफाई हो गया, तो श्रिंक करता जा रहा, तो क्या होगा बेटा इस जगह पे श्रिंकेज कैविटी बन जाएगी, इस तरह से हल्का सा गड्ढा दिखाई देगा आपको, ये मतलब बनना बिल्कुल प्रॉपर ऐसे चाहिए था, ये बिल्कुल स्ट्रेट बन गया, तरह कर्व बना रहा है थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या कैविटी क्रिएट हो गई, थोड़ा सा गड्ढा बन गया, कैविटी क्या होता है गड्ढा होता है ना, उसको बोलते हैं श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी आई क्यों, क्यों आई, इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन से, ठीक है, इम्प्रॉपर राइजर डिजाइन मतलब राइजर पहले ही सोलिडिफाई हो गया कास्टिंग से, कल हमने सीखा था ना राइजर हमेशा कास्टिंग के बाद सोलिडिफाई होना चाहिए, करेक्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी डिफेक्ट्स रिलेटेड टू फ्लूडिटी ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको फोकस करें, मिश्रण एंड कोल्ड शट, ध्यान से सुने, मिश्रण एंड कोल्ड शट, इम्प्रॉपर फिलिंग ऑफ द कैविटी सिंगल स्ट्रीम ऑफ लिक्विड, जब ध्यान देंगे कुछ इस तरह से, जब सपोज ये आपकी कास्टिंग है और यहां से मटेरियल आ रहा है, ये आपका मान लो स्प्रू है इधर और इधर से मटेरियल आ रहा है, ये मेटल आया और ये मेटल पूरी तरह पहुंच नहीं पाया, पहले ही फ्यूज हो गया, यहाँ पे बीच में फ्यूज हो गया, प्रॉपर फिल ही नहीं कर पाया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग,
इसको बोलते हैं मिश्रण, अंदर तक मेटल पहुंच ही नहीं पाया, पूरी कैविटी को फिल ही नहीं कर पाया, यहां पे आ गई सॉलिडिफाई हो गया, इमेजिन कर लो। इसको बोलेंगे मिश्रण, क्या बोलेंगे मिश्रण, याद रखेंगे मिश्रण में हमेशा सिंगल स्ट्रीम होगी, क्या होगी, सिंगल स्ट्रीम ऑफ लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल सिंगल स्ट्रीम होगी, याद रखें इस चीज को, गलती कर सकते हो आप लोग। मिश्रण एंड कोल्ड शर्ट देखने में एक से लगते हैं, मिश्रण एंड कोल्ड शर्ट देखने में एक से लगते हैं, लेकिन दोनों में ह्यूज डिफरेंस है। अगर सिंगल स्ट्रीम पूरी तरह से फ्यूज नहीं हो पा रही है, पूरी तरह से कैविटी को फिल नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं मिश्रण। लेकिन अगर दो स्ट्रीम आ रही है, कई बार बेटा डिपेंडिंग ऑन द साइज वी यूज नंबर ऑफ स्क्रूज टुगेदर, एक साथ दो या तीन स्क्रू यूज कर सकते हैं हम लोग, तो दो स्ट्रीम आएंगे, ध्यान देना ये स्क्रू है हमारा, ठीक है। अब यहां से भी लिक्विड मेटल आ रहा है, प्लीज फोकस। अब कायदा ये बोलता है कि दोनों स्ट्रीम मिलनी चाहिए, एक स्ट्रीम इधर से चल के आ रही है, एक स्ट्रीम इधर से चल के आ रही है, समझ पा रहे हैं, एक स्ट्रीम इधर से आ रही है, एक स्ट्रीम इधर से आ रही है, व्हाट विल हैपन, दोनों स्ट्रीम एक दूसरे से मिल नहीं पाई, दोनों ही फ्रीज हो गई, दोनों ही फ्रीज हो गई, समझ पा रहे हैं, दोनों ही फ्रीज हो गई बिफोर बिफोर कॉन्टेक्टिंग टू ईच अदर, दोनों ने कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया, पहले ही फ्रीज हो गई, व्हाट विल हैपन, इसका नाम है कोल्ड शट, क्या नाम है, कोल्ड शट, ठीक है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं कोल्ड शट। ओके, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, मिश्रण होगा जब सिंगल स्ट्रीम होगी, कोल्ड शट होगा जब दो स्ट्रीम होंगी। ओके, इसके अलावा उनकी रेमेडी दी हुई है, पोरिंग टाइम, मतलब कुल मिला के फ्लूडिटी से रिलेटेड रिलेटेड डिफेक्ट है ये, फ्लूडिटी से रिलेटेड डिफेक्ट है, फ्लूडिटी आपको कल मैंने बताई थी, तो फ्लूडिटी बढ़ा दो, कैसे बढ़ेगी, पोरिंग टेम्परेचर बढ़ा दो भाई, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी मोल्ड को कम कर दो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कोर शिफ्ट एंड मोल्ड शिफ्ट, कोर शिफ्ट क्या होता है जानते देखेंगे, सी एवरीवन, आपको एक हॉलो ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके लिए आप चाहते हो सेंटर पे होल बने, इस जगह पे, लेकिन होल कहां पे बन गया, इधर, मतलब बायोट फोर्स लगा कोर के ऊपर, कोर शिफ्ट हो गई, जिस जगह पे कोर शिफ्ट होगी वहीं पे होल आएगा, आप जानते हो ये पढ़ा रखा मैंने आपको, जहां पे कोर शिफ्ट होगी वहीं पे होल आ जाएगा, तो हम चाहते थे होल सेंटर में आए, बट कहां गया, इधर या उधर या ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है, उसको बोलते हैं कोर शिफ्ट, कोई दिक्कत, कोर शिफ्ट को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कौन बताएगा मुझे, कोर शिफ्ट को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, कोर शिफ्ट को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, चैपलेट्स लगा के, चैपलेट्स लगानी चाहिए आपको, कोर को सपोर्ट करने के लिए मोल्ड कैविटी के अंदर चैपलेट्स लगाए जाते हैं, अगर आप चैपलेट्स नहीं लगाएंगे तो कोर पे बाइंड फोर्स लगेगा जिसकी वजह से कोर ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो उसको रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, चैपलेट्स लगाने होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्लीज, एक बता लास्ट क्या बचा, मोल्ड शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट क्या होता है, जब आपके कोप एंड ड्रैग बॉक्स मिसमैच हो जाते हैं, कोप एंड ड्रैग जानते हैं ना, ऊपर वाला हिस्सा कोप कहलाता, नीचे वाला हिस्सा ड्रैग कहलाता, पता है ना, सपोज ये कोप है, ये ड्रैग है, ठीक है, कोप एंड ड्रैग, इनकी मिसमैचिंग हो गई, हमें चाहिए ये वाली कास्टिंग परफेक्टली रेक्टेंगुलर लाइक दिस, लेकिन क्या हुआ, ये मिसमैच हो गई, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, मान के चलो कोप थोड़ा इधर आ गया, तो कैसी कास्टिंग मिलेगी, ध्यान देना, कास्टिंग मिलेगी कुछ इस तरह से, फील कर पा रहे क्या हुआ है, ऊपर वाला बॉक्स इधर खिसक गया, इधर खिसक गया, तो ये वाला पार्ट थोड़ा इधर इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, ऐसे करके, ऐसे फील कर पा रहे लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मोल्ड शिफ्ट, मोल्ड शिफ्ट हो गया, मिसमैचिंग हो गई मोल्ड की, मोल्ड थोड़ा सा शिफ्ट कर गया, तो इस तरह की कास्टिंग हमें मिली जिसको बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट। तो दीज आर सम बेसिक डिफेक्ट्स, इनके नाम दोस्तों आपको याद रखने हैं, ठीक है, इससे ज्यादा आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है कि सर वो स्लस कास्टिंग के ऊपर थिकनेस वाला बता दो, यस, तो उसमें थिकनेस के ऊपर बेटा क्वेश्चन आ सकता है, वो सुन लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सारे लोग सुन लो बेटा, सब लोग साइड से, सब इसको छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो ध्यान से, स्लस कास्टिंग क्या होती है, ध्यान देना, स्लस कास्टिंग क्या होती है, ये रहा, सब लोग ध्यान से देखेंगे, स्लस कास्टिंग दे रही आपके सामने, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है बेटा, बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बिल्कुल स्किप नहीं करके ध्यान से देखो, स्लस कास्टिंग कुछ नहीं होती, हमारे पास मेटल का मोल्ड होता है, ये रहा, इस मेटल के मोल्ड में हम लोग मोल्टेन मेटल को पोर कर देते हैं, कर दिया, तो आप और हम जानते हैं जब मैंने मेटल इसके अंदर पोर कर दिया, फोकस प्लीज सामने रखना,
अब आप और हम जानते हैं कि ये क्या करेगा, ये अपनी हीट को मोल्ड को दे देगा। और सोल्डिफिकेशन कहां से स्टार्ट होगा? सोल्डिफिकेशन मोल्ड के साइड से स्टार्ट होगा, मोल्ड की वॉल से स्टार्ट होगा। तो यहां पे देखो मोल्ड की वॉल से सोल्डिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। एक बार आप लोग ये ब्लैक वाली जो पार्ट आप देख रहे हो, ये क्या है? ये एक थिकनेस बनती जा रही है धीरे धीरे धीरे, बॉडी क्या हो रही है? सूख रही है। ओके, सोल्डिफाई हो रही है। तो हमें पूरी बॉडी को सोल्डिफाई नहीं होने देना। वी विल अलाउ सम टाइम कि भैया आप अपनी हीट को रिलीज कर लो और कुछ थिकनेस बना लो। यहाँ पे कुछ थिकनेस बन गई, उसके बाद हम क्या करते हैं? मोल्ड को उल्टा कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, और बचे हुए लिक्विड मेटल को बाहर निकाल लेते हैं। जो एक्सेस मटेरियल है उसको बाहर निकाल लेंगे ये ना। अब हमें क्या मिल जाएगा? ये वाला पार्ट मिल जाएगा। इसको बोलते हैं स्लस कास्टिंग। क्या बोलते हैं? स्लस कास्टिंग। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग कास्टिंग। कुछ नहीं करना है, कैविटी के अंदर क्या कर दो, मोल्ड के अंदर लिक्विड मेटल पोर कर दो। कुछ समय के लिए उसको अलाउ करो कि ठंडा हो जाए। आप भी जानते हो ठंडा होने में होगा क्या? सोल्डिफाई तो होगा वो, तो एक थिकनेस मिल जाएगी आपको। मोल्ड को फिर से इन्वर्ट कर दो, सारा लिक्विड मेटल बाहर निकाल लो। वैसे आप लिक्विड मेटल को बाहर निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा? ये ब्लैक वाला पार्ट मिल जाएगा ना, ये रहा। इसी को बोलते हैं स्लस कास्टिंग। तो इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है भाई, इसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। क्या बन सकता है? सुनो ध्यान से। अब इसको समझने के लिए मैं आपको ले सकता हूं शोबिनो प्रिंसिपल पे। शोबिनो प्रिंसिपल हमसे क्या बोलता है, ध्यान दो। सोल्डिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस का स्क्वायर। सोल्डिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस का होता है बेटा वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया का स्क्वायर। ध्यान देना, मजा आने वाला है। फोकस प्लीज, सामने आप देखना क्या होने वाला है। तो सोल्डिफिकेशन टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा ये वी और सरफेस एरिया होगा। क्या वी क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर। ध्यान से समझना, मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? मीटर बचा। यानी कि वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया की आप यूनिट अगर देखोगे तो मीटर निकल के आ रही है। यानी कि ये जो मीटर है ये क्या है? ये ऑब्वियसली बात है, डायमेंशन होगी भाई। मीटर बच रहा है ना मेरे पास, कोई ना कोई तो डायमेंशन है ये। तो ये कुछ और नहीं होता दोस्तों, दिस वॉल्यूम अपॉन सरफेस एरिया रिप्रेजेंट्स थिकनेस। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, जैसे टाइम बीतता जाएगा, समझो मैं नोट क्या हो, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ये सोल्डिफाई तो हो रहा है भाई। अरे ये सोल्डिफाई तो हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? जो टीएस है सोल्डिफिकेशन टाइम, वो क्या हो रहा है? ये जो लिक्विड मेटल है सोल्डिफाई तो हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ बन क्या रहा है? थिकनेस तो बन रही है ये धीरे 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 धीरे। मान के चलो, इमेजिन करो, हम इसको इन्वर्ट नहीं करते, होता कि थोड़ी देर और मोटा हो जाता, थिकनेस और मोटी हो जाती, थोड़ी देर और मोटी हो जाती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? काइंडली रिप्लाई प्लीज। What is happening here? तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ये थिकनेस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। यानी हायर द सोल्डिफिकेशन टाइम, हायर विल बी द थिकनेस। समझो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थिकनेस को। कितने लोग समझ रहे हैं? तो हायर द सोल्डिफिकेशन टाइम, हायर विल बी द थिकनेस। यस और नो? मतलब जैसे जैसे टीएस बढ़ेगा वैसे थिकनेस ज्यादा होगी, ऑब्वियसली बात है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, जल्दी बता दो मुझे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है थिकनेस को। सो दोस्तों इसी तरह से ध्यान से सुने अब, तो ये थिकनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लेट्स टेक थिकनेस को मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो ये थिकनेस का स्क्वायर हो गया। ओके, अब इस टी को जरा इधर ले आओ। थिकनेस टी इज, इस तरह से लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ टी एस, कोई दिक्कत? वेयर टी एस इज द सोल्डिफिकेशन टाइम, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। स्क्वायर को अंडर रूट लगा दो, तो यहां से बेटा एक इक्वेशन बनती है। जब उसको आप सॉल्व करते हो, t इक्वल टू, तो इसको हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएंगे कुछ, तो वो कांस्टेंट आता है सी वन अंडर रूट टी एस प्लस सी टू। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, एक्चुअली सॉल्व करते हैं इसको, तो ये इक्वेशन निकल के आती है। छाप लो फटाफट, मैं करवा भी देता हूँ, क्वेश्चन भी करा देता हूँ अभी आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन भी करा दूँ उसके ऊपर। इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है गेट के अंदर, इसको छापो फटाफट, क्योंकि उसने हमसे सेंट्रिकल कास्टिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है, जिसमें जी फैक्टर उसने पूछा, हो सकता है इस पर क्वेश्चन पूछ ले इस बार, मोशनलेस कास्टिंग के ऊपर। ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बिल्कुल। एक क्वेश्चन मैं करा भी देता हूं उस पर कि किस तरह का क्वेश्चन बनेगा। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ बेटा, कंडीशन दी होती है, आपको कांस्टेंट निकल के आ जाएगा, मैं करा भी दे रहा हूँ, नोट भरी मुझे 2 मिनट दें बस।
एक इस तरह से क्वेश्चन लिख लो, हाँ सी केयरफुली, कि एक कास्टिंग है ठीक है, विच इज अलाउड टू कूल फॉर सफिशियंट टाइम, ठीक है, अ कास्टिंग इज अलाउड टू कूल फॉर सफिशियंट टाइम, लिखो, अ कास्टिंग इज अलाउड टू कूल फॉर सफिशियंट टाइम, फॉर सफिशियंट टाइम, फॉर सफिशियंट टाइम, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 10 सेकेंड थिकनेस, थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज 1.5 mm, आफ्टर 10 सेकेंड द थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज, थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज 1.5 mm, एंड आफ्टर आफ्टर 30 सेकेंड्स थिकनेस ऑफ कास्टिंग इज 2.5 mm. डिटरमाइन डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ कास्टिंग, डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ कास्टिंग आफ्टर 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स पे उसकी क्या थिकनेस होगी आपको बताना है, करिए. डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ कास्टिंग आफ्टर 100 सेकेंड, 100 सेकेंड के बाद उसकी क्या थिकनेस होगी बताइए, करिए. चलिए बस 10 मिनट बाद स्टार्ट कर रहा हूं मेटल कटिंग बेटा, आप लोग ना ये अटेंडेंस फिल कर देना इसमें दोस्तों, एक कमेंट पिन किया हुआ हम लोगों ने उस पर अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस फिल कर दो आप लोग, बड़ी मेहरबानी होगी बेटा. आफ्टर 10 मिनट आई विल बी स्टार्टिंग द मेटल कटिंग, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इस टॉपिक को बेटा, इस इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, हो सकता है क्वेश्चन कुछ घुमा फिरा के दे उसमें एक क्वेश्चन ये वाली यूज होगी, ठीक है. चलो सभी लोग रिप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है, चलिए देखो. 1.5 mm इक्वल टू सी वन अंडर रूट, टी एस कितना दिया है 10 सेकेंड्स प्लस सी टू, इक्वेशन नंबर वन. फिर दूसरी इक्वेशन हम इससे बनाएंगे कि 2.5 इक्वल टू 30 सॉरी सी वन अंडर रूट 30 प्लस सी टू, इक्वेशन नंबर टू. यू हैव टू अननोन्स सी वन एंड सी टू एंड यू हैव टू इक्वेशन, तो जस्ट फाइंड आउट सी वन एंड सी टू फ्रॉम हियर, सी वन एंड सी टू आपको पता चल जाएंगे, जब सी वन सी टू आपको पता चल जाएंगे तो उन सी वन सी टू को यहां पुट कर देना. लेट्स से सी वन की वैल्यू मान लो 2 आ रही है, सी टू की वैल्यू मान लो 4 आ रही है, तो 4 2 और 4 यहां पुट कर देना. अब आपको दिया 100 सेकंड बाद टाइम बताओ, सॉरी 100 सेकंड बाद थिकनेस बताओ, तो यहां पे 100 पुट कर देना, थिकनेस निकल के आ जाएगी. तो इस तरह से बेटा इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है बेटा. तो किसकी डिमांड थी ये, अंकित गुप्ता आपकी डिमांड थी बेटा, ठीक है हो गया सॉल्व. चलिए डू बाय योरसेल्फ, खुद करिए इसको. चलो सो आई होप यहां तक क्लियर है सबको, ये नोट्स करेक्ट करवा के मैं ग्रुप पे डलवा दूंगा, ठीक है. आप लोग ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दिया हुआ है, ये सारे नोट्स आपको कास्टिंग के और कल मैंने मेट्रोलॉजी करा था पूरे मिल जाएंगे बेटा, करेक्टेड होके.
अब स्टार्ट करते हैं मेटल कटिंग. तो आर यू रेडी ऑल? आर यू रेडी फॉर द मेटल कटिंग एवरी वन? काइंडली रिप्लाई प्लीज. आर यू रेडी फॉर द मेटल कटिंग? हरी अप. 7 marks. जल्दी बताओ फटाफट से, क्या बात है, फटाफट से बेटा वीडियो शेयर करिए और जस्ट अलाउ मी फ्यू सेकेंड्स जब तक आप ये देखिए. हाँ तो फ्रेंड्स, मेटल कटिंग द मोस्ट अवेटेड टॉपिक जिसका आपको इंतजार था, ठीक है. और विदाउट मेटल कटिंग ना मैन्युफैक्चरिंग मजा ही नहीं आता यार. जो मजा मेटल कटिंग में आता है ना वो किसी और चीज में आता ही नहीं है. ये मेरा पर्सनल मानना है, मैंने ऐसा फील किया है. मतलब जब तक मेटल कटिंग नहीं आती बेकार है मैन्युफैक्चरिंग. तो चलिए मेटल कटिंग जिसको मशीनिंग भी बोलते हैं शुरुआत करते हैं. बेटा फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और धड़ाधड़ इसको सॉल्व कर. मतलब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है. तो हम बेसिक पॉइंट्स को देखते जाएंगे, कहाँ कहाँ मैं पॉज लेना है वो बताता जाऊंगा मैं. और ये पीडीएफ आपको अगेन नीचे लिंक दिया हो उसको क्लिक करो, वहां से डाउनलोड कर लो. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए. सो मशीनिंग इज द नेगेटिव प्रोसेस, वी ऑल नो. ओके, मशीनिंग कितने तरह की होती है, क्या इसमें करते हैं, इसमें हम नहीं घुसने वाले. ये एक सिंपल सा, आप भी जानते हो, एक क्लासिफिकेशन है तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, और ऐसा नहीं है किसी चीज को हल्के में मत लेना बेटा, किसी भी चीज को हल्के में मत लेना. क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है गेट, ठीक है. वो आपसे पूछ सकता है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ सकता है, मैच द फॉलोइंग दे सकता है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, डबल पॉइंट कटिंग टूल क्या है, मल्टी पॉइंट क्या है, कुछ भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है वो. इसीलिए किसी चीज को मत छोड़ के जाना, इसको रिवाइज कर लेना एक बार. नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक. मशीनिंग दो तरह की होती है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल. सिंगल पॉइंट में टर्निंग, फेसिंग, शेपिंग एक्सेट्रा हम लोग जानते हैं. ड्रिलिंग, सीजर, नेल कटर, ये सब क्या है, डबल पॉइंट में आता है. मल्टी पॉइंट में मिलिंग आ गया, शेविंग आ गया, ब्रोचिंग आ गया, होनिंग आ गया, एक्सेट्रा. ओके, बाकी नॉन कन्वेंशनल हम लोग जानते हैं, वाटर जेट मशीनिंग, एम्प्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, एजेएम, यूएसएम. देखो क्वेश्चन यहां भी बन सकता है, वो इस तरह से भी क्वेश्चन बना सकता है कि विच वन ऑफ द, मतलब मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि कौन सा नॉन कन्वेंशनल है, कौन सा कन्वेंशनल है, कुछ भी बना सकता है बेटा. इसीलिए कुछ भी ज्यादा ना आपको सोचना नहीं है कि ये मैं स्किप करूं या ना करूं, आप सब पढ़ के जाइए, कुछ भी स्किप नहीं करना है. चलिए नेक्स्ट प्लीज, कटिंग टूल वर्सेस मशीन टूल. वी ऑल नो कटिंग टूल क्या होता है दोस्तों. कटिंग टूल वो होता है जो डायरेक्ट मैकेनिकल कॉन्टेक्ट बनाता है बॉडी के साथ और मेटल को रिमूव करता है. ड्रिल बिट एक कटिंग टूल है, मिलिंग कटर एक कटिंग टूल है, वी ऑल नो दिस राइट. टर्निंग टूल एक कटिंग टूल है, और वही मैं बात करूं लेथ मशीन की, वो क्या है, वो एक मशीन टूल है. सो डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स, कटिंग टूल वर्सेज मशीन टूल. पढ़ा रखा है मैंने, ये ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं. जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, यस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स पे एक नंबर का क्वेश्चन मिलेगा बेटा आपको, 1 mark का क्वेश्चन मिल सकता है जनरेट्रिक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स पर. जनरेट्रिक्स क्या होती है बेटा, लाइन जनरेटेड अलोंग द कटिंग मोशन. मेटल कटिंग करते टाइम कितने मोशन होते हैं, 2 motion होते हैं, कौन कौन से, कटिंग मोशन एंड फीड मोशन. इसके अलावा एक और मोशन होता है, इसको हम ऑक्सिलरी मोशन बोलते हैं. ओके, बट वो नहीं पढ़ना है अभी हमें, ठीक है. तो 2 motion होते हैं, एक होता है कटिंग मोशन, एक होता है फीड मोशन. तो जो लाइन बनती है कटिंग मोशन के अलोंग उसे बोलते हैं जनरेट्रिक्स, और जो लाइन बनती है फीड मोशन के अलोंग उसे बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स. हाँ या ना, हाँ या ना, राइट. चलिए
अब इस पे क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों, सी केयरफुली, सी केयरफुली, अगर ध्यान देंगे, अगर जनरेटिक्स स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन है, कैसी सरफेस मिलेगी जल्दी बताओ, सरफेस ऑप्टेन बताओ जल्दी से सभी लोग, सरफेस ऑप्टेन क्या मिलेगा, जनरेट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट्रिक्स भी स्ट्रेट लाइन, सरफेस क्या मिलेगी बेटा, सरफेस मिलेगी एक प्लेन, क्या मिलेगी एक प्लेन। जो अभी जो लोग ये नहीं पढ़े हैं सुन लो मेरी बात ध्यान से, इसी जीबी लाइंस चैनल पे मेरी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट एंड सीरीज पढ़ी, इसमें 6 लेक्चर है अभी, पूरी कंप्लीट नहीं किया मैंने अभी वो, उसमें मैंने जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स, सुन लो यहां पे दिमाग में मतलब कान में तेल डाल के, जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स मैंने इस लेवल पे पढ़ाया जो जैसा मैंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया। क्या बोला मैंने दोबारा सुनो, इसी चैनल पे जीबी लाइंस में सर्च करना, गौरव बाबू की एक सीरीज पड़ी हुई है फैक्ट एंड फैक्ट सीरीज, उसमें जनरेट्रिक्स और डायरेक्ट्रिक्स मैंने नेक्स्ट लेवल पे पढ़ा रखी, नेक्स्ट लेवल पे। अगर आपको और अच्छा उनका सीखना उस चीज को तो वो एक डेढ़ घंटे का लेक्चर उसको देख के चले जाना बेटा, आपको कोई डाउट होगा ना सारे क्लियर हो जाएगा वहां पे। तो नेक्स्ट लेवल पे मैंने वो जेनेटिक डायरेक्ट्रिक्स वहां पढ़ाई हुई है, ठीक है, तो वहां से एक बार क्विक रिवीजन लेके चले जाना आप लोग, ठीक है, कि कैसे कैसे बोल रहा हूँ उस चीज को मैं कि जेनेटिक्स अगर स्ट्रेट लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स स्ट्रेट लाइन है, तो सरफेस प्लेन प्लेन बन गया वगैरह वगैरह। तो वहां पे मैंने नेक्स्ट लेवल पे पढ़ाया हुआ है, आप अगर चाहो तो उसका क्विक रिव्यू लेके आप जा सकते हो, ठीक है। आप चाहोगे तो मैं आज लेक्चर के बाद आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ओके। चलिए बाकी इसमें और भी केसेस बनते हैं, जैसे जेनेटिक्स हमारी सर्कल हो जाए, जेनेटिक्स हमारी सर्कल हो जाए, और डायरेक्ट्रिक्स हमारी क्या हो जाए बेटा, डायरेक्ट्रिक्स हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाए, स्ट्रेट लाइन क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, एक सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगी, सिलिंड्रिकल सरफेस मिलेगी, है ना। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जानते हैं आप लोग, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन जानते हैं आप लोग, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन समझते हैं आप लोग, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन समझा देता हूं, ध्यान देंगे सब लोग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन समझ लो, सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, सी कोई एक एक्सिस है और ये है मेरे पास कोई एक लाइन, ध्यान देना, दिस एक्सिस इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड एक्सिस है, और ये जो लाइन है इसका भी एंगल फिक्स्ड है, मान लो ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री फिक्स है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को इस एक्सिस के अबाउट घुमा देना है, पूरा क्या कर देना है, रेवोल्यूशन कर देना है इसका। समझ में आ रही है मेरी कोई बात, अरे समझ में आ रही है कोई मेरी बात कि नहीं आ रही है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, टेपर्ड सरफेस कैसे जनरेट होगी समझो, उसको सरफेस और रेवोल्यूशन बोलते हैं, पढ़ लेना एक बार उसमें जो मैंने अभी लेक्चर बताया ना, नेक्स्ट लेवल वाला, उसको पढ़ के जाना। तो सी केयरफुली, सरफेस और रेवोल्यूशन क्या है, अगर ये फिक्स सरफेस है और ये कोई एक लाइन है और इसका भी एंगल फिक्स मैंने रख दिया और इसको मैंने इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घुमा दिया, क्या मिलेगा जल्दी बता दो, एक टेपर्ड सरफेस मिलेगी लाइक दिस, टेपर्ड सिलिंड्रिकल सरफेस कि नहीं मिलेगी, इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन। ये भी मशीनिंग से ऑब्टेन करते हैं बेटा हम लोग, ये भी मशीनिंग से ऑब्टेन करते हैं, तो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन पे क्वेश्चन आ सकता है, काइंडली डू नॉट मिस दैट लेक्चर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, उसको देख के जाए एक बार, ओके। एक फिक्स्ड एक्सिस है और ये हमारी एक कोई लाइन है, फिक्स्ड लाइन, और उसको अगर मैं घुमाऊंगा इस एक्सिस के अबाउट तो हमें टेपर्ड सरफेस मिलेगी, उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, गॉट इट, मतलब रेवोल्यूट करके, रेवोल्यूशन करके आपको सरफेस मिली, इसीलिए इसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन, गॉट इट, इसको देख के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्लीज, टू टाइप्स ऑफ मशीनिंग होती है, एक होती है ऑर्थोगोनल मशीनिंग और एक होती है ऑब्लिक मशीनिंग। ऑर्थोगोनल कैसी होती है, टू डायमेंशनल होती है, ऑब्लिक कैसी होती है, थ्री डायमेंशनल होती है, पता है ना। इसके अलावा ऑर्थोगोनल मशीनिंग किस बनती है, जब शेप एंड वर्क पीस मूव्स इन अ प्लेन पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल प्लेन। जब हमारा सारा मूवमेंट ऑर्थोगोनल प्लेन में होता है तब बनती है ऑर्थोगोनल मशीनिंग, और अगर हमारी चिप ऑर्थोगोनल प्लेन से बाहर निकल जाती है इस तरफ, वो बनती है ऑब्लिक मशीनिंग। इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन, जितने भी हमारे मेटल कटिंग ऑपरेशन हैं बेटा, उनको हम किस डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाले डायग्राम से। और इसका 2D डायग्राम कैसे बनेगा, इसका 2D फिगर कैसे बनेगा, दुनियादारी एक तरफ और ये वाला डायग्राम एक तरफ। अगर आप रियल में मेटल कटिंग जानते हैं तो ये डायग्राम आपके कहां पे होना चाहिए, जुबान पे, जुबान पे होना चाहिए, जुबान पे। समझ में आ रही है, बात नहीं आ रही है,
दिस डायग्राम। ओके यहां कौन आएगा बेटा, रेक सरफेस, क्लियरेंस सरफेस, टूल आ गया, चिप गई इधर, चिप गई, ये डायग्राम पता है सबको। विदाउट दिस डायग्राम मशीनिंग इज नथिंग, मतलब मशीनिंग इज नॉट पॉसिबल। अगर ये डायग्राम आपको नहीं पता तो मशीनिंग नहीं कर पाओगे, मशीनिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हो आप। नोमेनक्लेचर पता है आपको सारे, दिस इज व्हाट इनकट चिप थिकनेस T1, दिस इज द चिप थिकनेस T2, ओके दिस इज द शियर प्लेन एंगल फाइ, दिस इज व्हाट रेक एंगल एल्फा, क्लियरेंस एंगल गामा, और क्या बचता है इसमें, यही होता है, याद रखेंगे सारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, ये डायग्राम आपको याद होना चाहिए पूरा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अल्फा इज द रेक एंगल, गामा इज द क्लियरेंस एंगल, T1 इज द अनकट चिप थिकनेस, T2 इज द चिप थिकनेस, W इज द विड्थ ऑफ कट, वी नो दैट विड्थ ऑफ कट क्या होती है। अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा अगर मैं 3D डायग्राम बनाऊंगा तो क्या मिलेगा बेटा मुझे, ये मिलेगा शियर प्लेन, और शियर प्लेन में मेरे बच्चों ये क्या होती है, व्हाट इज दिस, विड्थ ऑफ कट W, भूलेंगे नहीं ना, याद रखना इसको हमें, दिस द विड्थ ऑफ कट W। कन्वेंशनल मशीनिंग में थ्योरी बहुत है तो क्या पढ़े और क्या छोड़े, मीन्स किस पे ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल बेटा इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा अभी। ओके नाउ लेंथ ऑफ द चिप क्या होती है बेटा, वी ऑल नो यहां से क्या निकलेगी बेटा, इस तरह से चिप निकलती है, राइट तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ चिप L। कोई दिक्कत किसी को, लेंथ ऑफ चिप L। एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैं यहां सिखा रहा हूं, जो मैंने ज्यादातर क्लासेस में नहीं सिखाया है, तो यहां सीख लो बेटा आप। सी एवरीवन, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ चिप की बात करूं, ध्यान देना, वॉल्यूम ऑफ चिप, सब लोग फोकस रखना चाह रहा है, ये कॉन्सेप्ट मैंने जनरली कराया नहीं है, तो अपने नोट्स में इसको नोट डाउन कर लो बेटा। वॉल्यूम ऑफ चिप क्या बनेगी, वॉल्यूम ऑफ चिप बनेगी एरिया ऑफ चिप इंटू लेंथ ऑफ चिप, यस और नो। तो वॉल्यूम ऑफ चिप बेटा नोट डाउन करें इसको, ये मैंने कराया नहीं है, वॉल्यूम ऑफ चिप बनेगी एरिया इंटू लेंथ, एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ चिप क्या होता है जल्दी बताओ मुझे, एरिया ऑफ चिप क्या होता है, ये रहा रटेगा कोई भी नहीं, एरिया ऑफ चिप क्या होता है बेटा, ये होती है हमारी सी, ये बना आप, ये है प्रॉपर एरिया, सी केयरफुली। तो ये है क्रॉस सेक्शन ऑफ चिप, तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चिप क्या बनेगा मेरे बच्चों, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ चिप बनेगा यहां से लेके यहां तक होती है T2, और ये क्या होती है बेटा, ये बराबर होती है विड्थ ऑफ कट के, ठीक है, T2 इंटू W, गलती नहीं करेंगे, तो एरिया ऑफ चिप क्या बनेगा, T2 इंटू W, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो एरिया ऑफ चिप बनेगा T2 इंटू W, और यहां से आ जाएगी लेंथ, तो ये बन गई वॉल्यूम ऑफ चिप, यस और नो। तो एक कॉन्सेप्ट समझो जिससे क्वेश्चन सॉल्व होता है, जो मैंने जनरली नहीं कराया, सीख लो उस कॉन्सेप्ट को। सी अब मेरे बच्चों ध्यान दो जरा, ये हमारा कौन सा रीजन होता है, ये पूरे रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा पूरा कैसा रीजन है, अनकट रीजन, क्या है अनकट रीजन। सो ध्यान देना मेरे बच्चों, ध्यान देना मेरे बच्चों सब लोग ध्यान दें, आपको ना वो अनकट रीजन की लेंथ दे देगा, या वो आपसे बोलेगा लेंथ ऑफ अनकट चिप, इस तरह का कुछ बोलेगा, लेंथ ऑफ अनकट चिप, क्या बोलेगा, लेंथ ऑफ अनकट चिप, से ये क्या है, ये याद करो, इसको हम क्या बोलते हैं, अनकट चिप थिकनेस, ये अनकट चिप थिकनेस है ये, और अगर मैं इसके अंदर ये वाले एरिया को देखूं, ये वाले एरिया को,
तो बेटा आपको याद है कौन सा एरिया कहलाता है ये वाला एरिया, जल्दी बताओ रिप्लाई में जल्दी से, कौन सा एरिया कहलाता है बेटा ये वाला, जल्दी बताओ, अंदर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को ये कौन सा एरिया कहलाता है, दिस वन, कौन सा एरिया है ये, दिस इज द अनकट एरिया, अनकट एरिया, अनकट एरिया में अगर मैं इसको एक लेंथ मान लू, लेट्स से एल वन, विच इज टर्म्ड एज, विच इज टर्म्ड एज अनकट लेंथ, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, वो आपको बोलेगा लेंथ, अनकट लेंथ बोलेगा आपको, मेंशन करेगा एग्जाम में कि अनकट लेंथ है कुछ, तो मेरे बच्चों अनकट लेंथ और अनकट एरिया का मल्टीप्लाई कर दूं, ये भी एक वॉल्यूम हो गया ना, ये भी एक वॉल्यूम हो गया ना, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ध्यान दें, उसको मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम बिफोर कट, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ चिप बिफोर कट, क्या बोल सकता हूँ उसको मैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ चिप, वॉल्यूम ऑफ चिप बिफोर कट, कट लगने से पहले का वॉल्यूम, वो क्या बनेगा, अनकट एरिया क्या होता है बेटा, टी वन इंटू डब्ल्यू इंटू एल वन, जो भी एल वन आपको दिया हो पेपर में मेंशन करेगा बाकायदा, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ चिप बिफोर कट, वॉल्यूम ऑफ चिप बिफोर कट क्या बनेगी, अनकट एरिया इंटू एल वन, अनकट एरिया समझ में आ रहा है ना, जल्दी बताओ मुझे, ये डब्ल्यू इंटू टी वन, ये टी वन होगा और ये डब्ल्यू होगा, तो ये वाला एरिया क्या होगा, डब्ल्यू इंटू टी वन, और इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करना, ये लेंथ आपको पेपर में देगा वो, कि लेंथ ऑफ द अनकट पोर्शन, इस तरह से कुछ बोलेगा वो, या बोलेगा अनकट चिप लेंथ, ऐसे कुछ बोलेगा अनकट चिप लेंथ, मतलब आप समझ जाएंगे कि वो बिफोर कट की बात कर रहा है। तो दोस्तों नाउ वी हैव टू वॉल्यूम्स, एक वॉल्यूम है ये इक्वेशन नंबर वन और एक वॉल्यूम है ये, वहां पर मैं जानते हैं ये है वॉल्यूम बिफोर कट, कट लगने से पहले, यानी कि जो टू आएगा वो इसी वॉल्यूम का कट करेगा, और ये वॉल्यूम कट के क्या बन जाएगी, यही वॉल्यूम चिप बनेगी, यही वॉल्यूम चिप बनेगी, यस और नो, क्या मैं दोनों वॉल्यूम को इक्वेट कर दू, कर दूं, बिना गौर से कर दो, तो मैं दोनों वॉल्यूम को इक्वेट करूंगा बेटा, तो देखो कितना मजेदार रिजल्ट आएगा, ध्यान से देखेंगे, टी वन डब्ल्यू एल वन इक्वल टू टी टू डब्ल्यू, लेट्स टेक इट एल टू, कोई दिक्कत, एल टू बोल दू इसको मैं, कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ, नहीं होनी चाहिए एल टू, दोस्तों डब्ल्यू से डब्ल्यू गया, क्या आ गया, क्या आ गया, अरे भाइयों बहनों एक नई चीज आ गई, क्या आ गई, T1 by T2 is equal to L2 by L1. This is the formula for chip thickness ratio, जिसको हम क्या बोलते हैं, R, क्या बोलते हैं R, तो R कितना आ जाएगा बेटा, L2 by L1. Am I clear? तो दोस्तों सुनो ध्यान से, अब कई क्वेश्चंस में वो आपको अनकट चिप थिकनेस देगा ही नहीं, चिप थिकनेस देगा ही नहीं, वो बोलेगा लेंथ बिफोर कट, लेंथ ऑफ चिप आफ्टर कट बोलेगा, क्या बोलेगा, ये हो गई लेंथ आफ्टर कट, ये हो गई लेंथ बिफोर कट, क्लियर है, क्लियर है, तो आप वहां ढूंढते रहोगे कि यार गौरव सर ने तो पढ़ाया था चिप थिकनेस, यहां तो चिप थिकनेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, देगा ही नहीं, वो लेंथ के टर्म में बात करेगा, और आपको इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालना होगा, क्या इस फॉर्मूले के हल से निकालना होगा, चिप थिकनेस रेशियो, क्या निकालना होगा, चिप थिकनेस रेशियो, एम आई क्लियर एवरीवन, फाइंड द रिप्लाई प्लीज, तो काइंडली इस बात को अपने नोट्स में डाल लो, क्योंकि ये मैंने जनरली नहीं पढ़ाया है, फिर आप ढूंढते फिरो यार ये कहां हुआ था, किधर हुआ था, इसलिए इसको अभी अपने नोट्स में डाल लो बेटे, ठीक है, चलिए, वेरी नाइस, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज, ना पूल ज्योमेट्री, पूल ज्योमेट्री गेट में नहीं आती है, मैं इसको स्किप कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा कभी गेट वेट में, बस पढ़ के चले जाना, कौन सा रिलीफ एंगल होता है, कौन सा क्या होता है, इसमें ज्यादा हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, रेक एंगल के बारे में मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पढ़ के चले जाना थोड़ा सा, ठीक है, ये सारा शॉर्ट नोट से बेटा एक तरह से इसमें मैं ग्रुप में डाल दूंगा, सारा पढ़ के जाना है आपको ये, ओके, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, ये सब ये सारे व्यू मैंने आपको दिखाए हुए हैं ना, तो इसलिए लेकिन गेट में नहीं आएगा, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना आपको, ये छोड़ के जाना है आपको, मतलब गेट अगर आपने सब पढ़ लिया है, आपका बहुत समय बच रहा है, तो एक एक चीज देख के जाओ, अगर समय नहीं रिसीव करो, नहीं आएगा गेट में ये, वो तो मैंने जनरल नॉलेज के लिए पढ़ाता हूँ चीजें, कि कौन सा प्लेन कैसे बनेगा, गेट में थोड़ी पूछेगा कौन सा प्लेन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना, ये सारे एंगल वेंगल पढ़ के जाइएगा, फिर राइट साइड रेक एंगल क्या वगैरह वगैरह एवरीथिंग आपको पढ़ के जाना है। नाउ टूल सिग्नेचर, यस टूल सिग्नेचर जो कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, ओके, ये आप पढ़ के जाएंगे पूरा,
टूल सिग्नेचर की सिक्वेंस आपको पता होनी चाहिए, कौन सा एंगल किधर होता है। ओके याद रखेंगे, अगर मशीन रेफरेंस सिस्टम आता है इसको हम ASA बोलते हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो नो जेडी है वो इंचेस में होगी, ठीक है। इसके अलावा एक आपका दूसरा सिस्टम होता है, डेट इज ORS सिस्टम, आई अल्फा सी लेमडा नाम से पढ़ाया होगा मैंने आप लोगों को, याद है ट्रिक, याद है आई अल्फा सी लेमडा, आई अल्फा सी लेमडा याद है, आई अल्फा सी लेमडा है ना इस तरह से, तो ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। आई अल्फा सी लेमडा, तो ये बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है। एक और चीज याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेमडा क्या होता है, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, ओके प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल और साइएस ये होता है साइड कटिंग एज एंगल, डू नॉट गेट कंफ्यूज, अगर प्रिंसिपल कटिंग एंगल है तो वो लेमडा है, साइएस नहीं है। अप्रोच एंगल अगर वो आपसे बोलता है तो अप्रोच एंगल लेमडा नहीं है, साइएस है, क्लियर हो रहा है मेरी बात, ये बात लिखाई थी ना मैंने, अगर वो आपको अप्रोच एंगल बोले, अप्रोच एंगल तो अप्रोच एंगल कौन सा है, साइएस है। टूल जिस एंगल से अप्रोच करता है वर्कपीस की तरफ, देखो जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखो, दिख रहा है डायग्राम बेटा आप लोगों को, टूल जिस एंगल से, इधर देखें जरा, ये है आपकी साइड कटिंग एज, तो टूल इस एंगल से, इस वाले एंगल से वर्कपीस तरह अप्रोच करता है, इसीलिए इसको अप्रोच एंगल बोलते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज है ना, अप्रोच एंगल साइएस है, लैम्डा इज नॉट द अप्रोच एंगल। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप और हम जानते हैं कि ऑब्लिक कटिंग का डायग्राम है, तो ऑब्लिक कटिंग में इन दोनों का सम कितना होता है, साइएस और लैम्डा का सम कितना होगा, साइएस और लैम्डा का सम कितना होगा बेटा, 90 डिग्री, याद रखेंगे। और अगर मशीनिंग ऑर्थोगोनल हो जाएगी तो साइएस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइएस की वैल्यू हो जाएगी जीरो, साइएस की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जैसी साइएस की वैल्यू जीरो होगी लैम्डा कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। और आई की वैल्यू मे बी जीरो मे नॉट बी जीरो, अगर आई की वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप उसको ऑर्थोगोनल टर्निंग मान के चलेंगे, लेकिन उसने बोल दिया आई की वैल्यू भी जीरो है, तो फिर क्या बन जाता है बेटा, वो प्योर ऑर्थोगोनल टर्निंग। ये क्यों है, काय को है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओके। बट इतना डेप्थ में वो नहीं पूछेगा कुछ भी आपसे, आपको बेसिक याद रखना है कि जब ये एज स्ट्रेट हो जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारा, ऑर्थोगोनल टर्निंग बन जाएगा, बात खत्म, ओके। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। हरी अब क्या बात है एसके भाई, आई अल्फा सी लैम्डा, ग्रेट यार ग्रेट, खेल रहे हो तुम लोग यार। तो नोट्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, नीचे लिंक पे जाके आपको ले लेना है वो, ठीक है। चलिए अब क्या बचता है, ओके, इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर कन्वर्जन, क्या ट्रिक सिखाई थी बेटा मैंने इसकी आपको, पूरे उसके अंदर, किसके अंदर, पूरे मेटल कटिंग के अंदर सबसे टेढ़े फॉर्मूला है दोनों ये, लेकिन मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी, याद है मैंने आपको इसकी ट्रिक सिखाई थी, जल्दी बता ट्रिक क्या थी वो, कमेंट बॉक्स में सारे लोग बता ट्रिक, ट्रिक क्या थी, ट्रिक क्या थी, याद करो, ट्रिक थी क्या, ट्रिक थी बेटा, गाना याद है, जल्दी बताओ रिप्लाई में, व्हाट वाज द ट्रिक, टन टना टन 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 टारा, याद है, चलती है क्या 9 से 12, याद आ रहा है, टन टना टन 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 टारा, याद करो ये गाना सबने सुना है ना, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, टन टना टन 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 टारा, कितनी बार आ रहा, 6 बार आ रहा है, टन टना टन 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 टारा, कितनी बार आ गया, 6 बार आ गया टन, तो बेटा आपको 6 बार क्या करना है, टन लिखना है, ठीक है, टन टना टन 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 टारा, ठीक है, यही था, कोई रटेगा नहीं, देखो अभी 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 फेंकते हैं इसको, उठा के फॉर्मूला को हम, 6 बार टन 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 लिख लेना, उसके बाद कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, कॉस साइन, उसके बाद जितने भी कॉस साइन है उसमें क्या करना है, साइएस, 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 उसके बाद इसमें बैक रेक एंगल, इसमें साइड रेक एंगल, इसमें क्या था, साइड इधर आ जाएगा, बैक इधर चला जाएगा, माइनस प्लस इक्वल टू, और याद करो आई अल्फा सी लैम्डा, तो आई पहले आता है अल्फा बाद में आता है, खत्म, मैंने तो ऐसे याद करी थी बेटा, सही है, ठीक, याद है आपको, ऊंची बिल्डिंग वाला गाना, क्या बात है बेटा, क्या बात है शाकाल भाई, खेल गए यार तुम,
कितने लोग यार बैठे हुए, मजा आ गया यार आपकी ये श्रद्धा देख के ना, मैं खुश हो जाता हूँ, मजा आ गया बेटे, शाबाश शानदार जिंदाबाद जबरदस्त, याद रखेंगे। सो काइंडली भूले ना इस ट्रिक को, और एग्जाम जब आए तो करके आए, ठीक है, एग्जाम जब आए तो करके आए एग्जाम में। बाकी एक और चीज याद करो, मैंने क्या सिखाया था आपको, याद है कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो गिवन टूल सिग्नेचर है वो एएसए है या ओआरएस है, इसकी ट्रिक भी बताई थी मैंने। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिवन टूल सिग्नेचर का छठवां कंपोनेंट पकड़ना होता है, ठीक है, जो भी टूल सिग्नेचर आपको दिया हुआ है, लेट्स से आई अल्फा सी लैम्डा वाला, तो आपको छठवां कंपोनेंट पकड़ना है। अगर वो 15 से 30 के बीच में है तो क्या होगा बेटा, एएसए होगा, और अगर वो 60 से 75 के बीच में है तो क्या होगा, ओआरएस होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, ओके। बाकी बेटा मान लो एक बच्चा बोल रहा है योगेश अकाल की नोज रेडियस दे रखी है, बेटा नोज रेडियस मान लो उसने मेंशन ही नहीं किया इंचेस और एमएम, देन क्या करोगे आप, अगर उसने मेंशन ही नहीं किया कि जो नोज रेडियस है वो इंचेस में है कि एमएम में है, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट, बताओ मुझे, तब नहीं कर पाओगे ना आप। योगेश भाई यस, इसलिए आप इस ट्रिक को याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यस यहां से बेटा कहानी चालू हो रही है, यहां से आपकी कहानी चालू हो रही है, ओके, यहां से कहानी चालू होती है, चिप थिकनेस रेशियो का फॉर्मूला, साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव माइनस अल्फा, बेटा यहां से फॉर्मूला, बेटा यहां से लिस्ट आउट करना चालू करें आप लोग, अब यहां से सारा खेल, एक भी फॉर्मूला मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये याद है, आर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस आर साइन अल्फा, इसके अलावा ये वाला फॉर्मूला शियर स्ट्रेन का, दैट इज कॉट फाइव प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा। एक और चीज याद करिए, क्या बताई थी मैंने, जितने भी फॉर्मूला आएंगे मेटल कटिंग के अंदर, जितने भी फॉर्मूला आएंगे सब में क्या आएगा बेटा, अल्फा जब जब आएगा किस साइन के साथ आएगा, जल्दी बताओ, अल्फा जब जब आएगा किस साइन के साथ आएगा, अल्फा जब जब आएगा माइनस साइन के साथ आएगा, याद है ना, नेगेटिव साइन के साथ, याद है, तो बिल्कुल भी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है बेटा यहाँ पे, ध्यान से सुन लो, सारे फॉर्मूला आपको रिवाइज करके जाने ए टू जेड, याद रखना मेटल कटिंग से पक्का न्यूमेरिकल आएगा, और न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो फिर धिक्कार है आपके ऊपर, और ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं होता मेटल कटिंग के अंदर जो बहुत टफ आता है, इतिहास उठा के देख लो, अगर आपने पूरी मेटल कटिंग मेरी पढ़ ली तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ओके। इसके अलावा शियर स्ट्रेन रेट अगर निकालना तो कैसे निकलेगा, शियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ द प्राइमरी शियर जोन, ये सारे फॉर्मूला बेटा याद करके जाने हैं आपको, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ए टू जेड, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, अल्फा हमेशा माइनस, ओके। कुछ क्वेरी है फॉर्मूला से रिलेटेड किसी की, अपने शॉर्ट नोट्स में डाल लेना अगर कहीं मिसिंग हो कुछ भी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वेलोसिटी एनालिसिस पता है आप लोगों को, वेलोसिटी एनालिसिस पता है, ये फॉर्मूला याद है आपको, याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है याद तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे, ये वेलोसिटी ट्रायंगल आपको बनाना है, और ये वेलोसिटी ट्रायंगल बनेगा कैसे बेटा, 2 सेकंड के अंदर बन जाएगा, कुछ नहीं करना, इधर देखो फटाफट से, याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, हमेशा एक काम करेंगे, क्या सी केयरफुली, ये डायग्राम हमें जुबान पर हटा होना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, 2 सेकंड के अंदर देखो, 2 मिनट के अंदर बन के तैयार, एक वेलोसिटी ये बनेगी, एक वेलोसिटी ये बनेगी, एक वेलोसिटी ये बनेगी, बनेगी, ये कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा, ये वाली, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, चिप वेलोसिटी वीसी, ये क्या बनेगा, शियर वेलोसिटी वी एस, ये क्या बनेगा, कटिंग वेलोसिटी वी, रट तो नहीं रहा कोई, उसके बाद सारे एंगल्स हमें पता ही है, ये कौन सा एंगल है बेटा, अल्फा, और ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, अल्फा, और
ये एंगल 90 तो ये हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, ये एंगल कितना बेटा, ये एंगल फाइव, तो ये एंगल भी फाइव, और ये एंगल अगर फाइव है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस फाइव, 90 माइनस फाइव राइट, बन गया ट्राइंगल। उसका साइन रूल लगा के कितनी देर लगेगी इस काम को करने में बताइए जरा मुझे, साइन रूल लगा के इसको करने में कितनी देर लगेगी आपको, हाउ मच टाइम इट विल टेक। शुभम पंडित इज सेइंग सर अगर थिकनेस नहीं दी हो तो क्या करेंगे, तो बेटा 25 माइक्रोमीटर ले लेंगे, 25 माइक्रोमीटर ठीक है, 25 माइक्रोन ले लेनी आपको। उसके बाद बेटा क्या करेंगे यहां पे, साइन रूल लगा देंगे वी अपॉन बी अपॉन सामने का एंगल, ये बनेगा 5 माइनस अल्फा, चेक कर लेना आप, वी अपॉन साइन साइन 90 माइनस 5 प्लस अल्फा, इसमें से 90 कॉमन ले लेना आप, मतलब माइनस साइन कॉमन लेना अपने आप आ जाएगा, और इधर आ जाओ, इधर आ जाएगा आपका वी सी अपॉन साइन 5, वी सी अपॉन साइन 5, और इधर से आ जाएगा वी एस अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, वी एस अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, कर लोगे बेटा इतना, वी एस अपॉन साइन 90 माइनस अल्फा, ओके क्लियर है। कितना टाइम लगेगा शाम को करने में, 2 मिनट मुश्किल से, इसीलिए फॉर्मूला याद हो रहा हो बेसिक नहीं भूलना है बेटा, कल को जाके गलती मत कराना। जनरली बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस साइन को कौन सा कॉस है कौन सा साइन है, तो इस चीज को थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ओके चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला प्लीज, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं होगा जहां से मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन ना आया हो, आप उठा के देखो गेट के इतिहास को तो फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन बनना लाजमी है बेटा, बहुत ज्यादा चांस है कि मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन आ ही आए, आप उठा के देख लो इतिहास गेट का, मैं नहीं बोल रहा, यू विल फाइंड कि यस गौरव सर क्वेश्चन आता है। तो इसमें क्या करना है बेटा, मर्चेंट सर्कल बनाना आता है, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, उधर देखो फटाफट से, सी सब लोग सामने देखेंगे मर्चेंट फोर्स सर्कल डायग्राम, 2 मिनट का काम है, कितनी मिनट का काम है, अरे कितनी मिनट का काम है, 2 मिनट का, इधर देखो एफ सी एफ टी रिजल्टेंट आर, कोई दिक्कत, कलर चेंज कर लेते हैं, एफ एफ फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल फोर्स रिजल्टेंट आर, इसके अलावा कलर चेंज कर लेते हैं, शीयर फोर्स नॉर्मल फोर्स ऑन द शीयर प्लेन एफ एन, बन गया मर्चेंट सर्कल, क्या है इसमें, नहीं मैं आपसे पूछना चाहता हूं जल्दी बताओ कुछ है इसमें, एफ सी एफ टी कैपिटल एन एफ एफ, अरे ये जुबान पर अटा होना चाहिए आपके, ये एफ एस, ये क्या है एफ एन, और क्या बचा इसमें, ये हो गया कैपिटल आर, क्या दिक्कत है इसमें, उसके बाद एंगल्स की बात करें, हो गया अल्फा, दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज व्हाट बीटा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90 माइनस बीटा, और अगर इस एंगल की बात करेंगे कौन सा एंगल आएगा, ये बीटा माइनस अल्फा, और ये एंगल कौन सा आएगा बेटा फाई, क्या दिक्कत है, कितना आसान है ये, और सारा खेल तो सीख गई है भाई, सारा खेल तो सीख गई है, क्यों ब्रदर बताओ जल्दी से, तो डायग्राम याद करो, दैट्स इट, खत्म, उसके बाद कुछ बचा ही नहीं, उसके बाद क्या करेंगे, ये तीन तीन ट्राइंगल हमारे पास, एक ट्राइंगल होता है कटिंग फोर्स वाला, एक ट्राइंगल होता है फ्रिक्शन फोर्स वाला, और एक ट्राइंगल होता है शियर फोर्स वाला, तीनों ट्राइंगल में ज्योमेट्री लगा देंगे, मैथमेटिक्स लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सी, और हमें सारे फोर्सेस पता चल जाएंगे, ठीक है, ये रहे सारे फोर्स एक मिनट के अंदर पता चल जाएंगे, यस और नो जल्दी बताओ, ये फोर्स निकाल लेंगे आप लोग जब आप इस वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, इस वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला, तो ये वाले फोर्स पता चल जाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स, तो आप कटिंग फोर्स वाले ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएंगे कॉस और साइन, तो आपको ये फोर्स पता चल जाएगा, और जब आप इस शियर प्लेन वाले में
लगाओगे फोर्थ और साइन, आपको ये सारे फॉर्मूला पता चल जाएंगे। तो मैं ये चाहता हूं आप लोगों ने इनको रटो मत, आप बस ये डायग्राम याद करो, उसके बाद अपने आप क्वेश्चन जैसा पूछे वहां पर कर लेना। गॉट इट? और किस सेंस में याद करना है इसको आपको, ये आप ध्यान से देखें, सारे फॉर्मूला में मैंने आर कॉमन ले लिया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। याद करो जब हम इसको सॉल्व करते हैं पूरे मर्चेंट सर्कल को और इस तरह सारे फोर्सेस जब निकाल लेते हैं तो हमारे सारे फोर्सेस आर के टर्म में आ रहे हैं, यानी कि हमें आर चाहिए। इसके अलावा हमारे सारे फॉर्मूलाज के अंदर कौन है, तीन एंगल्स हैं। तो अगर मुझे अल्फा बीटा और फाई पता चल जाए और आर पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, आपका फोकस होना चाहिए अल्फा पे, बीटा पे, फाई पे और आर पे। अगर आपके पास ये चारों चीजें हैं तो बेटा ये क्वेश्चन ये खत्म है, फिर मर्चेंट सर्कल कुछ है ही नहीं। माइंड इट प्लीज। ओके डन। बोलो बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट फ्रिक्शन कैसे निकलेगा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स को क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। इस वाले ट्राइंगल में टेन बीटा लगाइए बेटा, टेन बीटा लगाएंगे क्या होगा, एफ एफ बाई एन आएगा कि नहीं आएगा, एफ एफ बाई एन आएगा। और टेन बीटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, दैट इज एफ एफ बाई एन। फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट। चलिए और देखिए, एरिया ऑफ शियर प्लेन, यस ये हमारा शियर प्लेन, ये रहा, दिस इज द शियर प्लेन। ध्यान देंगे मेरे बच्चों, ये शियर प्लेन है, ये T1 है और ये एंगल फाई होता है, वी नो दैट। तो ये वाली वैल्यू कितनी आती है, ये वाली वैल्यू लेट्स टेक, इसको ए बी बोल देता हूं मैं। तो दोस्तों ये एंगल फाई है, तो आप इसमें जब साइन फाई लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, टी वन अपॉन ए बी। तो ए बी कैसे निकल के आ जाएगा बेटा, ए बी आ जाएगा T1 अपॉन साइन फाई, आ गया ए बी, आ गया T1 अपॉन साइन फाई। और ये क्या होती है बेटा, यहां से लेके यहां तक विड्थ ऑफ कट, जिसको हम डब्ल्यू बोलते हैं। तो एरिया ऑफ शियर प्लेन क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ शियर प्लेन बन जाएगा ए बी इंटू डब्ल्यू। ए बी की वैल्यू पुट कर दो, T1 अपॉन साइन फाई इंटू डब्ल्यू। यहां से क्या आ गया बेटा, T1 W अपॉन साइन फाई। कितना टाइम लगेगा इसका हमको करने में, और ये इतने न्यूमेरिकल लगाओ, इतने न्यूमेरिकल करो कि ये जुबान पे याद हो आपके, एरिया ऑफ शियर प्लेन T1 अपॉन W होता है, कितना होता है T1 अपॉन W। क्लियर, वेरी गुड, T1 अपॉन साइन फाई, परफेक्ट। तो यहां से बेटा एरिया ऑफ शियर प्लेन आ जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि शियर फोर्स बताओ, तो आप कुछ नहीं करेंगे, शियर फोर्स क्या होता है बेटा, शियर फोर्स होता है शियर स्ट्रेस इंटू एरिया, कौन सा एरिया, शियर फोर्स किस पे आएगा, शियर प्लेन पे आएगा। तो शियर प्लेन पे आएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, शियर प्लेन का एरिया ले लेंगे, कितना है T1 W upon sin phi। तो फॉर्मूला बन जाएगा tau s, दैट इज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंटू T1 W upon sin phi। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला बेटा अपने नोट्स में डाल लो, एक भी फॉर्मूला छोड़ना नहीं है। ठीक है, छे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अगर वो आपसे पूछे कि भैया fs नहीं, शियर फोर्स नहीं, आप fn बताओ, नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन, लिसन केयरफुली, क्या बोला उसने, नॉर्मल फोर्स ऑन द शियर प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन। ध्यान से समझ रहा, अगर वो आपसे नॉर्मल फोर्स ऑन शियर प्लेन पूछता है तो आप क्या करेंगे बेटा, एफ एन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, अगेन एरिया ऑफ शियर प्लेन लेंगे, T1 W upon sin phi। अब इस बार उसमें कौन सी स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, पिछली बार हमने ली थी शियर स्ट्रेंथ, ये रही। अब चूंकि वो नॉर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, नॉर्मल फोर्स पूछ रहा है, तो नॉर्मल स्ट्रेस लेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगी, जो भी आपको दियो, अल्टीमेट दियो तो अल्टीमेट से मल्टीप्लाई कर देना,
अगर आपको यील्ड दी हो तो यील्ड से मल्टीप्लाई कर देना, हाँ समझ में आ रही है। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस आपको वहां पे दी होगी उस टाइम पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देना। ध्यान रखेंगे इस बात का कि अल्टीमेट दी है तो अल्टीमेट से, यील्ड दिया तो यील्ड से, ठीक है। छाप लो फटाफट। डन। नेक्स्ट प्लीज, इंपॉर्टेंट केस सुन लो बेटा, इंपॉर्टेंट केस सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यस, कुछ न्यूमेरिकल्स आए हुए गेट के अंदर इन केसेस पे, ओके। केस है कि जब अल्फा जीरो हो, ब्रेक एंगल जब जीरो हो, जब ब्रेक एंगल जीरो होगा, ध्यान देंगे, जब ब्रेक एंगल जीरो होगा और म्यू की वैल्यू वन के बराबर नहीं होगी, मतलब म्यू क्या होता है बेटा, म्यू होता है टेन बीटा इज नॉट इक्वल टू वन, यानी कि टेन बीटा इज नॉट इक्वल टू टेन 45, टेन से टेन गया, यानी बीटा जब 45 नहीं होगा, ध्यान दें जरा, जब बीटा 45 नहीं होगा तो एफ टी, ध्यान दें, ये हो गया हमारा क्या, रेक सरफेस जो कि हमारे वर्टिकल पे लाई कर रहा है, इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू हो गई जीरो। अब जैसे अल्फा की वैल्यू जीरो हुई, ध्यान देना बेटा, ये था हमारा कटिंग फोर्स एफ सी और रेक सरफेस के अलोंग लगता है फ्रिक्शन फोर्स एफ, तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब इसके ठीक परपेंडिकुलर में कौन लगता है, इसके ठीक परपेंडिकुलर लगता है नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स एन और इसके ठीक परपेंडिकुलर लगता है थ्रस्ट फोर्स, तो चारों मिलके क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। क्या बनाएंगे, रेक्टेंगल। यील्ड और अल्टीमेट अगर दोनों हो तो क्या लेना, वेरी गुड, एक बच्चे ने क्वेश्चन किया है यील्ड और अल्टीमेट दोनों हो तो क्या करेंगे, अगर यील्ड और अल्टीमेट दोनों होंगे तो अल्टीमेट लेंगे क्योंकि हम बॉडी को तोड़ रहे हैं बेटा, ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आया है कि अगर दोनों दिए हैं तो क्या करना है, तो अल्टीमेट लेनी है क्योंकि हम बॉडी को ब्रेक कर रहे हैं ना, तोड़ देते हैं उसको, ओके। वेरी नाइस, तो वैन वैन अल्फा जीरो, ध्यान से सुन लो, जब अल्फा की वैल्यू जीरो होगी तो बेटा ध्यान रखना एफ सी एफ टी एफ और एन मिलके बनाएंगे रेक्टेंगल, कंडीशन ये है कि बीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 45, बीटा 45 नहीं होना चाहिए और ऐसा कब होगा, जब म्यू की वैल्यू वन नहीं होगी, ओके। इसके अलावा ध्यान देंगे एन बराबर हो जाएगा एफ सी के, ठीक है, और एफ टी बराबर हो जाएगा एफ के, ठीक है, यानी कि हमारा नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, कटिंग फोर्स के, और इधर से जो थ्रस्ट फोर्स है वो बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स के। ये कॉन्सेप्ट अगर आता है, मान के चलो अल्फा की वैल्यू जीरो आ गई, सुनो एक ट्रिक जो हमेशा याद रखनी है आपको, ऑलवेज रिमेंबर वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, अगर अल्फा जीरो दे दिया तो आपका आगे ज्यादा काम तो वैसे हो गया बेटा, क्यों हो गया, अल्फा के जीरो होने से एन बराबर हो जाएगा एफ सी के, कैपिटल एन बराबर हो जाएगा एफ सी के, और अल्फा के जीरो होते ही एफ टी बराबर हो जाएगा, एफ टी बराबर हो जाएगा एफ के, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स एफ एफ के, ओके। तो आधा काम तो बेटा आपका ऐसे निपट गया, इसीलिए कोशिश करना, भगवान से दुआ करना कि आपके न्यूमेरिकल में अल्फा जीरो आ जाए, आधा काम तो आपका ऐसे बन जाएगा बेटा, बहुत ईजी हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल, गॉट इट। नेक्स्ट प्लीज, अगर अल्फा जीरो है और साथ में म्यू की वैल्यू भी वन है, म्यू की वैल्यू वन होने का मतलब है बीटा इक्वल टू 45। अब ये बीटा होता है बेटा, ये बीटा 45 कब होगा, जब ये चारों मिलके क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर, क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर, ओके। तो कंडीशन बिल्कुल सेम रहेगी, बट उस केस में अब एक चीज आ जाएगी, अभी तक आमने सामने वाले फोर्स बराबर है, मतलब एफ सी बराबर है एन के, एफ टी बराबर है फ्रिक्शन फोर्स के, अगर बीटा भी 45 हो जाएगा तो ये चारों फोर्स बराबर हो जाएंगे, यानी कि उस केस में एन इक्वल टू एफ सी इक्वल टू एफ टी इक्वल टू एफ एफ, यानी चारों फोर्स बराबर हो जाएंगे, क्लियर है। और जब अल्फा की वैल्यू जीरो है और बीटा की वैल्यू 45 नहीं है, तब आमने सामने वाले फोर्स बराबर होंगे, ठीक है, एफ सी एन के बराबर होगा और एफ टी फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा, क्लियर है, ग्रेट। नाउ आगे मूव करते हैं, पावर इन मेटल कटिंग, यस, पावर के ऊपर क्वेश्चन आता है बेटा, जरूरी नहीं है वो पावर टर्म से इसको यूज करे, हो सकता है वो हीट की बात करे, वो आपसे बोले कि हीट जनरेशन बता दो, है ना,
हीट जनरेशन ध्यान देना, जरा ध्यान देना, दो तरह से क्वेश्चन बनता है इस पर। या तो आपको क्लियरली बोलेगा कि मशीनिंग पावर इज दिस, या आपको बोलेगा हीट जनरेटेड इन द मशीनिंग प्रोसेस, तो दोनों की यूनिट सेम होगी, ठीक है। पावर को हम वाट बोलते हैं, हीट जनरेशन को भी वाट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो ध्यान रखना, कटिंग पावर जिसको हम मेन पावर भी बोलते हैं, विच इज इक्वल टू एफ सी इंटू वी, वेर एफ सी इज द कटिंग फोर्स, वी इज द कटिंग वेलोसिटी, माइंड इट प्लीज, दोनों का डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, फ्रिक्शन पावर क्या होगी, फ्रिक्शन फोर्स इंटू चिप वेलोसिटी, एंड द शियर पावर इज, शियर पावर इज शियर फोर्स इंटू शियर वेलोसिटी। गॉट इट। हमारे पास ये वाला डायग्राम ले लेते हैं दोस्तों। चिप जाती है वीसी वेलोसिटी से, शियर प्लेन जाता है वी एस वेलोसिटी से, और इधर टूल जाता है कटिंग वेलोसिटी से, ठीक है, एफ सी से, सॉरी वी से। तो वी सी इंटू एफ सी कर दो, पावर निकल आई वी, सॉरी कैपिटल वी, वी इंटू एफ सी कर दो, कटिंग पावर निकल आएगी। चिप वेलोसिटी इंटू चिप इंटू चिप फोर्स कर दो, चिप फोर्स क्या होता है, चिप फोर्स क्या होता है, चिप फोर्स हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, शियर फोर्स में शियर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस हैं उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके पावर निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप तीनों पावर्स का। नाउ, अब कई बार क्या होगा बेटा, ध्यान से सुने, कटिंग पावर वो आपको दे देगा, फ्रिक्शन पावर आपसे निकलवाएगा, ये परसेंटेज में बात करेगा, वो कैसे बात करेगा, परसेंटेज में, कि कितना परसेंटेज शियर में वेस्ट हो रहा है या शियर में जा रहा है, कितना परसेंटेज हमारा फ्रिक्शन में जा रहा है। तो याद रखना, ये हमारी मेन पावर होती है, इस पावर का सम दोनों अदर पावर्स के बराबर होगा, यानी हमारी मेन कटिंग पावर इज इक्वल टू फ्रिक्शन पावर प्लस शियर पावर। छापो फटाफट। डन। कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपके डाउट्स हैं जो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते होंगे, तो आप उससे पूछ सकते हैं बेटा यहाँ पे। मैं तो केवल आपको रिवीजन करा रहा हूं, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है, कैसे लगना है। ओके, जहां भी आपको डाउट है यू कैन आस्क प्लीज। नेक्स्ट प्लीज, मटेरियल रिमूवल रेट, इंपॉर्टेंट मार्क करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, इस साल मटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कई सालों से पावर ये और वो पे क्वेश्चन आ रहा है, इस बार बेटा मटेरियल रिमूवल रेट पे क्वेश्चन आएगा, लिख लो मेरी बात, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इस साल गेट 2023 के लिए मटेरियल रिमूवल रेट पे क्वेश्चन आने वाला है, लिख लो, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स, क्योंकि कई सालों से वो फोर्स पे बात कर रहा है, टिप थिकनेस पे बात कर रहा है, इस बार वो मटेरियल रिमूवल रेट पे बात करेगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मार्क करिए, मटेरियल रिमूवल रेट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो मटेरियल रिमूवल रेट क्या होती है बेटा, मटेरियल रिमूवल रेट को हम बोलते हैं एमआरआर शॉर्ट में, किसके बराबर होती है, टी वन डब्ल्यू इंटू वी, अनकट एरिया इंटू कटिंग स्पीड कर देनी, अनकट एरिया क्या बनेगा, टी वन इंटू डब्ल्यू इंटू वी से मल्टीप्लाई कर दो, एरिया इंटू वेलोसिटी, अरे डिस्चार्ज समझते हो एफएम के अंदर, ए इंटू वी, वही तो है ये, एरिया में वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो बस। ओके, तो यहां से क्या निकल आएगा हमारा, मटेरियल रिमूवल रेट निकल आएगा, विच इज इक्वल टू द अनकट एरिया इंटू कटिंग स्पीड। ओके, नाउ याद रखेंगे अब एमआरआर का फॉर्मूला हो गया, मटेरियल रिमूवल रेट इक्वल टू पी वन डब्ल्यू इंटू वी, वेर वी इज द कटिंग स्पीड। अब ध्यान से सुने, टर्निंग के केस में टी वन और डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, टर्निंग अगर आपको दे दी जाए तो टी वन डब्ल्यू का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के। पढ़ाया था मैंने ये जब जब टर्निंग का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, कभी भी आपको ये टी वन डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं देगा, वो एफ इंटू एफ और डी देगा, चेक कर लो, 99% टर्निंग के क्वेश्चन में फीड और डेप्थ ऑफ कट मिलेगी आपको, और नॉर्मल जो मशीनिंग ऑपरेशन होंगे उसमें टी वन और डब्ल्यू मिलेगा, चेक कर लो आप आराम से। तो याद रखना, अगर टर्निंग से क्वेश्चन आ गया तो फीड और डेप्थ ऑफ कट देगा, तो उस टाइम पे एमआरआर कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, टी वन इंटू डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के, ये रहा, टी वन इंटू डब्ल्यू किसके बराबर होता है, एफ इंटू डी के। तो आप क्या कर देंगे, मटेरियल रिमूवल रेट इक्वल टू टी वन इंटू डब्ल्यू के पे क्या रख देंगे, एफ इंटू डी इंटू कटिंग वेलोसिटी वी, कर लेंगे बेटा ऐसा, कर लेंगे अपने नोट्स में, इसको मार्क करें फटाफट से, पक्का 2023 के लिए ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनेगा मटेरियल रिमूवल रेट से, पक्का बनेगा, मतलब इतना इजी नहीं बनेगा कि वो डायरेक्ट मटेरियल रिमूवल रेट पूछेगा, बट कुछ क्लिंग करके पूछेगा आपसे,
कुछ लिंक करके पूछेगा, मटेरियल रिमूवल रेट वगैरह दे दिया जाएगा, और उसके थ्रू आपसे हो सकता है फोर्स पूछ ले, उसके थ्रू आपसे हो सकता है कुछ और चीज पूछ ले, समझ में आ रही है? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, मटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर क्वेश्चन लगा के जाएंगे आप लोग, ठीक है? ये एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड टॉपिक है इस साल का मेटल कटिंग के अंदर, गॉट इट? चलिए नेक्स्ट प्लीज। अनदर वे, दूसरे तरीके से भी हम इसको सीख सकते हैं दोस्तों। ये है चिप का एरिया, चिप के एरिया में चिप की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मटेरियल रिमूवल रेट है। तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, एमआरआर इक्वल टू एरिया ऑफ चिप, ये एरिया ऑफ चिप हो गया, डब्ल्यू इंटू टी टू आपका एरिया ऑफ चिप हो जाएगा, इंटू उसमें वीसी, इस बार कौन सी वेलोसिटी आएगी लेकिन वीसी, चिप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देना। तो दोनों ही क्या बन जाएंगे बेटा, दोनों ही हमारे फॉर्मूलाज हैं किसके लिए, एमआरआर के लिए। तो क्या बता रहा हूं मैं, दोबारा सुन ले, मटेरियल रिमूवल रेट कुछ और नहीं है, एरिया इंटू वेलोसिटी है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो हमने पहले कैसे निकाला, इस वाले एरिया को लिया, इस वाली वेलोसिटी को लिया, इस बार क्या करेंगे, इस बार चिप के एरिया को लेंगे, चिप की वेलोसिटी को लेंगे। तो चिप का एरिया क्या बनेगा, टी टू इंटू डब्ल्यू, इस बार वी कौन सा लेंगे, वी सी, दैट इज अ चिप वेलोसिटी। तो दोनों तरीके से बेटा एमआरआर सीख लो, पता चला आ गया वहां पर धराशायी हो गए। ओके, छापो फटाफट। डन, नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, अब चूंकि स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन भी रिलेट करता है एमआरआर से, तो अगेन दिस इज अगेन द एक्सपेक्टेड टॉपिक फॉर गेट 2023। सुन लो बेटा, बता नहीं मेरे अंदर से आ रही है आवाज, एक मुझे लगता है इस बार जो क्वेश्चन बनेगा वो इन सब चीजों पे नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा इस बार मटेरियल रिमूवल रेट के ऊपर, लिख के ले लो, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से आ रहा है चीज, क्योंकि तो इतनी सारी चीजें पूछ लेना ना, बार बार हर बार फोर्स पूछते हैं वो लोग, तो इस बार मुझे लग रहा है मटेरियल रिमूवल रेट पे क्वेश्चन बनने वाला है। तो एक्सपेक्टेड टॉपिक है, सुन लो दोबारा बोल रहा हूं मैं, स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन में एमआरआर यूज होता है, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू कैन नॉट स्किप दिस एट ऑल। ज्यादातर बच्चे मर्चेंट सर्कल में लगे रहते हैं, ठीक है इंपॉर्टेंट पार्ट, आई नो आएगा मर्चेंट सर्कल से क्वेश्चन, बट कहीं ना कहीं वो यार लिंक करेगा चीजों को, इस बार लिख के ले लो मेरी बात आप, ठीक है? इसीलिए स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन बिल्कुल छोड़ के नहीं जाएंगे। स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन होता क्या है, पावर को डिवाइड कर देना है एमआरआर से, आ गया स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन, खत्म। ओके, तो स्पेसिफिक कटिंग पावर कंजम्पशन कैसे निकलेगा, कटिंग पावर को एमआरआर से डिवाइड कर दो, कटिंग पावर होती है एफसी इंटू वी, उसको एमआरआर से डिवाइड कर दिया, टी वन डब्ल्यू इंटू वी से आपका स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन निकल के आ जाएगा। बिल्कुल चाकाल भाई, बिल्कुल। नेक्स्ट प्लीज। अगर वो आपसे स्पेसिफिक शियर पावर पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना, शियर पावर को एमआरआर से डिवाइड कर देना है। अगर वो आपसे स्पेसिफिक फ्रिक्शन पावर पूछता है तो आपको फ्रिक्शन पावर को एमआरआर से डिवाइड कर देना है, खत्म। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लो बेटा जो आपको कंफ्यूज करेगा गेट में, यह भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, कटिंग प्रेशर या स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर भी इसको बोलते हैं। ध्यान देंगे सब लोग, अब ध्यान देंगे सब लोग, प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर होता है एरिया, एरिया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। कंडीशन क्या होती है दोनों की, फोर्स और एरिया एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, हाँ या ना? तो दोस्तों ध्यान दो, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर या कटिंग प्रेशर इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, कौन सा एरिया, अनकट एरिया। ध्यान दे जरा, इधर आओ, ये रहा हमारा अनकट एरिया, और इधर से कौन सा फोर्स लगता है बेटा, इधर से फोर्स लगता है एफसी। तो एफसी और अनकट एरिया एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, तो जब टूल एक्चुअली जब टकराता है वर्कपीस से तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, माइंड इट प्लीज, जब टूल वर्कपीस से टकराता है इस डायरेक्शन में तो इस एरिया पे वो एक प्रेशर लगाता है, उसी प्रेशर को बोलते हैं कटिंग प्रेशर। क्या बोलते हैं, कटिंग प्रेशर। तो कैसे निकलेगा, एफसी को डिवाइड कर देना है अनकट एरिया से, आपका प्रेशर निकल आया, खत्म, ठीक है? तो कटिंग प्रेशर इज इक्वल टू एफ सी डिवाइडेड बाय अनकट एरिया, अनकट एरिया किसके बराबर होता है, टी वन इंटू डब्ल्यू के। छापिए,
जितने टॉपिक मैं आप करा रहा हूं नहीं वाले, ये इंपॉर्टेंट है बेटा गेट 2023 के लिए। चलो नेक्स्ट प्लीज, मर्चेंट्स एंड अर्नस्टनेस थ्योरी। बेटा याद करो ये वाला फॉर्मूला, ये सब छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ना आपको, कुछ नहीं आने वाला, याद करो। क्या 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 है ये, क्या है ये, अरे ये क्या है, जल्दी बताओ रिप्लाई में सारे लोग, ये क्या है जल्दी बताओ सारे लोग, ये सब छोड़ो, ये सब नहीं पढ़ना हमें, ये बताओ ये फॉर्मूला क्या है, रिप्लाई में आंसर चाहिए मुझे सबका। अरे कौन सा फॉर्मूला है ये, एवरी वन खाली रिप्लाई प्लीज, इस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग। योगेश, अजय, गणेश, क्या नाम है इस फॉर्मूला का जिस पे आपकी पूरी मेटल कटिंग चलती है बेटा, ये फॉर्मूला जो आपको डूबने नहीं देता, क्या नाम है इस फॉर्मूला का, ब्रह्मास्त्र। शुभम पंडित क्या बात है, वेरी नाइस। कंडीशन पता ना ब्रह्मास्त्र की, कहां लगनी है ब्रह्मास्त्र की कंडीशन पता थी, बताई थी मैंने आपको, हर जगह इसको नहीं लगाना है आपको, ये ब्रह्मास्त्र कब यूज करना है, 2 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 90, दिस इज कॉल्ड द ब्रह्मास्त्र, इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं हम लोग। तो ब्रह्मास्त्र कब यूज होता है बेटा, जब आपको लगे कि कोई भी थ्योरी काम नहीं कर रही है, कुछ भी चीज नहीं दी हुई है, किसी भी तरह से हमारे एंगल नहीं निकल पा रहे हैं, देन ओनली यू कैन यूज दिस, अदरवाइज पेपर में स्पेसिफिकली मेंशन होगा कि यूज मर्चेंट थ्योरी, या वो बोलेगा कि भैया अप्लाई द थ्योरी फॉर द मिनिमम एनर्जी, ऐसे करके बोलेगा आपको वो। तो जब वो मिनिमम एनर्जी आपसे बोल दे या मिनिमम पावर कंजम्पशन आपसे बोले, तब जाके आपको ये फॉर्मूला लगाना है। लास्ट ईयर 2021 में एक क्वेश्चन आया था, लिसन केयरफुली, 2021 में एक क्वेश्चन आया था, बच्चों ने डायरेक्टली ब्रह्मास्त्र लगा दिया था, मतलब घुमा के वो दिया हुआ था, जिसमें आपको दो तीन इक्वेशन को यूज करके एंगल्स निकालने थे, लेकिन वो क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था, तो बच्चों को लगा यार गौरव सर ऐसे पढ़ाया था तो ये तो लगा नहीं, डायरेक्टली उन्होंने ब्रह्मास्त्र लगा दिया, गलत हो गया। याद रखना पहले आपको पूरा सर माथा फोड़ना है अपना, वहां पे जाके जब आपको लगे कि भैया मर्चेंट सर्कल से भी सॉल्व नहीं हो रहा, जितने फॉर्मूला लगाए उससे भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो जाके आपको लगाना होता है, ये डायरेक्टली अप्लाई कर दोगे गलत हो जाएगा बेटा, ठीक है। सो काइंडली डू नॉट डू दैट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नाउ ये हमको पता ही है, सारे फोर्सेस में आपको पढ़ा रखा हूं ऑलरेडी। टर्निंग, टर्निंग में बेटा याद है आप लोगों को, टर्निंग में एक्चुअली हमारे पास एक फीड और एक्सियल फोर्स आ जाता है, यू नो दैट, ओके। टर्निंग की बात कर लेते हैं बेटा, सीसी केयरफुली, टर्निंग इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो टर्निंग में बेटा वी हैव टू एडिशनल फोर्सेज, एक होता है फीड फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम करता है, एक होता है रेडियल फोर्स जो इस डायरेक्शन में काम करता है ना, वी नो दिस। तो अगर आपको फीड फोर्स जैसी कोई चीज बोल रहा है वो, तो आपको पता होना चाहिए उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिखा होगा ये ना, मेन कटिंग फोर्स एफ सी होता है, वी नो दैट। फीड फोर्स क्या होता है, एफ टी कॉस साई एस, ये याद रखना है बेटा, आपको गलती नहीं करनी है। फीड फोर्स जिसको हम एक्सियल फोर्स भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एफ टी कॉस साई एस, इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये भी उम्मीद आने की। टर्निंग से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, अच्छा एक क्वेश्चन टर्निंग से बन सकता है इस साल, लिसन केयरफुली, टर्निंग से इस साल क्वेश्चन बन सकता है, एक्सपेक्टेड है टू गेट 2023 के लिए, डोंट स्कीप एट ऑल, बिल्कुल स्कीप नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वो छोटी मोटी चीज छुपा देगा और आप कर नहीं पाओगे। तो एक्सियल फोर्स होता है एफ टी कॉस साई एस, रेडियल फोर्स होता है एफ टी साइन साई एस। वन मोर थिंग, व्हेन टर्निंग बिकम्स ऑर्थोगोनल टर्निंग, तो साई एस की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, और उस केस में हमारा जो एक्सियल फोर्स होता है या फीड फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, एफ एफ बोल लो या एफ ए बोल लो इसको, एक्सियल फोर्स, वो किसके बराबर हो जाता है बेटा, एफ पी के बराबर, यू नो दिस। और रेडियल फोर्स किसके बराबर हो जाता है बेटा, जीरो के बराबर, कब, व्हेन टर्निंग इज ऑर्थोगोनल, ओके। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको पूछ लो, क्योंकि पक्का आ रहा है इस साल ये। हाँ बेटा बिल्कुल 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 शुभम भाई, मैंने बताया भी था ब्रह्मास्त्र कभी डायरेक्टली नहीं लगता है, ब्रह्मास्त्र कभी डायरेक्टली नहीं लगेगा बेटा, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट।
ओके चलिए एक और चीज जो गेट करेगा इस साल आपके साथ, सी केयरफुली, याद रखना जब तक ऑर्थोगोनल टर्निंग नहीं है, कान में तेल डाल के सुनेंगे, जब तक ऑर्थोगोनल टर्निंग नहीं है तब तब टी वन किसके बराबर होता है, अनकट चिप थिकनेस किसके बराबर होता है, एफ कॉस साई एस के। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल मेंशन है कि नहीं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कुछ ही साल पहले आया था, गेट 2016-17 के आसपास आया, अनकट चिप थिकनेस पूछी गई थी और साई एस की वैल्यू दी गई थी, ध्यान से सुन लो बेटा, डायरेक्टली टी वन को फीड के बराबर नहीं करेंगे आप, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, अगर ऑब्लिक कटिंग है, ऑब्लिक टर्निंग है तो अनकट चिप थिकनेस एफ कॉस साई एस के बराबर होगी, और अगर अगर ऑर्थोगोनल टर्निंग है तो अनकट चिप थिकनेस किसके बराबर हो जाएगी बेटा, तो अनकट चिप थिकनेस, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, उस केस में अनकट चिप थिकनेस फीड के बराबर होगी, ठीक है। और मान लो टर्निंग ऑपरेशन नहीं है, कोई और स्ट्रेट कटिंग ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, तो वो टी वन किसके बराबर होता है, पता है ना ये दो केसेस आपको, तो टी वन बराबर होता है डेप्थ ऑफ कट के। अगर हमारा कोई स्ट्रेट टर्निंग ऑपरेशन है तो टी वन डेप्थ ऑफ कट के बराबर है, और अगर टर्निंग है तो टी वन बराबर है एफ कॉस साई एस, ऐसे याद करो आप, जब ऑर्थोगोनल हो जाएगी तब हो जाएगा टी वन इक्वल टू एफ। तो डोंट मेक अ मिस्टेक प्लीज, डोंट मेक अ मिस्टेक प्लीज, काफी इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं बेटा ये मैं। आप लोग ना अपने नोट्स लेके बैठो, थैंक यू प्रज्ञा, अपने नोट्स लेके बैठो सब लोग, तो गांजा में जो चीजें लिखवा रहा हूं उनको चेक करते हैं, और रिवीजन का मीनिंग क्या होता है, आप भी अपने नोट्स लेके बैठो, आपको एक चीजें रिकॉल होनी चाहिए, तो जहां आपको लग रहा है ये चीज मैंने छोड़ दी थी या ये चीज सर ने बताई है अभी, तो उसको उसमें डाल लो। ओके चलिए, वेरी ग्रेट वेरी ग्रेट, आगे बढ़ते हैं, ये सब हम पढ़ के बैठे हैं ऑलरेडी, मैं आपको बताई दिया हूं कि टी वन इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। टूल फेलियर, यस टूल फेलियर पे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, टूल फेलियर पे क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, किस पे आएगा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा ये सब क्रिएटर वेटर वियर पे क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं आएगा क्वेश्चन आएगा, ये सब मैं स्किप कर रहा हूं, ये सब पढ़ के चले जाना, अब नहीं आएगा क्वेश्चन, आएगा टूल लाइफ के ऊपर। ओके क्वेश्चन आएगा टूल लाइफ के ऊपर, टूल लाइफ, ओके क्वेश्चन आएगा टूल लाइफ के ऊपर, तो क्या करना है भैया इसमें, टूल लाइफ में बस एक ही क्वेश्चन याद कर लो, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन खत्म, वी टी टू दी पावर एन इक्वल टू सी, दैट्स इट, हो गया। वाकई में इतना ही है, कोई कहीं नहीं, एक इक्वेशन और तमाम क्वेश्चन, एक इक्वेशन और तमाम क्वेश्चन, ठीक है, तो v t to the power n equal to c, गलती क्या करेंगे आप, गलती आप करेंगे एक चीज में कि आप यहां पे अपने हिसाब से यूनिट ले लेंगे, नो यूनिट क्या लेनी है, कटिंग स्पीड की यूनिट लेनी है मीटर पर मिनट, टूल लाइफ लेनी है मिनट में, ठीक है, बाकी n और c आपको दे दिए जाएंगे। ओके ग्रेट ग्रेट प्रणव भाई ग्रेट, टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, और वो भी ध्यान रखना, एक एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया होगा इस तरह का, जहां पे दो टूल का कंपैरिजन हो रहा था, ठीक है, ए और बी टूल का, जिसमें दो कर्व बनते हैं ना इस तरह से, ये वाला क्वेश्चन याद है आप लोगों को, ए और बी वाला, दो लोग मुझसे पढ़े हुए, मैंने कराया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर एक बार देख के जाइएगा, जब दो टूल्स का कंपेरिजन होता है तो उसमें वो पूछता है आपसे कि डिटरमाइन द स्पीड अबव विच टूल ए विल हैव द हायर टूल लाइफ देन टूल बी, इस तरह से पूछता है हुआ ना, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर देख के जाना है इसमें, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन में, तो वी टू टू द पावर एन इक्वल टू सी को हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं, ध्यान देंगे, वी वन टी वन की पावर एन इक्वल टू वी टू टी टू की पावर एन, एक इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम। दूसरा, कई बार टर्निंग के केस में वी की वैल्यू क्या रखते हैं हम लोग, पाई डी एन, तो पाई डी एन वन टी वन की पावर एन इज इक्वल टू पाई d2 t2 की पावर n, ठीक है, तो d2 पाई, इस तरह से करो एक सेकेंड, पाई d n1, ये v की वैल्यू होगी, और t1 की पावर n इक्वल टू पाई d n2 t2 की पावर n, तो पाई d से पाई d कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये था डायरेक्टली स्पीड के टर्म में, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आरपीएम के टर्म में, एन वन टी वन की पावर एन इक्वल टू एन टू टी टू की पावर एन, ये भी अपने नोट्स में डाल लो, तो डायरेक्टली आप एन के रेस्पेक्ट में भी इस फॉर्मूला को लिख सकते हो डायरेक्टली।
नेक्स्ट प्लीज। ये वैल्यूज याद कर लेना, ओके मे बी एग्जाम में पूछ ले, क्योंकि ऐसी वैल्यू आई हुई है। सुनो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट। यस सुनो 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 दुनिया के लोगों, सबसे बड़ा है मिस्टर गोगो, सुनो ध्यान से, सुनो एवरीवन। मैंने कई सालों से जो मैं चीजें चेक कर रहा हूँ गेट के अंदर, जो तो गेट क्या करता है, कई बार ऐसी चीजें पूछ लेता है, एक्सपोनेंट्स वगैरह को पूछता है चेक करना। कई बार मैंने देखा उसके उसके एग्जाम में एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछ लेता है वो। जैसे मुझे याद है बहुत अच्छे से, उसने मेटल फॉर्मिंग के अंदर एक्सपोनेंट की वैल्यू पूछी हुई है, माइंड प्लीज, जिसको हम स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट बोलते हैं ना, उसकी वैल्यू गेट ने पूछी हुई है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको याद करके जाए, प्लीज डोंट स्किप, प्लीज इसको स्किप नहीं करेंगे आप, मेरी मेरे मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट में जाएगा ये, इसको स्किप मत करना, याद करके जाना। पूछ सकता है आपसे वो कि भैया फॉर अ हाई स्पीड स्टील व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एन इन द टेनर एक्सपोनेंट, तो आपको याद रखनी वैल्यू 0.08 से लेकर 0.2 तक होती है, और एन की वैल्यू 0.1 से 0.15 तक होती है कास्ट अलॉयज के लिए, 0.2 से लेके 0.4 होती है कार्बाइड के लिए, और 0.5 से लेके 0.7 होती है सेरेमिक्स के लिए, ओके तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता ही होगा, मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ दो इसको, स्किप कर दो। अगर आता है इनकेस तो मॉडिफाइड टेलर इक्वेशन कुछ भी नहीं है बेटा, स्पीड और डेप्थ ऑफ कट को भी उसमें सम्मिलित कर लिया बस, टेलर ने इतना है बस, ठीक है। वी टू टू दी पावर एन इक्वल टू फीड टू दी पावर ए और डेप्थ ऑफ कट टू दी पावर बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसमें कुछ नहीं है, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही। तो अगर वो फीड और डेप्थ ऑफ कट देता तो सॉल्व करके निकाल लेना, ओके इस फॉर्मूले को याद कर लो। बाकी एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, याद करो, तीन तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है हमारी टूल लाइफ, टी इज द टूल लाइफ, हियर टी इज द टूल लाइफ, राइट, ध्यान दे जरा, टूल लाइफ तीन बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक है कटिंग स्पीड, एक है फीड और एक है डेप्थ ऑफ कट, करेक्ट, एक है कटिंग स्पीड, एक है फीड और एक है डेप्थ ऑफ कट। तो आपको ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो अफेक्ट करता है टूल की लाइफ को वो करती है वेलोसिटी, उसके बाद करती है फीड और सबसे लास्ट में करती है डेप्थ ऑफ कट। मतलब ये कि अगर मैं लेट्स इमेजिन एक्स परसेंट चेंज करता हूं अपनी वेलोसिटी को, और एक्स परसेंट ही चेंज करता हूं मैं फीड को, और एक्स परसेंट ही चेंज करता हूं डेप्थ ऑफ कट को, तो सबसे ज्यादा जो हमारी टूल को डैमेज करेगी या सबसे ज्यादा टूल को जो इफेक्ट करेगी वो कौन होगी, कटिंग वेलोसिटी। तो यहां पर शायद लिखा भी हुआ ये रहा कि कटिंग वेलोसिटी सबसे ज्यादा डैमेज करती है टूल को, फिर फीड और सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ कट, सबसे एंड में डेप्थ ऑफ कट। मे बी क्वेश्चन बन जाए कि सबसे ज्यादा मतलब डैमेज कौन करता है टूल को, तो आप क्लिक करेंगे कटिंग स्पीड, उसके बाद फीड और सबसे लास्ट में डेप्थ ऑफ कट। नेक्स्ट प्लीज, एच चिपिंग छोड़ दो, ये सब टूल बियर ये सब पढ़ के पढ़ लेना, एक बार डाले हुए मैंने। यस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इकोनॉमिक्स, इस पर क्वेश्चन आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा टूल इकोनॉमिक्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, बिलीव मी इंपॉर्टेंट मार्क करें इसको, मतलब मर्चेंट सर्कल के बाद के टॉपिक मेरे लिए इस साल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मर्चेंट में क्वेश्चन आ सकता है, नो डाउट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मुझे लगता है इस साल इन चीजों पर क्वेश्चन पूछेगा वो, क्योंकि पिछले एक दो सालों से वो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, वही वाले मर्चेंट सर्कल तक कई पूछ रहा है, तो इस बार मुझे उम्मीद है कि इस मर्चेंट सर्कल के बाद जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ज्यादा क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो काइंडली इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना किसी भी कीमत पर बेटा। चलिए सो करते हैं शुरुआत, ये डायग्राम आपने कई बार पढ़ा होगा, मैंने कई बार पढ़ाया आपको, ओके इज द फिक्स्ड कॉस्ट जिसको नॉन प्रोडक्टिव कॉस्ट बोलते हैं, ये हमारी मशीनिंग कॉस्ट होती है, फिर ये टूल रीग्राइंडिंग कॉस्ट होती है और टूल चेंजिंग कॉस्ट होती है, पता है ना, और फिर इन सबका सम निकालेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आती है ये वाली, तो जिस पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है, जिस पॉइंट पे हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाती है उसको हम ऑप्टिमम पॉइंट बोलते हैं, इसलिए इसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी मिलती है उसको हम ऑप्टिमम वेलोसिटी बोलते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें कॉस्ट मिलती है दैट इज द मिनिमम कॉस्ट और वी कैन से द ऑप्टिमम कॉस्ट, ओके। सो पूछता है वो कई केसेस में कि आपको बतानी है ऑप्टिमम वेलोसिटी, तो उसके लिए बेटा तीन चार तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, वो बता देता हूं आपको मैं, कम हियर सी केयरफुली,
फंडा समझेंगे सब लोग, मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ये सारी कॉस्ट आपको पता है ना। हमारा एम क्या, हमारा एम है मिनिमम कॉस्ट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालना, जिसको हम ऑप्टिमम वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम वेलोसिटी, यानी वी नॉट हमें निकालना है, ऑप्टिमम वेलोसिटी निकालना है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, कितने केसेस बनते हैं? देयर आर टू केसेस। पहला केस वो आपसे बोलेगा कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी, लिसन केयरफुली, वेलोसिटी क्यों निकालना है पहले वो भी समझो, पहले वो भी समझो कि वेलोसिटी निकाल क्यों रहा हूं भाई मैं, मुझे मजा आ रहा वेलोसिटी निकालने में, नहीं बस वेलोसिटी निकालने में पर्पस है। पर सुनो ध्यान से, अगर मैं सी एवरीवन, अगर मैं मान लो यहां पे मशीनिंग करूंगा कम वेलोसिटी पे, इसको बोलेंगे हम लो वेलोसिटी। अगर मैं यहां मशीनिंग करूंगा इसको बोलेंगे हाई वेलोसिटी। यस और नो, ये कौन सा रीजन है इधर? ये हमारी मीडियम रीजन, या मैं बोल सकता हूं ऑप्टिमम रीजन। तो मैं क्यों निकाल रहा हूं वी नॉट, मजा आ रहा है मुझे, नहीं इसके पीछे कारण है। क्या सुनो, अगर मैं लो स्पीड में मशीनिंग करूंगा, सी केयरफुली, अगर मैं लो स्पीड में मशीनिंग करूंगा तो टोटल वाले कॉस्ट कर्व को देखना जरा, टोटल कॉस्ट कर्व को देखना सब लोग। अगर मैं लो स्पीड में मशीनिंग करूंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर मैं हाई स्पीड में मशीनिंग करूंगा तो अभी मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी। तो मुझे एक ऐसा रीजन सेलेक्ट करना है, एक ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है, ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना जहां मेरी कॉस्ट मिनिमम हो। तो वो कौन है? वो वी नॉट। तो ये वी नॉट क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्यों वेट निकलवाएगा तुमसे वी नॉट? मजा आ रहा है गेट को निकलवाने में? याद हो भैया वी नॉट निकाल लो, है मजाक चल रही है क्या? क्या वी नॉट निकाल लो? अरे क्यों निकलवाएगा वी नॉट वो आपसे? क्योंकि इस वी नॉट पे हमें मिनिमम कॉस्ट मिलने वाली है। अब वो मिनिमम कॉस्ट दो तरीके से निकलवाएगा आपसे, यानी कि वो दो तरह से वी नॉट निकलवाएगा। पहला तरीका वो बोलेगा आपसे कि भैया वी नॉट निकालो फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन या मिनिमम प्रोडक्शन टाइम। जब किसी चीज को बनाने में मिनिमम टाइम लगाएंगे तो ऑब्वियसली बात है एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर, मान के चलो एक वर्कर है जो 8 घंटे में, ध्यान देना, 8 घंटे में 8 प्रोडक्ट बनाता है, यानी पर घंटा वो 1 प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, यानी कि मैं बोलूंगा कि उसकी प्रोडक्शन रेट बड़ी कम है, यानी वो प्रोडक्शन टाइम बहुत ज्यादा लगा रहा है, 1 घंटे में 1 प्रोडक्ट बना रहा है। मैंने कुछ ऐसा करा कि मैंने उसके टाइम को कम कर दिया, अब वो 1 घंटे में 2 प्रोडक्ट बना रहा है, तो सेम 8 घंटे में उसने कितना प्रोडक्ट बना दिया? 16 बना दिया, दुगने कर दिया ना। यानी कि हमारी प्रोडक्शन प्रोडक्शन टाइम हमने कम करके क्या बढ़ा लिया? प्रोडक्शन बढ़ा लिया, प्रोडक्शन टाइम कम करके प्रोडक्शन बढ़ा लिया ना। जहां वो 1 घंटे में 1 प्रोडक्ट बना रहा था, वही मैंने 1 घंटे में 2 बनवा लिया। उससे प्रोडक्शन टाइम कम कर दो, प्रोडक्शन अपने आप बढ़ जाएगा। कुल मिला के दोनों टर्म सेम है। तो वो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनाएगा कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम टूल लाइफ या डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है बेटा? इसके लिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे, ध्यान से सुनो, हम लोग पहले टी नॉट निकालेंगे, ऑप्टिमम टूल लाइफ। टी नॉट क्या होता है? टी नॉट होता है ऑप्टिमम टूल लाइफ। टूल लाइफ कैसे निकलेगा? 1/(n-1)(tc), वेर एन इज द टेलर्स टूल लाइफ एक्सपोनेंट एंड टी सी इज द टूल चेंजिंग टाइम जो क्वेश्चन में मेंशन होगा। यहां से आप टी नॉट निकालेंगे, टी नॉट निकल आएगा। अब टी नॉट निकालने के बाद आप लगाएंगे फॉर्मूला वी नॉट, टी नॉट की पावर एन इक्वल टू सी, और यहां से निकालेंगे वी नॉट। समझ गए दोस्तों? काइंडली रिप्लाई प्लीज एवरीवन। क्लियर हो रहा है? चलो हाँ आओ बेटा आगे, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो ये कब है? ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर किसके लिए? मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए या मिनिमम प्रोडक्शन टाइम के लिए, या फिर वो आपसे कॉस्ट की बात करेगा। कॉस्ट कि डिटरमाइन द ऑप्टिमम टूल लाइफ या ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मिनिमम कॉस्ट। तो उस टाइम पे बेटा सेम फॉर्मूला याद करना है आपको, ध्यान दें, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं है। टी नॉट इक्वल टू 1/(n-1)(tc), यही फॉर्मूला लिखवाया मैंने वहां पे, रटो मत कुछ भी। 1/(n-1)(tc), यहां ब्रैकेट लगाओ, प्लस CT/CM, खत्म। अब दो नए टर्म आ जाएंगे, CT और CM। CT क्या होता है बेटा? टूलिंग कॉस्ट। CT क्या है? टूलिंग कॉस्ट। तो जितनी भी टूलिंग कॉस्ट आपको दी होगी सबको एड कर देना है, ठीक है? टूलिंग कॉस्ट निकालेंगे आप रुपीज में, ध्यान देना है ना, यहां पर रुपीज में निकालेंगे इसको, रुपीज।
और सीएम होगा मशीनिंग कॉस्ट जो निकलेगा रुपीज पर मिनट में, रुपीज पर मिनट, रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट हो जाएगा, मिनट आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यानी टीसी की यूनिट भी मिनट हो जाएगी और इस वाले टर्म की यूनिट भी क्या हो जाएगी, मिनट हो जाएगी। तो ये भी मिनट में रखना है आपको और ये भी मिनट में रखना है। मिस्टेक मत करना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो एन आप ले रहे हो ये टेलर टू लाइट से ले रहे हो, और टेलर टू लाइट एक इंपेरेटिव रिलेशन है जिसमें मिनट चलती है, तो यहाँ आवर नहीं लिख सकते हो, आपको मिनट में ज्यादा काम करना है इस चीज को, तो वहीं पर नोट डाउन कर लो वरना गड़बड़ करके आ जाओगे। खाली नोट इट डाउन प्लीज, इस चीज को लिख लो बेटा कि मिनट में ही करना है वरना गलत गुड़ गोबर हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा सब, ठीक है। बताओ बेटा फटाफट से, बंगाली आती है तुम लोगों को? आई हैव जस्ट आस्क्ड यू, ठीक है मतलब ठीक है, सब ठीक है, बताओ फटाफट से। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, चलिए नेक्स्ट प्लीज। कटिंग वर्सेस टाइम ग्राफ ये तो छोड़ दो आप, इसको स्किप करो। एक चीज और मुझे इसमें बतानी थी आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक चीज में ध्यान से सुन लो, सी केयरफुली, जो सीटी होता है ना सीटी, ये टूलिंग कॉस्ट है। तो टूलिंग कॉस्ट में टूल की डेप्रिसिएशन कॉस्ट, टूल डेप्रिसिएट करता है ना, डेप्रिसिएशन समझता है ना, डेप्रिसिएशन। आपने मान लो कोई गाड़ी खरीदी, इसकी कीमत 5 लाख रुपए है, एक साल के बाद उसकी कीमत 4 लाख रह जाएगी, डेप्रिशिएट होती है हर चीज, है ना, जो भी हम लोग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं उनकी कीमत डेप्रिशिएट होती है, ओके। तो टूल डेप्रिशिएट कॉस्ट आपको दी हुई है तो वो सिटी में जाएगा, लिख लो इस चीज को, लिखो कहीं पे, टूल डेप्रिशिएशन कॉस्ट अगर आपको दी है तो सिटी में जाएगा वो। टूल अगर हम रीग्राइंड कर रहे हैं, टूल अगर हम रीग्राइंड कर रहे हैं तो भी वो सिटी में जाएगा। तो रीग्राइंड करने के लिए होता क्या, सुनो ध्यान से, तो इसमें डेप्रिशिएशन कॉस्ट डाल लो, रीग्राइंड कॉस्ट डाल लो, रीग्राइंड कॉस्ट कैसे निकलेगी, रीग्राइंड कॉस्ट निकलेगी, रीग्राइंड कॉस्ट, गलती मत करके आना यहां पे, रीग्राइंड कॉस्ट निकलेगी, जो भी रीग्राइंडिंग टाइम लगेगा वो रीग्राइंडिंग टाइम इनटू जो भी ग्राइंडिंग मशीन आपको दे रखी होगी उसकी कीमत, उसकी रनिंग कॉस्ट, यानी कि रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन, रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, जो भी आपको मशीनिंग कॉस्ट वहां पे दे रखी होगी आपसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लेट्स इमेजिंग, रीग्राइंड करने में 3 मिनट लगते हैं, इमेजिन कर लेते हैं 3 मिनट इंटू रनिंग कॉस्ट, इमेजिन कर लो कि 1 रुपए पर मिनट दे रखी है, तो 1 रुपीज पर मिनट, यहां मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, कितना आंसर आ जाएगा, 3 रुपीज, यानी रीग्राइंड करने में 3 रुपीज लगे। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है, रीग्राइंड करने में 3 रुपए लगे, तो आपको इसको आप बोल सकते हो CR, रीग्राइंडिंग कॉस्ट। तो ये रीग्राइंडिंग कॉस्ट किसमें ऐड होगी, सीटी में जाएगी। हम मान लो डेप्रीशिएशन भी आपको दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन भी आपको दिया हुआ है, डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन ऑलरेडी वो कॉस्ट में होता है, जैसे मैंने भी बोला ना कि 5 लाख की कार खरीदी है तो कुछ साल बाद वो 4 लाख की रह गई, तो ऑटोमेटिकली रुपीज में होगा पहले से ही। तो लेट्स इमेजिन डेप्रीशिएशन कॉस्ट 5 रुपए दे रखी है, इमेजिन करते हैं, इमेजिन करते हैं, 5 रुपए तो होगी डेप्रीशिएशन कॉस्ट और 3 रुपए होगी हमारी ग्राइंडिंग कॉस्ट, तो टोटल टूलिंग कॉस्ट कितनी हो गई, कुल मिला के टूल की कॉस्ट है ना ये, टोटल टूलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी बेटा, 3 और 5 कितने हो गए, 8, तो यहाँ पे आपको 8 रखना है। आई कुछ बात समझ में, तो जितनी भी टूल रिलेटेड कॉस्ट होंगी, लिसन केयरफुली, वो सारी सिटी में डालनी है बेटा आपको, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, सारी सिटी में डालनी है। एक और जो ग्रेट कंफ्यूजन आपसे गेट करवाएगा वो भी सुन लो, एक ग्रेट कंफ्यूजन जो गेट आपसे करवाएगा, लिख लो मेरी बात कहीं पे कागज पे, एक ग्रेट कंफ्यूजन जो आपसे ग्रेट गेट करवा सकता है, लिसन केयरफुली, ग्रेट कंफ्यूजन जो गेट आपसे करवा सकता है वो ये, कि वो आपको क्वेश्चन में बहुत लंबा चौड़ा डेटा देगा, टूलिंग कॉस्ट, रीग्राइंडिंग कॉस्ट, डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फलाना कॉस्ट, ढिमकाना कॉस्ट, 4 बातें कर देगा और लास्ट में लिख देगा डिटरमाइन ऑप्टिमम कटिंग वेलोसिटी फॉर फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, क्या लिख देगा, डिटरमाइन द ऑप्टिमम वेलोसिटी फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऐसे बोलेगा बेटा, सुनो ध्यान से, बहुत बड़ी चीज, डिटरमाइन द ऑप्टिमम कटिंग स्पीड। अब आधे से ज्यादा बच्चे तो यही खो जाएंगे, अरे डेप्रिसिएशन भी दिया है, अरे ये भी दिया है, गौरवसन ने बोला था ऐसे ऐसे करना है, सारी सीटी में डाल देनी है, अरे भैया, अरे मेरे बंधु, इस वाले केस में
सीटी सीएम लेना ही नहीं है, नहीं लेना है। अरे क्यों नहीं लेना है? अरे यही तो गेट खेलता बेटा आपके साथ, क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसने सीटी सीएम वाली बात पूछी नहीं है आपसे, उसने क्या पूछा है? ऑप्टिमम कटिंग स्पीड या ऑप्टिमम टूल लाइफ फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और मैक्सिमम प्रोडक्शन के फॉर्मूला को चेक करना जरा, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। मैक्सिमम प्रोडक्शन के फॉर्मूला में सीटीसीएम तो है ही नहीं भाई, यानी कि वो आपसे पहला केस पूछ रहा है, दूसरा केस पूछ ही नहीं रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए बेटा अपना दिमाग ना खुला रखना गेट के पेपर में, आधे से ज्यादा बच्चे ना गेट में सेलेक्ट इसीलिए नहीं होते हैं, पेपर के प्रेशर को हावी कर लेते हैं, इतना ज्यादा हावी कर लेते हैं कि पढ़ना भूल जाते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। दिमाग में जैसे पढ़ा डेप्रिसिएशन कॉस्ट, सीधे सबकॉन्शियस माइंड ने इशारा किया, अरे गौरव सर के रिवीजन सेशन में बैठा था बेटा तू, गौरव सर ने बोला था डेप्रिसिएशन कॉस्ट सीटी में ऐड करनी, बस वो सीटी में लगा पड़ा है, सीटी निकालने में लगा पड़ा है, वो भूल गया कि नीचे भी कुछ लिखा है भाई। ये मैं लिटरली आपको रियलिटी बता रहा हूं, गेट के पेपर यही होता है बेटा, आधे से ज्यादा बच्चे जानते चीजों को कर नहीं पाते, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ये पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है ना आपका, ये बड़ा खेल खेलता है बेटा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिलीव मी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सीधे जैसे डेप्रिसिएशन पढ़ोगे ना, दिमाग में घर कर गई ये बात कि अरे गौरव सर ने डेप्रिसिएशन बोला था सीटी में ऐड करना है, आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करेगा। बस मैं लिख के दे रहा हूँ, 4-5 मिनट खा जाओगे तब समझ में आएगा, अरे यार ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट होना था। आ रही है बात समझ में तो समझो बेटा बात की गहराई है ना, नेता बनने की ना जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो ये प्रॉफिट ऑफिट छोड़ दो, टाइप्स ऑफ सिर्फ पढ़ के चले जाना, सब 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 ये तो पढ़ के चले जाना बेटा, यस इस पे बेटा आओ मेरे भैया 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 सुनो ध्यान से, सुनो सो बॉय, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ मैं आपको, गौरव सर कैसी बातें कर रहे हैं, गेट तो कभी नहीं पूछता, ये पूछेगा, इस बार पूछ सकता है, क्योंकि गेट ने एमएसक्यू डाल दिया बेटा। क्या डाल दिए? एमएसक्यू, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है ना, तो एमएसक्यू में कंटिन्यू करने क्या बन सकती है, कंडीशन बन सकती है भैया कौन सी चीज है फेवरेबल कंडीशन है कंटिन्यूशिप की, और कौन कौन सी चीज है फेवरेबल कंडीशन डिसकंटिन्यूशिप की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जल्दी बताओ। इसलिए एमएसक्यू, प्लीज एमएसक्यू, एमएसक्यू के लिए ये कंटिन्यूशिप डिसकंटिन्यूशिप सेरेटेड चिप्स के बारे में पढ़ के जाएंगे आप। ओके, ये मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, सेरेटेड चिप्स क्या होती है, विदाउट व्यू बिल्ट अप एज क्या होता है, ये सारी जो कंडीशन होती है ना, कंडीशन होती है ना, फेवरेबल कंडीशन फॉर दैट कंटिन्यूशिप क्या होती है, वर्क मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए, कटिंग स्पीड हाई होनी चाहिए, रेक एंगल पॉजिटिव होना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो इनको बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस। तो ये एमएसक्यू में आ सकती है बेटा, इसीलिए डोंट स्किप एट ऑल, किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करेंगे। गणेश सुब्रमण्यम क्या बात है बेटा, आप भी आयो, क्या बात है, वेलकम बेटा। यस बेटा, गेट एक ट्रैप है भाई, बहुत बड़ा ट्रैप है ये, बहुत बड़ा ट्रैप है। मैं थोड़ी सी कुछ दिन से मेरी तबीयत खराब थी, बट मैं बैक टू ट्रैक आ चुका हूँ, मैं आपको अब 2-4 दिन हर दिन ना कुछ वीडियो बना के देता रहूंगा, ताकि आप मोटिवेटेड रहें, कहां तक, गेट के पेपर तक, ठीक है, उसके बाद फिर डीमोटिवेट हो जाना, अभी डीमोटिवेट नहीं होना तुम्हें बिल्कुल भी, यू आर नॉट अलाउड फॉर एनीथिंग जो आपके फेवर में नहीं है, वो कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, बीमार है तब भी पढ़ाई करनी है, बीमार नहीं तब भी पढ़ाई करनी है, बिंदा देख करने बेटा, इस वक्त आपको अलाउड ही नहीं हो, यू आर नॉट अलाउड, आपको कोई टॉलरेंस ही नहीं है इस चीज के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ बेटा विवेक राजस, बिल्कुल करेंगे यार, कैसी बात कर रही मेरे भाई। तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ चिप्स है ना, इन जनरल सेनेटरी को भले एक बार छोड़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। कंटिन्यूशिप क्या होती है बेटा, जो लगातार बनती चली जाती है ना, और ये प्रॉपर्टी डक्टाइल मटेरियल के अंदर होती है। तो चलिए एक बार रिकैप दे लेते हैं, तो कंटिन्यूशिप विदाउट बिल्ट अप एज, इसमें भी दो पार्ट है बेटा, एक है विदाउट और एक है विद, ओके, दोनों मेजर डिफरेंस क्या समझो, ये कंटिन्यूशिप जिसके अंदर बिल्ट अप एज नहीं है, अब वर्क पीस का मटेरियल टूट टूट के जब इसके साथ आ जाता है चिपक चिपक के, उसको बोलते हैं बिल्ट अप एज। बिल्ट अप एज और विदाउट बिल्ट अप एज में मेजर डिफरेंस है, बस वो ये है कि बिल्ट अप एज बनती है तब जब हम ज्यादा हीट पैदा कर लेते हैं, ज्यादा गर्मी आ जाती है हमारे मशीनिंग जोन में, तो हमारा मटेरियल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, वो सॉफ्ट होकर चिपकने लगता है वर्क पीस के साथ। हीट को दिमाग में रखना है बस, है ना, और अगर मैं हीट को एलिमिनेट कर दूं उस मशीनिंग से, तो फिर बिल्ट अप एज नहीं मिलेगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ आप लोगों को। बिल्ट अप एज आने का जो मेजर रीजन है वो हीट होता है बेटा, और ऑलरेडी हम लोग डक्टाइल मेटल, हम लोग जानते हैं डक्टाइल मेटल सॉफ्ट होते हैं, और हीट अगर उसको मिल जाती है तो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, जब वो और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर वो वर्क पीस से टूट के चिप के साथ चिपकने लगता है, इसको बिल्ट अप एज बोलते हैं।
हीट का ध्यान रखना है बस आपको, बाकी दोनों की कंडीशन ऑलमोस्ट सेम है। तो देखिए विदाउट बिल्टअप एज आपको चिप बनानी है तो वर्क मटेरियल डक्टाइल होना चाहिए और इधर डक्टाइल होना चाहिए। इधर आओ, कटिंग स्पीड यहां पे हाई होती है, यहां पे लो होती है, क्योंकि लो होने से क्या होता है, लो होने से हीट को डिसिपेट होने का टाइम नहीं मिलता। माइंड इट प्लीज, हीट को डिसिपेट होने का सॉरी लो होने से हीट को डिसिपेट होने का टाइम मिलता है, उल्टा बोल गया मैं, लो होने से हीट को वर्क पीस के अंदर डिसिपेट होने का टाइम मिलता है बेटा। स्पीड ज्यादा होगी तो हीट क्या करती है, चिप के साथ निकल जाती है। पढ़ाया ना मैंने, नहीं पढ़ाया आप लोगों को। अगर मीडियम स्पीड पे या हाई स्पीड पे मशीनिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द हीट इज कैरीड अवे बाय द चिप, लेकिन अगर स्पीड स्लो होती है तो हीट कहां घुसती है, वर्कपीस के अंदर घुसती है। और वर्कपीस के अंदर अगर हीट घुसेगी तो बेटा क्या होगा, वर्कपीस के अंदर अगर हीट घुसेगी तो मटेरियल और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, दैट विल फॉर्म द बिल्टअप एज। ओके नाउ एक एंगल पॉजिटिव और आई रखना है, एक एंगल पॉजिटिव आई, वो बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। डेप्थ ऑफ कट स्मॉल रखनी है, यहाँ पे मीडियम टू आई रख सकते हो, क्योंकि डेप्थ ऑफ कट के डेप्थ ऑफ कट ज्यादा करने का मीनिंग क्या है, ज्यादा मेटल काटना। ज्यादा मेटल काटने का मतलब क्या है, ज्यादा एनर्जी लगाना। ज्यादा एनर्जी लगाने का मतलब क्या है, ज्यादा हीट डेवलप करना। ज्यादा हीट डेवलप करने का मतलब क्या है, बिल्टअप एज को न्योता देना, बिल्टअप एज को न्योता देना। ठीक है, चलिए फीड लो रखो, यहाँ पे फीड आप मीडियम रख सकते हो, और यहाँ पे कूलेंट यूज करना है, यस कूलेंट यूज करना है, यहाँ पे कूलेंट यूज नहीं करना, क्योंकि कूलेंट यूज नहीं करेंगे तो गर्मी बनी रहेगी, गर्मी बनी रहेगी तो बिल्टअप एज फॉर्मेशन होता रहेगा। तो दीज आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर कंटीन्यूअस चिप फॉर्मेशन। सेरेटेड चिप, नो सेरेटेड चिप जो है डिसकंटीन्यूअस चिप थी, सेरेटेड चिप बेटा कैसी होती है, सेरेटेड चिप होती है दांतेदार चिप। ठीक है, डिसकंटीन्यूअस नहीं, कंटीन्यूअस होती है, क्योंकि जब एक्चुअली वो इन होमोजेनिटी की वजह से आती है, नॉन होमोजेनस मटेरियल की, मतलब एक्चुअली जब सेंसिटिव मटेरियल होते हैं ना, टाइटेनियम वगैरह, वहां पे डेवलप होती है, और जब वो वर्कपीस से टच होके चलती है, टूल से टच होके जब चिप चलती है तो जो पे जब फोर्सेस लगते हैं तो यहाँ पे बेटा उभर जाती है वो ऐसे करके, उसके दांत बन जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेरेटेड चिप्स। क्या बोलते हैं, सेरेटेड चिप। तो कंटिन्यूस होती, डिसकंटिन्यू होती बेटा, शाकल भाई ठीक है, दांतेदार चिप, यस यस दांतेदार, वही बोल रहा हूँ, दांत बन गए ना वाले, तो दांतेदार चिप होती है वो, दैट इज समथिंग एल्स। डिसकंटिन्यूस चिप ब्रिटल मेटल के अंदर बनती है, इसमें ये रहा डिसकंटिन्यूस चिप के बारे में लिखा हुआ, पढ़ लो फटाफट से। डिसकंटिन्यूस चिप के लिए मटेरियल ब्रिटल होना चाहिए, कटिंग स्पीड लो रख सकते हो आप, डेप्थ ऑफ कट मीडियम टू हाई रख सकते हो, फीड मीडियम टू हाई रख सकते हो। ओके चलिए बाकी ये, यस 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 इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एंगल ऑन मशीनिंग पैरामीटर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक एंगल के बढ़ने से क्या होगा और एक एंगल के घटने से क्या होगा, इस पर क्वेश्चन आता है और आ रहा है, लिसन केयरफुली। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, बीटा यानी कि फ्रिक्शन एंगल का क्या असर पड़ेगा, कटिंग फोर्स पे फ्रिक्शन एंगल का क्या असर पड़ेगा, चिप थिकनेस पे, ये तक पूछा गया था। माइंड इट प्लीज, इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने के लिए। माइंड इट प्लीज, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट एंगल्स ऑन मशीनिंग पैरामीटर्स। तो बेटा रेक एंगल अगर बढ़ता है तो शार्पनेस बढ़ती है, फोर्सेस घट जाएंगे, कटिंग एज शार्प हो जाएगी, कटिंग फोर्स की वैल्यू घट जाएगी। अल्फा के बढ़ने से शीयर फोर्स कम हो जाता है, तो उससे शीयर डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा, शीयर डिफॉर्मेशन कम हो जाएगा तो चिप की थिकनेस कम हो जाएगी, चिप की थिकनेस अगर कम हो जाएगी तो ध्यान दें आर होता है T1/T2, तो T2 अगर कम हो जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, आ रहा कुछ समझ में, क्या कह रहा हूं मैं, तो मेरे बच्चों ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पक्का मिलेगा इसमें आपको, 100% बोल रहा हूं मैं, स्किप मत करना इस वाले टॉपिक को बिल्कुल भी। ठीक, बाकी T2 घटता है तो लेस फोर्स एंड पावर कंजम्पशन, एक्चुअली ध्यान रखो हमेशा जितना T2 हम कम रखते हैं उतना हमारे लिए पावर कंजम्पशन कम होता है। ओके बाकी ये सारा पढ़ के जाना, मैं पूरा इसका PDF डाल दूंगा आपको, एवरी एंगल के बारे में दिया हुआ, एवरी एंगल के बारे में कहीं भी स्किप नहीं करना ये वाला टॉपिक आपको किसी भी तरह से। ठीक है चलो, बाकी का ये वाला डायग्राम आपको याद है दोस्तों, सी दिस डायग्राम, यू रिमेंबर ये वाला डायग्राम याद है आप लोगों को,
कट सेक्शन टूल का जो हम देखते हैं तो ये कौन सा एंगल होता है, बैकरेक एंगल, ये कौन सा एंगल होता है, रिलीफ एंगल कौन सा, रिलीफ एंड रिलीफ, और ये क्या होता है, लिप एंगल, लिप एंगल, वेज एंगल, नाइफ एंगल और द कटिंग एंगल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कटिंग एंगल, कटिंग एंगल, नाइफ एंगल भी बोलते हैं कई बार इसको हम लोग, ठीक है, नाइफ एंगल, ये सारे नाम मैंने आपको बताए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो दोस्तों इन तीनों का सम करके देखो जरा, इसका इसका और इसका कितना आएगा, 90 डिग्री, वेयर अल्फा बैक इज द पॉजिटिव रेक एंगल, पॉजिटिव रेक एंगल। सेरेटेड चिप मतलब दांतेदार चिप, हाँ बेटा वही वही वही, यस यस शुभम पंडित बेटा, यस ओके। सो ये थ्योरेटिकल पार्ट है, आप देख के जाना इसको, ओके okay? कहीं भी किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत है ग्रुप पे डिस्कस करो, मुझे कॉल कर लेना, ये सारा मैंने डिटेल में समझा हुआ बेटा, ओके okay? तो इसको इनकी वैल्यूज भी याद कर जाना, कौन कौन सी वैल्यूज है, मे भी पूछ ले कि रेक एंगल कितना लाई करता है वगैरह वगैरह, ओके okay? ये सारे एंगल्स की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है मैंने, लिप एंगल बता दिया मैंने, लिप एंगल, कटिंग एंगल, नाइफ एंगल, वेज एंगल, एक ही बात है, ओके okay? एंड इसके अलावा सरफेस फिनिश, यस देखो मैं फिर बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, प्लीज लिसन केयरफुली, लिसन टू मी, मैं बेटा पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ गेट में, और मैंने अपने जीवन काल में कुछ नहीं कमाया, सिर्फ एक्सपीरियंस कमाया, और वही एक्सपीरियंस से मैं ठोक ठोक के अपना सीना यूट्यूब पे चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया, और काफी बच्चे सेलेक्ट हुए, IAS तक बने, है ना, तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसके पीछे कोई बात है ना, मैं ना प्रधानमंत्री नहीं हूं, समझो मैं एक साधारण सा शिक्षक हूं, और मैं जो बोल रहा हूं उस बात में दम है कुछ, इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उसको कान में डाल के सुन लो, मर्चेंट सर्कल के बाद मैंने जो भी टॉपिक आज कराया आपको, अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आया, अगर उनमें से क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं आएगा, फिर क्या दिक्कत है, नहीं आएगा नहीं बात समझ में, सर नहीं आएगा क्या कर सकते हैं फिर, मैं तो भविष्यवाणी कर रहा हूं ना, नहीं आया तो नहीं आया, बट मान के चलो आएगा, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं आपको कि मर्चेंट सर्कल के बाद मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया वो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस बोल रहा है, जो चीजों को मैं देखता हूँ जिस तरह से, वो ये बोल रहा है कि गेट में बहुत सालों से वही फोर्स, चिप थिकनेस, वेलोसिटी, ये सब पूछे गए हैं, तो इस बार मुझे लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा चेंज आना चाहिए, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएंगे, और ये वाला टॉपिक भी, सरफेस फिनिश इन टर्निंग। तो सरफेस फिनिश इन टर्निंग का फॉर्मूला बेटा याद करें क्या होता है, आपको पता है ना ये सरफेस फिनिश कैसे निकालते हैं हम लोग, मैं बता देता हूँ एक बार, टर्निंग के अंदर सरफेस फिनिश, सरफेस फिनिश होती क्या है, पहले ये पीक टू वाली हाइट का, हाइट निकालते हैं हम लोग, है ना, इस तरह से अगर हम सरफेस को देखें तो इस तरह से चलती है कुछ, है ना, लाइक दिस, इसमें पीक्स होती हैं, वैलीज होती हैं कुछ इस तरह से, है ना, तो अगर यहां से हम मीन माने किसी चीज को, तो ये हमारा बन गया पीक, और ये क्या बन गया बेटा, वैली, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, है कि नहीं बेटा, लेक्चर में बने रहे जाना, मैं कुछ बताऊंगा आपको, बहुत बड़ी बात, अभी ध्यान से सुन के जाना उस बात को, दिस इज व्हाट वी कॉल एच मैक्स, ओके, तो ये एच मैक्स के टर्म में हम लोग रफनेस को डिफाइन करते हैं, ओके, सो सी केयरफुली, अब सरफेस फिनिश इन टर्निंग दो तरीके से दी जाएगी, एक होगा जब वैन टूल टूल नोज रेडियस इज जीरो, मतलब आइडियल केस, जब आपको टूल की नोज रेडियस क्वेश्चन में ना दी गई हो तो आप उसको जीरो मान लेंगे, और उस केस में वो आपको दो एंगल्स देगा, एक देगा एंड कटिंग एज एंगल और एक देगा साइड कटिंग एज एंगल, फॉर्मूला क्या था बेटा याद करो, मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, याद रखना सरफेस फिनिश फीड पर डिपेंड करती है, ओके, सरफेस फिनिश चाहे वो कोई सा मशीनिंग ऑपरेशन है फीड पर डिपेंड करती है, ठीक है, तो एच मैक्स दैट इज अ पीक टू वैली हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, फीड डिवाइडेड बाय, याद करो शियर स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, कॉट फाइ प्लस टेन फाइव माइनस अल्फा, पहले कॉट आ रहा है फिर टेन आ रहा है ना, पहले कॉट आ रहा है फिर टेन आ रहा है, तो आप यहां पे क्या लिखो, कॉट लिखो और यहां पे टेन लिखो, फिर याद करो मैंने ट्रिक बताई थी ईएस वाली आपको, ईएस 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 ऐसे करके कुछ बताया था, ईएस एंड एंड कटिंग एज एंगल साइड कटिंग एंगल, तो यहां पे आएगा बेटा एंड कटिंग एज एंगल, यहां पे आ जाएगा साइड कटिंग एज एंगल, बीच में लगा देना प्लस, ये ट्रिक याद है आपको, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द एच मैक्स, ओके,
ये कब वैलिड है? व्हेन टूल नोज रेडियस इज जीरो, जब टूल की नोज रेडियस आपको जीरो दी जाए या बोले नहीं जाए टूल की नोज रेडियस के बारे में कि एंगल दे दिया जाए दोनों, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एक बार चेक कर लो, ये लिखा हुआ है ना क्लियर cot 10 और साई एस और साई ई। ओके नाउ अब वो आपसे अगर एवरेज की बात करें, ये तो हो गई पीक टू वैली हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट हो गई ये मैक्सिमम ये वाली। अगर वो एवरेज हाइट की बात करें आपसे, एच एवरेज की एक एवरेज हाइट कितनी आ रही है, तो आप क्या करेंगे इसको फोर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एच एवरेज इज इक्वल टू एच मैक्स बाई फोर। एच एवरेज इक्वल टू एच मैक्स बाई फोर। ठीक है नाउ अब अगर वो बोले टूल की नोज रेडियस दी गई है भैया, टूल की नोज रेडियस अगर आपको दे दी जाए तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है एफ स्क्वायर बाई एट आर। ओके क्या फॉर्मूला होता है? एफ स्क्वायर बाई एट आर, दिस इज द एच मैक्स। ओके और अगर यहां पे वो एच एवरेज पूछे आपसे, एच एवरेज तो एच एवरेज हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर अपॉन 18 रूट थ्री आर, खत्म। मतलब ये सेम ही होता है, मतलब लगभग इसका मल्टीप्लाई 32 के बराबर ही आता है। लेट मी चेक इनटू 3, हाँ 31.17 आ रहा है, लगभग वही है। मतलब कुल मिला के समझो मैं क्या कह रहा हूँ, लिसन केयरफुली एवरीवन, वहां पे फॉर्मूला क्या था? एच एवरेज इक्वल टू एच एवरेज इक्वल टू एच मैक्स बाई फोर, ये था ना। यहां पे भी सेम ही है वो, अगर आप ये अगर आपका एच मैक्स है तो उसमें डिवाइड बाई फोर करना है ना, कितना आएगा ये एफ स्क्वायर अपॉन 32 आर, ये आएगा ना। समझो मैं क्या कह रहा हूं, लिसन केयरफुली एवरीवन, रटो मत। अगर मान लो एक वैल्यू आप भूल जाते हो तो रटो मत, मैं क्या समझा रहा हूं सुनो। आप यो तो याद है आपको कि एवरेज वैल्यू होती है एच मैक्स बाई फोर, यहां मैं लिखवा रहा हूं एच एवरेज वैल्यू एफ स्क्वायर अपॉन 18 रूट थ्री। पहले सुनो मैं क्या कह रहा हूं, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? एच मैक्स इक्वल टू एफ स्क्वायर बाई 8 आर। अब अगर आप ये वैल्यू भूल जाओ, मान लो आपको एवरेज वैल्यू याद नहीं रही, तो घबराना नहीं है, इसको डिवाइड बाई फोर कर देना बिल्कुल उसी की तरह से, तो कितना आंसर आएगा? 32 आएगा। अब आप करोगे तो आंसर गलती हो जाएगा, नहीं होगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करके देखना एक बार, यार लगभग 32 के बराबर ही है, 31 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, चेक करो 18 रूट थ्री को मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू रूट थ्री 31.17 लगभग है ना, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर आएगा बेटा। समझ में आ रही मेरी कोई बात, मैं क्या कह रहा हूँ, वो एक ही चीज है, बट मैं चाहूंगा अब इस फॉर्मूले से करके आना, क्योंकि ये एक्चुअल वैल्यू ये देता है। अगर भूल जाते हो तो डिवाइड बाई फोर कर देना, अदरवाइज तो ये ट्रू है। ठीक है, एवरेज वैल्यू है एफ स्क्वायर अपॉन 18 रूट थ्री आर, बट अगर भूल जा रहे हो तो फिर डिवाइड बाई फोर कर देना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैक्स बाई फोर कर देना, दैट्स इट, चलेगा। ठीक है, ओके तो चलिए अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत होगी पढ़ाई लिखाई की बात, अब थोड़ी काम की बात कर ले, है ना। जीवन में बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पापा ने बोला पढ़ ले, मम्मी ने बोला पढ़ ले, फूफा ने बोला पढ़ ले, दादा ने बोला पढ़ ले, एवरीवन इज सेइंग पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, बट नो वन इज सेइंग पढ़ ले। यस और नो, आज हम पैसे की बात करते हैं बेटा, बहुत हो गई हवाबाजी। सो वैसे पढ़ा पढ़ा के ना तंग हो गया हूं, सुनो काम की बात, बहुत होगी नाटकबाजी। बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, कोई एग्जाम नहीं निकलेगा, कितना ही पढ़ लेना आप, एग्जाम तभी निकलेगा जब चीजों को समझ जाओगे, जान जाओगे। ठीक है, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, सबसे पहले तो कि टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट करें बेटा। वो टेस्ट सीरीज खरीदनी आपको वहां से खरीदो यार, बट टेस्ट सीरीज दो सभी लोग, जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं आप सब मुझसे बात करो जरा, बहुत हो गई बेटा पढ़ाई वढ़ाई आपकी। हाँ भाई, निकिता, गणेश, विवेक, शुभम, योगेश, गुरु, विवेश, कौन कौन है, सब लोग आ रहे हो बेटा फटाफट से सामने मेरे, बहुत हो गई नाटकबाजी। सुनो अब काम की बात, ये सब हवाबाजी थी बेटा, ये सब बकवास है अगर आप चीजों को नहीं समझोगे तो, है ना। तो सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई में दो तीन चीजें करनी है आपको। अब सबसे पहले तो डरना बंद करो, मेरे पास कई दिन से मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, अरे सर बड़ी दिक्कत हो रही है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है साहब, ऐसा हो गया साहब, ऐसा हो गया। मैं आज तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मतलब मैं आज तक समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को यार, दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ। अच्छी खासी पढ़ाई चल रही है, बढ़िया, मतलब अभी पास आउट भी नहीं हुआ है, घर में मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, पता नहीं कौन आफत लेके बैठे हुए हो। मैं जानना चाहता हूँ खाना नहीं मिल रहा आपको, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, खाना नहीं मिल रहा? नहीं, घर में रह रहे हो, खाना नहीं मिल रहा, खाना टाइम पे मिल रहा है, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है ना आप लोगों की, ऐसा तो नहीं कि नहीं था कहीं जा रहे हो, या मैं बोलूँ चलो आप हॉस्टल में भी रह रहे हो तब भी कोचिंग करने के लिए कहीं जाना, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे,
क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ पहाड़ खोदना पड़ रहा है आपको, दशरथ मांझी हो रहे हो आप, फिर प्रॉब्लम आ रही है? क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे पहले प्रॉब्लम बताओ, आप प्रॉब्लम क्या है? ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया। डेली में सर बड़ी दिक्कत हो रही है, सर बड़ा बड़ा ये हो रहा है, क्या हो गया? पहाड़ टूट गया आपके ऊपर, आपके बीवी बच्चे भूखे घूम रहे हैं, नहीं चल क्या रहा है, मैं जानना चाहता हूं आपसे। हाँ भाई क्या बात है बेटा, नहीं मुझे बताओ, नहीं आपके बीवी बच्चे भूखे घूम रहे हैं, नहीं साहब आपको दिक्कत हो रही है साहब, वो तो बड़ी दिक्कत है। हाँ भाई सर बीवी बच्चे भूखे घूम रहे हैं भाई, दिक्कत है साहब। तुम्हारे ऊपर कौन सा जोर है अभी है, कौन सा जोर है बताओ मुझे जरा, मैं बात तो करूं उससे एक मिनट। मेरे भाई देखो ये ना जीवन स्ट्रगल से भरा हुआ है, ये आपका स्ट्रगलिंग फेस है, ये आपका स्ट्रगलिंग फेस है, और इस फेज में ना आपको पहले डटना होगा, डटे रहना होगा, जो डटेगा वही जीतेगा। ये जो आपकी हालत है ना आज की, डर लग रहा है, अरे सर ये नहीं हो रहा, नंबर नहीं आ रहे, तो आपको क्या लग रहा है आपके संग हो रहा है? 90% लोगों के संग हो रहा है, 90% एक्सपीरियंस के संग ये हो रहा है। अब कौन जीतेगा? जो डटा रहेगा, जो अपने को बिलीव करेगा कि नहीं यार मुझे, मैंने एक साल से मेहनत करता आ रहा हूं, मैंने पिछले साल सब्सक्रिप्शन लिया था, अब तक मेरी मेहनत चल रही है, मैं इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगा, मैं लगा रहूंगा। एटीट्यूड डेवलप करो पहले, तो टूटो मत, टूटने से कुछ नहीं होता भाई, टूटने से कुछ नहीं होता, पहले तो डटे रहो, आपको डटना बहुत जरूरी भाई। जब तक आप डटोगे नहीं ना बेटा, तब तक नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी चीज जो आपको आज सिखाना चाहता हूं बेटा, ये जो जीवन है ना आपका, मेरा आपका दुनिया का किसी का भी, आप जितनी जल्दी इस चीज को समझ जाओगे जो बताने जा रहा हूं, उतना आपके लिए बेटर है। अदरवाइज बेटा जीवन आपका है, दुनिया आपकी है, आपको जैसा लगे वैसा करो। जितना जल्दी इस चीज को समझोगे उतना फायदे में रहोगे। वो ये जो जीवन है ना, वो यस और नो के बीच में चलता है। वो जी हाँ, ये बिल्कुल ट्रू है। मेरी फिलॉसफी तो यही है जो मैंने अब तक अपने जीवन से सीखा है, ये जीवन यस और नो के बीच में चल रहा है। हाँ और ना, हाँ और ना, करना है या नहीं करना, बात खत्म। बाकी बीच में तो दुनिया फिसती है बेटा, ये बीच का जो मार्ग है ना, इसमें तो दुनिया फिस रही है बस। या तो हाँ या तो ना, अगर गेट की तैयारी में कूदा हूं मैं तो यस, करनी है तैयारी, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया इधर उधर हो जाए, ब्रह्मांड इधर उधर हो जाए, मुझे करनी है बात खत्म। या नहीं करनी तो नहीं करनी भाई, दुनिया मुझसे बोले गेट कर ले या कुछ और कर ले, नहीं करना भाई। एक डिसीजन लेना सीखो पहले लाइफ में, एक डिसीजन, वरना पिस्ते रहोगे यार, पिस्ते रहोगे बेटा, वरना दुनिया पीसती रहेगी आपको। और दिक्कत ये है, जो लोग ये सर में सीख जाते हैं ना, वही खुश रहते हैं बेटा। सपोज मुझे मेरे ऊपर, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मान लो मुझे मुझे कोई काम करना है, सपोज मैंने ये स्टार्टअप स्टार्ट किया, या तो करना या नहीं करना, करना ढंग से करना वरना नहीं करना, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मुझे काम करना है बात खत्म, और नहीं करना तो फिर नहीं करना। तो पहले तो कर, इस गहराई को समझो कि जीवन में आपने जो डिसीजन लिया है वो लिया है ना आपने, तो लिया तो फिर उसमें लग जाओ चुपचाप से, यस है मतलब वो है आपको। अब दुनिया कुछ भी बोले, कितने भी ताने मारे, कुछ नहीं बेटा। देखो यार आप लोग को मैं समझ में नहीं आता, नहीं क्या करते हो। मैंने आवर इवेंट किया था अभी, मेरा एक स्टूडेंट है, 5 साल का स्ट्रगल, उसका 5 साल का, 5 साल का स्ट्रगल, 2017 में पास आउट हुआ था, 22 में जॉब लगी है, 17 का पास आउट है और 22 में, 2022 में इस साल जॉब लगी है उसकी, वो भी एनटीपीसी में ऑफिसर थी थे। ऐसा नहीं है, अगर आप चीजें करना चाहोगे ना बेटा, ईश्वर आपको देगा, लेकिन आप पहले डिसाइड तो करो आप कंफ्यूजन में हो। ये कौन, ये पता है ये कंफ्यूजिंग जोन है, ये मैं समझा रहा हूँ ना, दिस इज कंफ्यूजन जोन, ये कंफ्यूजन जोन है ये। या तो डिसीजन लो, करना है तो फिर किसी की नहीं सुननी, नहीं करना तो फिर बात खत्म, फिर जो मन कर रहा वो करो, नहीं करना गेट तो कुछ और करो जाके, बट करो, करना तो पड़ेगा। एक और चीज जान लो, जीवन में करना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना है, आज कर लोगे या फिर बाद में करोगे। आज कर लोगे तो आज यंग हो, एनर्जी है, जवान हो अभी, है ना, तो अभी बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। एक टाइम के बाद धीरे 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 बेटा एनर्जी भी खत्म होती जाएगी। तो जीवन में याद रखना बेटा, आप और हम आदि वो तो है नहीं, कौन टाटा बिरला कुछ, अंबानी अंबानी, तो हमारे, हमें क्या मिला बेटा नसीब में, हमारे नसीब में क्या दिया भगवान ने, हमें स्ट्रगल, मेहनत। इस मेहनत को, इस मेहनत को ना यूज करो, इस बात को एंजॉय करो। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, एंजॉय करने नहीं चाहते आप तो जरा सी देर में बिदक जाते हो। अरे मेरे दोस्त ने बोल दिया तेरे नंबर नहीं आ रहे, तू तो गेट नहीं कर पाएगा, बस हो गया मूड खराब। अरे भाई ये स्ट्रगलिंग टाइम है आपका, अपनी गलतियों को पहचानो, गलतियों को पहचानो पहले, गलती क्या कर रहा हूँ, कहाँ कर रही हूँ, गलती पे काम करो, गलती पे काम करने की अरे गलती करो तभी तो मार्क्स नहीं आ रहे, तभी तो चीजें नहीं हो रही है, तभी तो गलती करी तभी तो रिवीजन नहीं हो रहा था। जो जहां काम कर रहे थे वहां काम नहीं कर रहे। अरे आपके अंदर कमी है उसी को तो सुधारना है भाई, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उल्टा सोच रहे हो,
अरे भाई मेरे अंदर तो कमी है साहब, मेरे तो नंबर नंबर ही नहीं आ रहे। अबे नंबर नहीं आ रहे तो नंबर लाने की तरफ काम करो ना, सॉल्यूशन की तरफ काम करो। आप प्रॉब्लम में घुसे हुए, कभी रिजल्ट नहीं आएगा भाई। तो मेरे बच्चों मैं क्या समझा रहा हूँ, देखो आप लोग एक चीज समझो यार, आप ही का एक दोस्त, आप ही कॉलेज का एक बंदा टॉप मार जाता है, आप ही का दोस्त एक दिन आपके बोलेगा कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, तो क्या वो कुछ ज्यादा खा रहा था है? उसको ब्रह्मा जी आके कुछ गुटी पिला के चले गए थे कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा है? ऐसा था क्या? नहीं है ना। आप में उसमें क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है। सारा खेल माइंडसेट का है। किसका बेटा? माइंडसेट का, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, सारा खेल किसका होता है बेटा जीवन में? माइंडसेट का। अगर सोच लिया करना है तो बेटा करना है, या मैं नहीं करना एक डिसीजन ले लो। मैं बाद में फिर बोल रहा हूं आपको, जो आप, मैं कह नहीं रहा गेट करो यार, आप जो है पकौड़े की ठेल लगाओ, लगाओ तो सही, लगाओ पकौड़े की ठेल, उसमें भी कमाई है, करो तो सही, कुछ तो करो। हाथ पैर रख के बैठे हो, आए दिन डिमोटिवेट होते रहते हो, तो सॉल्यूशन की तरफ काम करो, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। प्रॉब्लम तो बेटा जिंदगी हर हर अगले दिन देगी तुम्हें। क्या लग रहा है आपको? बड़े बड़े खुश अभी आपको ये लगता है ना, अरे गौरव सर बस एक जॉब मिल जाए उसके बाद तो जीवन सफल सर, मजा आ जाएगा है। अरे गधों, जॉब लगने के बाद आपको असली चीज पता चलेगी। सिर्फ जॉब लगने से एक चीज हो जाएगी जो जिसको आपको खुशी देगी, वो ये कि आपके पास पैसा आएगा। बस बस एक चीज चेंज होगी लाइफ में कि पैसा होगा आपकी जेब में, मतलब आपको मांगना नहीं पड़ेगा किसी से, मतलब आप निर्भर हो जाओगे। लेकिन जीवन में कठिनाइयां और बढ़ती जाएंगी, और फिर हर अगला दिन तो कठिनाई भरा लगेगा। अगला दिन ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूँ बेटा मैं। तो आप चिल्ला रहे हो ना जॉब 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 जॉब, यस जॉब लगानी है, अंडाउट लगानी है। और आपको ये लग रहा है कि जॉब लगने वाला तो सुनहरा जीवन हो जाएगा मेरा, हा, आरिया नाचेंगी मेरे पास आके ऐसे कर करके है, ये सब बेटा ख्वाब है आपके पास। जॉब लगने के बाद सिर्फ आप आत्मनिर्भर होंगे, जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी सर। आज जितना प्रेशर है ना उससे ज्यादा प्रेशर आपकी लाइफ में होगा। सिर्फ एक चीज होगी आपके पास कि आपके जेब में पैसा होगा और कुछ चेंज नहीं होने वाला सर, बिकॉज लाइफ इज द स्ट्रगल। हर हर अगला दिन आपके लिए स्ट्रगल भरा होगा, हर अगला दिन आपके लिए प्रॉब्लम लेके आएगा, बट ये अब आपका माइंड सेट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि यस मुझे इसी से तो लड़ना है, क्योंकि यही जीवन है और कुछ है ही नहीं भाई। स्ट्रगल लाइफ इज स्ट्रगल, इट स्टार्ट फ्रॉम वूम एंड गोज टू टूम। याद रखना मेरी बात हमेशा जीवन में, लाइफ इज स्ट्रगल। लाइफ क्या है बेटा? स्ट्रगल है। लाइफ क्या है? स्ट्रगल। लाइफ इज स्ट्रगल, इट स्टार्ट फ्रॉम वोम, इट स्टार्ट फ्रॉम वोम एंड गोज टू सोम। जीवन में सेंटेंस याद कर लो, लाइफ इज स्ट्रगल, इट स्टार्ट फ्रॉम वोम। वोम गर्भाशय के अंदर होते हैं ना, अपनी मम्मी के पेट के अंदर भी स्ट्रगल ही होता है बेटा, तब भी ऐसे करके बैठे रहते हैं, वहां पे निकल नहीं पाते, वहां पे ऐसे ऐसे बैठे रहते हैं ऐसे कर करके, वो भी स्ट्रगल है। और ये कहां से स्टार्ट होता है? पेट से स्टार्ट होता है। कहां से चलता है? जब तक आप कवर में नहीं घुस जाते। यही ट्रू है बेटा, यही जीवन की सच्चाई है। इसीलिए स्ट्रगल से डरो मत, हर अगला दिन आपके लिए स्ट्रगल भरा होगा, हर अगला दिन स्ट्रगल भरा होगा। इसलिए एक माइंड सेट तैयार कर लो कि लाइफ तो बार बार आपको मारेगी पीटेगी, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उसी उसको पॉजिटिव माइंड सेट के साथ आगे ले जाना, तभी आपकी जॉब लगेगी वरना नहीं लगेगी। जब तक ये एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आएगा ना, तब तक आपकी जॉब लगेगी भी नहीं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यस यही लाइफ है। आप सोचते हो, हर दूसरे दिन आप सोचते हो कि यार कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा, सब अच्छा ही हो रहा है एक्चुअली, सब अच्छा ही है। ये जो स्ट्रगल आपको भगवान ने दिया ना, ये भी अच्छा है, हर किसी को नहीं मिलता बट स्ट्रगल। मुझे तो बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो अपने मतलब कमा कमाए जिनको मिल जाता है। अरे तुमने क्या फाड़ा लाइफ में? तुम तो कुछ करके दिखाओ ना। एक देखूंगे आप लोगों ने, कुछ लोग पापा का बिजनेस मिल गया था, खुश हो रहा है, गाड़ियों में घूम रहा है, तुमने क्या करा भाई जीवन में? तू कुछ करके दिखा ना पहले, पापा के पैसे तो घर को यस कर लेगा, तूने क्या करा? तुम लोग खुश नसीब हो, आपको चुराए थे दिखाने के लिए, नाकारा नहीं हो आप लोग। इसलिए काम करो बेटा, काम से डरो मत। मेरी बात समझ में आ रही है? काम करो वरना कुछ नहीं होगा भाई। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। प्रॉब्लम्स हैं बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, और आप अकेले नहीं हो। जैसे कितने लोग बैठे हैं, 22-23 लोग बैठे हैं आज, शुभम पंडित है, योगेश है, गुरु भाई है। आप एक बात बताओ, आप मुझसे रोना रोते हो आए दिन आके कि सर अरे नॉर्मल सोल्व नहीं हो रहा सर, अरे ऐसा हो गया सर, तो आपके संग का अकेला वो? नो, 90% एस्पिरेंट का सेम प्रॉब्लम है। अब आपको ये तय करना है, सुनो, 90% जो प्रॉब्लम आपको हो रही है ना आजकल, वो 90% एस्पिरेंट के साथ हो रही है। बिलीव मी, अरे बिलीव मी भाई, हो रही है ये। अब 10% लोग हैं जिनको भी प्रॉब्लम होती है, पर उन्होंने अपना माइंड सेट सेट कर लिया कि नहीं यार मुझे काम करते जाना, बात खत्म। जितना जल्दी आप इस 90% से इधर आएंगे उतने आपका सिलेक्शन होगा, वरना नहीं होगा। नाउ इट्स योर चॉइस, समझो मैं क्या कह रहा हूं।
सबके साथ ऐसे हो रहा है मेरे भाई, सबके साथ हो रहा है सही, सबको प्रॉब्लम है, नेट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा साहब, ऐसा नहीं हो रहा साहब, वैसा नहीं हो रहा, बिल्कुल सही बात है ये। उसकी सोल्यूशन ढूंढो और चुपचाप अपने पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी। हमने नोट्स रिवाइज करो, जो चीज हमने पढ़ाई उनको उनको ध्यान में रखो। सबसे बड़ी चीज मोटिवेट होने के लिए, सबसे बड़ी चीज जीवन में मोटिवेट होने के लिए, गेट के पेपर मोटिवेट होने के लिए, सुनो तो ध्यान से। अगर आपको इतना भी ज्यादा मतलब आग लगी जा रही है ना कि नहीं नहीं साहब मेरे से कुछ नहीं होगा, तो सुनो सुनो, याद करो आज से एक डेढ़ साल पहले का वो दिन जब आप हमारी कोचिंग में आए थे, जब मुझसे जुड़े थे, उस दिन आप क्या गेट के एक भी क्वेश्चन लगा पाते थे? नहीं लगा पाते थे। दो या तीन क्वेश्चन मुश्किल से लगाए, वो बहुत बड़ी बात है। याद करो वो दिन जब आपको एसएफडी पीएमडी नहीं आता था, याद करो वो दिन जब आप गौरव बाबू से नहीं मिले थे, याद करो वो दिन जब मैन्युफैक्चरिंग का मर्चेंट सर्कल आपको नहीं पता था, आज से डेढ़ दो साल पहले जो आपने अपनी तैयारी स्टार्ट की थी, गेट का एक भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता था। और आज आफ्टर आफ्टर वन एंड हाफ ईयर और वन ईयर आज आप गेट के 99% क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, हाल है ना, बिल्कुल सही बात है ये। आप आज डेढ़ साल के बाद गेट के 99 पीवाई को सॉल्व कर पा रहे हो, पिछले 35 साल के 35 ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। डेढ़ साल में कुछ नहीं सीखा, नहीं बोल रहा ऐसा कुछ नहीं सीखा, बताइए मुझे कुछ सीखा आपने? बिल्कुल राइट ट्रैक पर है। आपका मिस सेट है कि आप इस दुनिया की जो गंदगी है उसकी वजह से आप डाइवर्ट हो गए। क्या लगता है आपको, आपने डेढ़ साल वेस्ट कर दिया क्या? बिल्कुल नहीं करे सर, बिल्कुल नहीं करे। बोल रहा आपने कि डेढ़ साल वेस्ट कर दिए, सुना के लाओ मेरे पास उसको जो बोल रहा है बेटा तू अपना चीन खराब कर ले, बोला के लाओ मुझे। बिल्कुल गलत बात है सभी, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना होगा बेटा, रखना होगा कि मैंने जो डेढ़ साल की मेहनत करी है वेस्ट नहीं जाने दूंगा मैं गेट की तैयारी करने आया था डेढ़ साल पहले, मैं कुछ नहीं जानता था, आज मैं 99% क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने कुछ कमाया है, मैंने कुछ कमाया है, मैंने कुछ कमाया तो मैं अपनी इस कमाई को बर्बाद नहीं जाने दूंगा, इसीलिए मैं पॉजिटिव माइंड सेट के साथ पढ़ाई करूंगा, दुनिया मुझसे कुछ भी बोले, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे उसको एनालाइज की, उसके बाद उस पर काम करके लाइफ में आगे बढ़ूंगा, दैट्स इट। और ये जो स्ट्रगल है इसको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे चुना है, ईश्वर मुझे हरामखोर बनाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे स्ट्रगल दिया है, मैं अपनी मेहनत से अपने आपको कामयाब करके दिखाऊंगा। दिस शुड बी योर एम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और जो लोग आपसे बोल रहे हैं इंजीनियरिंग करके ये कर लिया बर्बाद हो गए फलाना हो गए ढंगा, सब हवाबाज लोग हैं ये। इंजीनियर्स की जरूरत जिंदगी में हमेशा पड़ती रहेगी, ऐसी कोई टाइम नहीं है इंजीनियर को इंजीनियर की जरूरत खत्म हो जाए। आई अंडरस्टैंड ये बिजनेस साइकिल होती है जो 8-8 साल बाद रिपीट होती है, 8-9 साल बाद, अभी थोड़ा डाउनफॉल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट डजंट मीन कि आप बर्बाद हो गए, नो ऐसा नहीं है। लाइन से लाइन से एग्जाम निकल के आ रहे हैं यार, लाइन से पीएसयू की जॉब निकल के आ रही है, अब इट्स योर चॉइस कि आप कैसे उसको देख रहे हो। ये सब हवाबाजी वाली बात है कि जॉब नहीं है साहब फलाने ढिमकाने, मेहनत तो करो यार, आई अंडरस्टैंड कमी आए, बट आप अगर कूदे हो इस फील्ड में तो करके दिखाओ, बात खत्म, वरना बैठ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो। क्लियर? तो मेरी इस बात को याद रखना, इस डेढ़ साल में आपने बहुत कुछ कमाया है बेटा, ये आपको बर्बाद नहीं होने देना। अपने शॉर्ट नोट्स पर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, उनको रिवाइज करो, और प्लीज जो हवाबाज लोग हैं ना जो बहुत बड़े बड़े खतरनाक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं लाला के, ठीक आई अंडरस्टैंड करने चाहिए हमें, लेकिन अभी मत करो, खत्म हो गया, चुपचाप से रिवाइज करो बस, जो करना था कर लिया आपने, ठीक है। सो क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई सबको? तो डरोगे तो नहीं, अब आग लगा दोगे दुनिया में? हमेशा याद रखो बेटा, सबके अंदर सीम प्रोटीन छुपा हुआ है, उसको बस निकाल के दिखा दो दुनिया को, करके दिखा दो यार, कमजोर नहीं आप लोग, आप सब लोग बहुत बेस्ट हैं, आपके अंदर असीम पोटेंशियल छुपा हुआ है, दिखा दो करके कि यार, और सबको बता दो कि यार आप कौन हो, ठीक है। बहुत हो गई हवाबाजी, ये डेढ़ जो महीना बचा है ना आपके पास, सवा महीना जो भी आज 40-50 दिन बचे हैं, 40-45 दिन, आग लगा दो बस दबा के, मजा आ जाए, ठीक है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लो कि एक महीने बस अब मैं दिन रात एक कर दूंगा बस, ठीक है। और गेट के पेपर से पहले सांस नहीं लेनी आपको, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ, ये नहीं कि जबरदस्ती बोझा रहना, बोझा नहीं रहना है, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाओ और देखो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो याद रखना मेरे सेंटेंस को कि लाइफ इज स्ट्रगल, इज स्टार्ट फ्रॉम वूम एंड गोज टू टूम्ब, बिल्कुल जीवन का परम सत्य है बेटा, हर अगला दिन आपको स्ट्रगल भरा नजर आएगा और उसको एक्सेप्ट करना है आपको, और यही जीवन है यार, जिसके जीवन में स्ट्रगल ही नहीं है, जिसने कभी स्ट्रगल फेस ही नहीं किया, पापा की दौलत मिल गई है, वो क्या जीवन यार, जीवन है क्या वो? तो कोई जीवन वीवन नहीं है वो, अपने आप से कुछ करके देखा उसमें मजा ही अलग है, बात समझ में आ रही है कि मैंने किया यार, मेरा खुद का प्राउड आएगा आपके अंदर, तो उस डायरेक्शन में जाओ यार, इसीलिए कंपेयर करना बंद करो, कंपेयर करना बंद करो, अपने आप पे फोकस करो। तो इसी के साथ मेरे बच्चों,
क्या बात है बेटा शाकाल भाई, क्या बात है आज आ रही इमाम, क्या बात है बेटा, क्या बात है। तो मेहनत करो मेरे बच्चों यार, आप सब सक्सेस होंगे लाइफ में। और एक आखिरी बात और बता दूं, एक आखिरी बात, आपके दिमाग में एक चीज आती होगी बार बार कि अरे यार मेरे दोस्त की जॉब लग गई सर, मेरी पता नहीं कब लगेगी, अरे मेरा वो दोस्त सेलेक्ट हो गया सर, वो वहां पे सेलेक्ट हो गया, पता नहीं मेरा क्या चल रहा है, भगवान मुझसे क्या चाह रहा है, पता नहीं मैं सेलेक्ट होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरा जीवन तो खराब हो रहा है। ये थॉट्स आपके दिमाग में आते होंगे, आई एम श्योर आते होंगे, आने भी चाहिए, आप इंसान है, भगवान नहीं है ना। लेकिन मैं आपको लिख के दे रहा हूं बेटा, लिख के दे रहा हूं मैं, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं, नो डाउट मेहनत में कमी हो सकती है, ऊंच नीच हो सकती है, अनडाउटली हर कोई बंदा परफेक्ट नहीं है जीवन में, तो अगर आप सच्चे दिल से मेहनत कर रहे हैं पर आप अपने एम को लेके बिल्कुल सजग हैं कि नहीं मुझे करना है, मैं लिख के दे रहा हूं मेरे बच्चों, आज नहीं तो कल आपको आपका मुकाम मिलेगा, जरूर मिलेगा। याद रखना मेरी एक और बात, योर एफर्ट्स, जो आपके एफर्ट्स जो आज आप लगा रहे हो, दैट विल नेवर बी वेस्टेड, ये कभी वेस्ट नहीं होंगे, कभी वेस्ट नहीं होंगे, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। आज आप जो मेहनत करो ना, आपके सामने कल जरूर आएगी, किसी ना किसी रूप में जरूर आएगी। इफ यू आर थिंकिंग यार मैं गेट की तैयारी कर रहा हूं, मैंने इतनी सारी इंजीनियरिंग सीख ली बेकार हो जाएगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आपके एफर्ट्स आपके सामने आएंगे, देर सवेर आएंगे, आएंगे जरूर। इसलिए पॉजिटिव माइंड सेट के साथ बेटा पढ़ाई करो, हो सकता है आपकी जॉब कल ना लगे परसों लगे, बट लगेगी जरूर, ये कंफर्म है, लिख के दे रहा हूं, लगेगी जरूर। ठीक है दोस्तों, तो जाइए मजे करिए, पढ़ाई करिए, और सोम का सेशन, यस सुब्रमण्यम सोम का भी मुझे लेके आना है, एक दो दिन में मैं सोम का सेशन भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो जाओ मजे करो, मेरा ऐप डाउनलोड कर लो, आप थोड़ी सी यार मेरी एक सपोर्ट करो, आप लोग जितने पुराने बच्चे हैं यार, आप लोग यार मेरा ऐप वेब ना अपने दोस्तों ग्रुप कॉलेज वॉलेज में डालो यार जाके, है आप लोग सपोर्ट ही नहीं करो जरा सा भी यार। तो ये ऐप जो बनवाया मैंने बेटा, ये आप लोगों के जूनियर वूनियर के लिए बनवाया है, कमाल कर रहे हो पंडित जी, इसको जाओ अपने कॉलेज ग्रुप में डालो कि गौरव बाबू सर अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है बात, अभी मेरे पास अभी भी मैसेज आते हैं कि सर मैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहता हूँ कितने रुपए का, मैंने कहा भाई मैं छोड़ दिया वहां से सबको, चल। तो मेरे बच्चों थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, जितने भी आपके थर्ड ईयर वर्ड ईयर के दोस्त हैं यार हैं, उनको बोलो गौरव बाबू सर ने अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया है और वो खुद ही अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो मेरा ये ऐप का लिंक विंक उनको भेज दो बेटा। ठीक है, चलिए बाकी लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो, कोई भी डाउट है बेटा, जैसे मैंने आज सेशन करवाया अपने लेवल पे, इफ यू आर थिंकिंग गौरव सर ये टॉपिक और करा देना तो मुझे ना व्हाट्सएप डाल दिया करो, या हमारी इंक्वायरी आपको नंबर दिए हुए हम लोगों ने, जो भी आपको लगता है कॉल कर दिया करो, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे, भाई आपके लिए तो आए हम लोग यहाँ पे। ठीक, तो मेरे अलावा और भी एजुकेटर्स हैं, टॉम टॉम का भी यहाँ पे रिविजन सेशन होगा पूरा, थर्मोडाइनमिक्स का पूरा रिविजन सेशन होगा, हीट ट्रांसफर का पूरा रिविजन सेशन होगा, तो जस्ट स्टे ट्यून, जुड़े रहिए मेरे साथ मेरी टीम के साथ, और डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत कुछ करने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है सर, आप तो हम जैसे बच्चों की जाना, थैंक यू भाई, थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन मेट्रोलॉजी का रखो, नयन माली, अरे भाई नयन माली कल ही कराया मेट्रोलॉजी मैंने, ये जो आज आप सीरीज देख रहे हो ना, ये पूरा ना एक रिवीजन सेशन नाम से प्लेलिस्ट बन जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके वहां पे देख लेना, आज डे टू था बेटा है ना, कल डे वन था, तो मेट्रोलॉजी में कल करा चुका हूँ दोस्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों मोदी जी की स्टाइल में एक बार फिर से आपसे बोलना चाहूंगा मैं, भाई वो बहनों मारा आपसे सिर्फ लाइक और शेयर मांगा है, आप मुझे लाइक और शेयर दीजिए, उसके बाद अगर मेरी कोई कमी रह जाए, कोई गलत इरादा निकल आए, तो आप जिस चौराहे पे मुझे बुलाएंगे मैं उस चौराहे पर सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तो भाइयों बहनों बोलो भारत माता की जय। तो चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल फॉर योर रेस्पॉन्सेस, फॉर कमिंग एंड फॉर मेकिंग दिस सेशन सक्सेसफुल, सो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू काइंडली शेयर माय वीडियोस इन योर कॉलेज ग्रुप्स, इन योर स्टडी ग्रुप्स, सो दैट मेरा जो चैनल है वो थोड़ा सा ग्रो करे, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइस, सो चलिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, मुलाकात करूंगा कल नए टॉपिक के साथ, नए रिविजन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय गाइस, थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल। सूर्यजीत पूजर बेटा मुझे कॉल कर लेना, सूर्यजीत मुझे कॉल कर लेना, मैं आपका बेटा क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।